हेलो स्टूडेंट्स टूडे विल स्टार्ट द कंट्रोल सिस्टम ओके बट बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है व्हाई कंट्रोल सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट टू अस ओके अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो अगर आपको किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सो so उसके सारे मेथड्स आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो लाइक बोडे प्लॉट लाइक नाइक्विश प्लॉट राइट लूट लोकस लाइक रूट हरवेट्स ऑल द मेथड्स यू स्टडी इन कंट्रोल सिस्टम ओके किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करना है चाहे वो ओपन लूप सिस्टम हो चाहे वो क्लोज लूप सिस्टम हो तो वो सारे एनालिसिस आप पढ़ते हो कंट्रोल सिस्टम में सो so प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? नाउ अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सो फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड बोथ एग्जामिनेशन गेट एंड ई एस दोनों ही एग्जाम में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों के लिए ही ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करें गेट में तो हर साल आप सिक्स टू सेवन परसेंट मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में और अगर आप बात करें आईएस में सो so अगेन आप फाइव टू सेवन परसेंट मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम से ओके सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay. नाउ अगर मैं बात करूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए पहले से इज वी रिक्विजिट टू स्टडी कंट्रोल सिस्टम ओके सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीजें जो आनी चाहिए वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम हर जगह यूज करेंगे क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में आपको हर एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड इनपुट बहुत अच्छे से आना चाहिए वो है आपका मैट्रिक्स ओके okay? तो मैट्रिक्स अगर आपको अच्छे से आता है ओके okay? सो so, आप अगेन कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो ओके okay? सो so, मैट्रिक्स की नेसेसिटी क्यों है कंट्रोल सिस्टम में जब आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ोगे जो कि लास्ट टॉपिक है आपका कंट्रोल सिस्टम का तो वहां पर भी आपको कंप्लीट मैट्रिक्स एनालिसिस ही करना है ठीक है ना सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिक्स अगर ये दो टॉपिक मैथ्स के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो आपको कंट्रोल सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एक और टॉपिक हम कंसीडर कर सकते हो जो आपको पहले से आना चाहिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एंगल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको मैग्निट्यूड कैल्कुलेट okay? करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप नाइक्विट और बोर्डे प्लॉट वगैरह पढ़ोगे तो आपको एंगल एम्पलीट्यूड हर एक क्वेश्चन में कैल्कुलेट करना होगा ओके सोलास्ट ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर ये आपको आता है बेसिक मैथ्स सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने में और समझने में ओके ना बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट अगर हम लोग ये जान लें कि हमें कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है ओके सपोज करिए अगर हम एक लिस्ट बना ले यहां पर कंटेंट वाइज कि हमें क्या क्या पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम के पूरे सब्जेक्ट में फॉर गेट एंड आईएएस फॉर बोथ ब्रांच सो जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यहां पर वो पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स ओके इस पर हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है इस पर हमें पढ़ना है कि जो कि हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी या हम नहीं पढ़े तो हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे सिस्टम का बेसिक मीन्स सिस्टम को हम जब इनपुट देते हैं तो सिस्टम किस तरह से प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है कंट्रोल सिस्टम जैसा मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल सिस्टम है सो so ऑलवेज हमें कंट्रोल सिस्टम में एलटीआई सिस्टम ही यूज करना होता है लीनियर टाइम इन सिस्टम ओके अगर हमें सिस्टम का एनालिसिस पता है तो कैसे हम आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी है बेसिकली बेसिक्स ऑफ सिस्टम में हमें यह भी पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम में कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है ओपन लूप सिस्टम और क्लोज सिस्टम में कौन सा सिस्टम बेटर है फिर हमें यह भी पढ़ना है कि loop system में में का का क्या impact होगा? Positive feedback का क्या होगा, होगा, और negative feedback positive feedback में कौन सा फीडबैक बेटर है ओके okay? सो so ये सारी चीजें हमें बेसिक्स ऑफ सिस्टम में स्टडी करनी है ओके बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमें स्टडी करना है बेसिक्स ऑफ सिस्टम में बेसिकली हमें कंट्रोल सिस्टम का जो सिस्टम वाला पार्ट है उसका पूरा एनालिसिस कर लेना है उसके पूरे बेसिक्स का इस फर्स्ट सब्जेक्ट में इस फर्स्ट चैप्टर में ओके okay? नाउ, जो सेकेंड चैप्टर हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में वो हमें पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओके, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपने देखा बेसिक्स ऑफ सिस्टम वो तो आपका नली थ्योरिकल ही होगा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो आपका आई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और थ्योरिकल पीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा गेट के लिए जनरली उस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन अगर मैं सेकेंड टॉपिक की बात करूं ब्लॉक डायग्राम एंड एस तो ये टॉपिक आपके गेट और ई दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में लगभग हर साल बोल सकते हैं आप या एक साल के गैप में एस से सिग्नल फ्लोग्राफ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है आई एस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ क्यों पढ़ना है हमें ये टॉपिक क्या अचीव करेंगे इस टॉपिक को पढ़ के हम सो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे वो सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो चाहे उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हो वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम यूजिंग ब्लॉक डायग्राम फिर जब हमने ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया सो सिग्नल फ्लोग्राफ क्यों पढ़ना है फिर हमें सिग्नल फ्लोग्राफ इसलिए पढ़ना है हमें क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें इवन आप सब्जेक्टिव की भी बात करें सो बहुत सारे स्टेप्स आपको लगेंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अगर आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन आपके बहुत बड़े बड़े क्रिएट हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आपका टाइम वेस्ट होगा इसीलिए थ्रू भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं input, और सिग्नल का एक और है, जो कि ब्लॉक डायग्राम में नहीं था वो ये है कि आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू है ना मीन अगर आपके बीच के भी जो नोट्स हैं जो बीच के भी आउटपुट्स हैं उनके बीच पे भी आप रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं ठीक है ना जैसे इनपुट नोट की कंडीशन होती है आउटपुट नोट की कंडीशन होती है वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में में बट अगर मैं ब्रीफ में बोलूं, तो ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लोग्राफ दोनों का ही यूज जो मेन यूज है वो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने में है सिग्नल फ्लोग्राफ का एक एडवांटेज यूज है एक और यूज है कि आप एनी टू वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्नल फ्रोग्राफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्नल फ्रोग्राफ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला भी पढ़ना है मेजॉन्स गेन फॉर्मुला जो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होता है ये फॉर्मूला ओके नाउ नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं दैट इज थर्ड चैप्टर इट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस और आप बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल सिस्टम आपका सब्जेक्ट है उसके जो मेन न्यूमेरिकल पार्ट है या मेन जो आपका डेरिवेशन पार्ट है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है तो ये टॉपिक बोल सकते हैं बहुत ही मेजर टॉपिक होगा गेट और आई दोनों एग्जाम्स के लिए और दोनों ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओके okay, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे बेसिकली हमें पढ़ना क्या है हमें यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पढ़ने लाइक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दोनों ही सिस्टम के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट अपलाई करके देखना है कि आउटपुट कैसे आएंगे हमें यह देखना है कि सिस्टम्स का ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस कैसा है स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस कैसा है ठीक है ना हमें डिटेल में स्टडी करना है व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस व्हाट इज स्टडी स्टेट रिस्पांस ठीक है ना ट्रांजिएंट मींस अभी के लिए अगर ब्रीफ में बात करूं मैं ट्रांजिएंट मींस जो स्टेबल नहीं है जो लगातार क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है स्टडी स्टेट मीनस जो एक फिक्स हो चुका है कॉन्स्टेंट हो चुका है स्टेबल हो चुका है सो so बेसिकली हमें स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है ठीक है ना और हमें यह भी एनालिसिस करना है कि जब हम स्टडी स्टेट पे पहुंच गए जैसे कि हम स्टेबल हो गए तब स्टडी स्टेट एरर कितनी आई मींस जो हमने आउटपुट सोचा था स्टेबल होने पर क्या हमने वो अचीव किया है तो अगर हमने अचीव कर लिया है तो स्टडी स्टेट एरर आपकी क्या हो जाएगी जीरो और हमने अगर अचीव नहीं किया तो स्टडी स्टेट एरर आपकी प्रेजेंट होगी ओके okay, सो so हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर सिस्टम मेन होंगे हमारे उसके अंदर हमें ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस स्टडी स्टेट एरर ये सब का एनालिसिस करना होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि यहां पर आपको डैम्पिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका एनालिसिस आपको करना होगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ठीक है सो so, ओवरऑल हमें इतनी चीजें एनालिसिस करनी है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ओके okay? बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ गेट एंड आई ओके नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है यहां पर वो पढ़ना है हमें रूथ हरविट्स ओके इसमें हमें क्या पढ़ना है

आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा जब उसके सारे रूट्स या उसके सारे पोल्स जो हैं वो क्या होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ओके बट सपोज करिए आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जिसके जो पोल्स हैं वो इस तरह से गिवन है एस की पावर फोर प्लस फाइव एस क्यूब प्लस सिक्स एस स्क्वायर माइनस नाइन ओके okay. वो फोर्थ ऑर्डर का है तो आपको कैसे पता चलेगा कि रूट्स कौन कौन से हैं आपको रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना सो so, रूट्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि ना तो आईएस के ऑब्जेक्टिव में ना ही गेट के ऑब्जेक्टिव में ऐसा कैलकुलेटर अलाउ होता है जिससे आप रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके आईएस के ऑब्जेक्टिव में तो अलाउ ही नहीं होता कैलकुलेटर आपका और गेट के ऑब्जेक्टिव में भी आप फोर्थ ऑर्डर का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है ना सो so, सपोज करिए फोर्थ छोड़िए अगर का आ गया, तब आप क्या करेंगे? सो so, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है थ्रू है, है? So, so, आप बता सकते हैं कि आपके कौन से पोल्स राइट हैंड साइड में हैं कौन से पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, हैं और कौन से पोल्स आपके, आपके इमेजनरी एक्सिस में हैं ठीक है ना उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि वो, वो है, है? So, अनस्टेबल so सबसे बेटर टेक्निक जो होती है, होती है आपकी रूट हर्विट्स ओके इन हाइयर ऑर्डर इक्वेशन को जो कि डिनोमिनेटर में होते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना तो जिन इक्वेशन से हमें पोल मिलता है उन इक्वेशन को हम पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में होंगे कितने में होंगे और कितने इमेजनरी एक्सेस में होंगे सो so, टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका गेट और आई दोनों एग्जाम्स के लिए और दोनों ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका रूट लोकस इन रूट लोकस क्या अचीव करते हैं हम एक्चुअली होता क्या है रूट हरविट से आप रूट्स की पोजीशन तो निकाल सकते हैं कि वो लेफ्ट में है कि राइट right में है बट सपोज करिए कोई एक वेरिएबल हो हमारे पास के जिसपे हमारे पोल्स का इक्वेशन जो है वो डिपेंड कर रहा हो जिसपे हमारे पोल्स की वैल्यू डिपेंड कर रही हो और अगर हम उस के को वेरी करें

जनरेट होगी या किस तरह पोल्स की लोकेशन को वेरी करने से किस तरह से आपका ग्राफ बनेगा ये सब चीजें हम एनालिसिस करते हैं रूट लोकस पे जो कि रूट पे पॉसिबल नहीं था रूट हर्विट्स पे हम सिर्फ इतना बता सकते थे कि कोई भी एक पोल के की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेफ्ट में है कि राइट में है की में बट रूट लोकस पे हम के की वैल्यू को वेरी करा करा के एक ग्राफ जनरेट करते हैं लोकेशन ऑफ पोल्स का सो रूट लोकस क्या है आपका इट इज अ ग्राफिकल टेक्निक ठीक है ना वी शोज द पाथ ऑफ द पोल्स ओके सो रूट लोकस थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है इस पे बहुत सारे आपके रूल्स होते हैं पहले उन रूल्स को आपको समझना होता है डिटेल में उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल अप्रोच कर सकते हैं ठीक है तो कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं बात करूं सबसे टफ टॉपिक कौन सा है तो वो रूट लोकस ही है आपके लिए लेकिन अगर इसके रूल्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो उसके बाद सबसे आसान टॉपिक भी रूट लोकस ही है आपके लिए ओके okay? क्लियर है पॉइंट नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक होता है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में हमें करना क्या है हमें यह देखना है कि जब हम किसी भी सिस्टम को साइनोसोडल इनपुट देंगे तो कैसे आउटपुट भी साइनोसोडल होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारा इनपुट जो होगा वो एसी होगा और आउटपुट भी हमारा क्या होगा एसी होगा दट से ठीक है ना सो so, हमें एसी इनपुट एंड आउटपुट के साथ डील करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में जबकि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारे इनपुट क्या होते थे स्टेप इनपुट रैम्प इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारे इनपुट क्या होंगे साइनोसोडल सिग्नल ओके और हमें यहां पर जिस तरह से हमने रूट लेकर के की वैल्यू को वैरी कराया यहां पर हम ओमेगा की वैल्यू को वैरी कराते हैं फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिटी तो हमें यह पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ओके जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम में वो हमें पढ़ना है पोलर प्लॉट पोलर प्लॉट एक फ्रीक्वेंसी डोमेन की ही एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग ओपन लूप सिस्टम ठीक है, है ना यहां हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे बट यूज किसका करेंगे ओपन लूप सिस्टम का वो हम देखेंगे जब हम मेथड पढ़ेंगे बट इंपॉर्टेंट क्या है पोलर प्लॉट को स्टेबिलिटी के लिए यूज तो किया जा सकता है बट जनरली हम करते नहीं है बिकॉज इट इज इनकम्लीट प्लॉट इसका जो कंप्लीट वर्जन है वो हम पढ़ते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में ओके सो पोलर प्लॉट में हम करते क्या है बेसिकली पोलर प्लॉट में हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल का ग्राफ बनाते हैं विथ ओमेगा वेरीज फ्रॉम जीरो सो so, इसीलिए आपको किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना आना चाहिए जब आप एस की वैल्यू जे ओमेगा पुट करें आफ्टर दैट यू नो हाउ टू डिटरमाइन एंगल एंड एम्पलीट्यूड दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक्स आपको आना चाहिए बिफोर स्टडिंग द कंट्रोल सिस्टम ओके सो ये हमें पढ़ना है पोलर प्लॉट में ठीक है नाउ पोलर प्लॉट भले ही आपका इनकम्प्लीट प्लॉट है लेकिन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप नाइक्विश प्लॉट नहीं पढ़ सकते और नाइक्विश प्लॉट गेट और आई पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है ठीक है तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नाइक्विश प्लॉट नाइक्विश प्लॉट में हमें क्या क्या पढ़ना है नाइक्विश प्लॉट में हमें पढ़ना है कि कैसे हम नाइक्विश प्लॉट का यूज करके किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है ना प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से चेंज हो जाएगा या नाइक्विस प्लॉट पे क्या इफेक्ट होगा जब आपका ट्रांसफर फंक्शन पे ओरिजिन पे कोई पोल हो तो ठीक है ना तो ये सारी चीजें हमें नाइक्विज प्लॉट पे पढ़नी है ठीक है ना हमें ये देखना है कि जब हम कोई ट्रांसफर फंक्शन में जब हम कोई जीरो एड करते हैं तो क्या फर्क होता है उसकी स्टेबिलिटी पर जब कोई पोल एड करते हैं तो क्या फर्क आता है उसकी स्टेबिलिटी पर ये सारी चीजों का एनालिसिस हमें नाइक्विस्ट प्लॉट में पढ़ना है ठीक है ना अगर आपको पोलर प्लॉट आता है तो आपको नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कंप्लीशन ऑफ पोलर प्लॉट सो ये बेस्ट माना जाता है टू डिटरमाइन द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए ठीक है ना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन ठीक है इस पर हमें यह देखना है कि किसी भी सिस्टम की अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन आर द टूल्स टू कैलकुलेट द टू डिटरमाइन द टू एनालाइज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ठीक है ना हमें इस पर यह देखना है कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होगी ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी एंड फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन की तरह ही इंपॉर्टेंट है ओमेगा जीसी एंड ओमेगा एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है सो so, आपको चारों के चारो वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए ओके ना गेन मार्जिन फेस मार्जिन में हमें यह भी देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन बाई लुकिंग एट नाइक्विस्ट प्लॉट प्लॉट like से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन बोडे प्लॉट से कैसे कर सकते हैं हम लोग सिंपल फॉर्मुले से कैसे कर सकते हैं हम लोग हमें यह भी देखना है कि अगर हमें गेन मार्जिन मार्जिन एंड पता है तो हम किस तरह से स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम की हमें यह भी एनालिसिस करना है कि अगर हमें ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी पता है तो हम कैसे स्टेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम की तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन में ओके okay? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बोडे प्लॉट ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर टेन बोडे प्लॉट सो वॉट इज बोडे प्लॉट कितना अलग है बोडे प्लॉट प्लॉट आपका से? ये भी आपका से भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर ही आता है सो बोडे प्लॉट इसलिए अलग है क्योंकि बोडे प्लॉट में जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो ओमेगा नहीं होता वो होता है आपका लॉग ओमेगा सो बोडे प्लॉट में आप मैग्नीट्यूड इन डीबी वर्सेस लॉग टेन ओमेगा का ग्राफ बनाते हो और एंगल वर्सेस लॉग टेन ओमेगा का ग्राफ बनाते हो सो so, पूरे कंट्रोल सिस्टम में यही एक ऐसा प्लॉट है जहां हम लॉग टेन ओमेगा के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो ओमेगा का लॉग लेने से क्या फायदा हुआ इससे यह फायदा हुआ कि आप बहुत ही कम स्केल में बहुत ही शॉर्ट स्केल में वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर सकते हैं जैसे सपोज करिए अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी सिर्फ थ्री तक गए हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका मीनिंग क्या है कि आपने बहुत ही शॉर्ट स्केल में आपने बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर ली दैट इज बोडे प्लॉट ये है एडवांटेज आपका बोडे प्लॉट का ओके तो ये भी टॉपिक जो है आपका गेट और आई में लगभग हर साल पूछा जाता है नाइक प्लॉट और बोडे प्लॉट में से कोई एक क्वेश्चन आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है बोथ ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नाउ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इन ई एस बोडे प्लॉट के साथ साथ उससे मिलता जुलता एक और प्लॉट है दैट इज कॉल्ड निकोल्स प्लॉट ओके ये भी आपको स्टडी करना होता है और हम देखेंगे कि हाउ इट इज वेरी सिमिलर टू बोडे प्लॉट ओके सो इस पर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ठीक है तो बोडे प्लॉट एंड निकोल्स प्लॉट नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर नाउ इन कंपनसेटर एंड कंट्रोलर हमें ये पढ़ना है कि क्या एडवांटेज है इन्हें यूज करने का किसी भी सिस्टम में अगर हमें ट्रांसियन परफॉर्मेंस और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस की सिस्टम का इंप्रूव करना है सो कंपनसेटर कंट्रोलर किस तरह से हेल्प करेंगे उसे इंप्रूव करने में ये सारी चीजें हमें पढ़नी है ठीक है ना हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेटर पढ़ने हैं लाइक लीड कंपनसेटर लेग कंपनसेटर ओके उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर पढ़ने हैं लाइक पी डी डेरावेटिव प्रपोशनल इंटीग्रल पी आई डी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं मैंने मेन मेन लिखे हैं आपके लिए ओके सो so, हमें डिटेल एनालिसिस करना है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर का हमें नेटवर्क सर्किट एनालिसिस भी करना है कंपनसेटर का और कंट्रोलर का हमें ओपेम के थ्रू डायग्राम भी बनाना है सो so, बहुत कुछ हमें इस टॉपिक में भी देखना है अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बोथ गेट एन आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट जनरली थ्योरी क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे गए हैं IES में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन गेट में हर साल नहीं पूछा जाता टू टू थ्री टू थ्री आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और कंट्रोलर से कोई क्वेश्चन आ जाए बट आई एस में आप हर साल दो दो क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो थ्योरिकल क्वेश्चन फ्रॉम कंपनसेटर एंड कंट्रोलर दोनों ब्रांचेस के लिए तो अगर आप आई एस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टेट स्पेस एनालिसिस में आपको यह देखना है कि कैसे आप एल सिस्टम और नॉन एल सिस्टम दोनों का यूज कर सकते हैं जैसा हमने स्टार्ट में बोला था कंट्रोल सिस्टम में एलटीआई सिस्टम का यूज करना है लेकिन स्टेट स्पेस एनालिसिस में यू कैन यूज एलटीआई सिस्टम एज वेल एज नॉन एल सिस्टम ओके दैट मीनस एनी सिस्टम आपको यह देखना है कि स्टेट मॉडल क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेट मॉडल हमें पढ़ने हैं लाइक like, हमें सिग्नल फ्लोग्राफ के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा हमें नेटवर्क सर्किट के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा हमें ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेट मॉडल बनाना होगा सो so, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है हमें यह जानना होगा स्टेट मॉडल बनाने से पहले कि वॉट आर द स्टेट वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स से हमें क्या फायदा होने वाला है स्टेट वेरिएबल्स हमें क्या बताते हैं ये सारी चीजें हमें पढ़नी है स्टेट स्पेस एनालिसिस में और फाइनली जो हमें स्टेट स्पेस एनालिसिस में पढ़ना पढ़ना है वो पढ़ना है वो कि वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस की तो उसके लिए पढ़ना है कंट्रोलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ओके इसके अलावा भी हमें सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस पढ़ने हैं हमें ट्रांसफर फंक्शन पढ़ना है हमें सिस्टम का इन द स्टेट स्पेस एनालिसिस तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है स्टेट स्पेस एनालिसिस पे अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप हर साल हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए स्टेट स्पेस एनालिसिस ओके नाउ जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम का जो कि आप बोल सकते हो मेनली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही होता है ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम ओके सो इस टॉपिक को मेनली मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लूंगा आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम के बीच रिलेशनशिप देखनी है ठीक है आपको बेसिकली मैकेनिकल के दो इक्वेशन को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल के टू पैलर एंड सीरीज आर एल सी इक्वेशन के साथ ओके okay? इसे भी हम पढ़ेंगे ब्रीफ में ओके okay? तो यह आपको टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं system, okay? जैसा कि मैंने आपको कहा प्रैक्टिकली दोनों के लिए, लिए. इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे जबकि बाकी कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ के चले जाते हो लेकिन फिर भी क्वेश्चन इतने टफ हो जाते हैं कि आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है लाइक ई एम की बात करें या कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें अगर पांच छह क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो टॉपर से भी नहीं सॉल्व हो पाता लेकिन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो एग्जाम में आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो बच्चे रैंक ला रहे हैं वो इस सब्जेक्ट में एक भी नंबर अपना खो नहीं सकते उन्हें इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा नंबर स्कोर करना ही होता है ठीक है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द टॉपिक विच विल स्टडी इन कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट एंड वी हैव डिस्कस दिस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस

जो है आपका इनपुट रिसीव करता है एंड आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है ओके okay? सो so, अगर मैं यहां पर इनपुट ले रहा हूं एक्स टी आउटपुट अगर मैं ले रहा हूं यहां पर वाई टी और सिस्टम को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिंपली टी टी से सो so, सिस्टम क्या होगा आपका एक्स टी इनपुट रिसीव करेगा और आपको आउटपुट वाई टी प्रोवाइड करेगा ओके वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एक्स टी 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 एंड वाई टी रिलेशनशिप हम सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हैं कि जो आपका वाई होता है आउटपुट वो होता है आपका एक्स टी कॉन्वर्ड विथ टी टी इनपुट कॉन्वर्ड विथ सिस्टम बट अगर आपने सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स स्टडी किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये कॉन्वल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है सो so हमारा जो कंट्रोल सिस्टम भी है वो सिर्फ और सिर्फ एल सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है lti सिस्टम प्रैक्टिकल सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरेंट सिस्टम ओके सो हमें ध्यान रखना होगा कि कंट्रोल सिस्टम में जो हम सिस्टम की स्टडी करेंगे वो है आपका lti सिस्टम सो आउटपुट yt इज इक्वल टू xt convolution विद tt नाउ अगर मैं बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करूं सो so ys कितना हो जाएगा आपका xs इनटू ts हमें पता होना चाहिए कि अगर एक टाइम में या बोल सकते हैं आप एक डोमेन में अगर कॉन्वल्यूशन हो रहा है तो अनदर डोमेन में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पर टाइम डोमेन में कॉन्वल्यूशन था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ओके सो so, अगर मैं यहां से टीएस कैलकुलेट करता हूं तो वो आ जाएगा आपका वाई एस अपॉन एक्स एस ओके सो ये जो आपका टीएस कैलकुलेट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रोल सिस्टम के लिए दिस टी एस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट विच इज डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जो ऑलिशन फंक्शन है हमें पूरे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में बार बार हमें ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट करना होगा तो यह टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ओके नाउ अब अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर करूं और सपोज करिए अगर मैं इनपुट जो एक्स टी है वो अगर मैं डेल्टा टी दू तो हम जानते हैं कि डेल्टा या इंपल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो वन होता है ओके सो so, अगर मैं इस एक्सेस की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दू सो फ्रॉम वन आपका क्या हो जाएगा एक्सेस यहां पर वन हो जाएगा तो वाई एस किसके इक्वल हो जाएगा आपका टीएस के इक्वल हो जाएगा सो वाई एस इज इक्वल टू टी एस ओके इसको आप क्या लिख सकते हैं अगर आप इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो वाई टी इज इक्वल टू टी टी ओके सो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वाई टी था वो आपका क्या था आउटपुट था सिस्टम का और टीटी क्या था आपका टीटी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो आपका सिस्टम का जो टीटी है वो यहां पर सिस्टम के रिस्पॉन्स वाई टी के इक्वल हो जा रहा है ठीक है ना जब हमने इनपुट क्या लिया फंक्शन लिया ओके okay? सो so, हमें एक पॉइंट आज से दिमाग में रखना है कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम इनपुट लेते हैं कोई भी इनपुट लेते हैं सपोज करिए हमने इनपुट लिया X, तो आउटपुट होगा आपका X response. आपने इनपुट लिया राम तो आउटपुट होगा आपका राम ओके सो जो आपका आउटपुट होता है दैट इज उसके सामने आप वर्ड क्या यूज करते हैं इनपुट का नाम ओके okay? जैसे आपने लिया इनपुट स्टेप तो आउटपुट क्या होगा स्टेप रिस्पॉन्स यहां पर आपने इनपुट क्या लिया इंपल्स तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका इंपल्स रिस्पॉन्स लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं जब हमने इनपुट इंपल्स लिया तो जो आउटपुट है वो सिस्टम के इक्वल आ गया वो टीटी के इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है जो टीटी भी है वो क्या है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है ओके आपको ये बात समझनी होगी टीटी जो है सिस्टम है टीटी रिस्पॉन्स नहीं है टीटी आउटपुट नहीं है बट जब आप इंपल्स इनपुट देते हैं तो टीटी जो है वो आपका आउटपुट के इक्वल आता है वो आपका के इक्वल आता है इसलिए आज से आपको समझना होगा कि सिस्टम को या टीटी को हम ऑफ द सिस्टम के नाम से भी जानते हैं तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यही वर्ड यूज करेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम तो ये आपका सिस्टम है टीटी है ठीक है ना कुछ बुक्स में आपको ये एच के फॉर्म में भी दिखेगा तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हां आपको यह बात समझनी होगी कि जो टीटी -टी है आपका वो इम्स ऑफ द सिस्टम होता है ओके सो so ये हमारा बेसिक सिस्टम का एनालिसिस था अब अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम की तो कंट्रोल सिस्टम क्या है अगर मैं यहां पर सिस्टम की बात करूं फिर से तो सिस्टम क्या था आपका कि आपने कोई इनपुट दिया और आपको क्या मिला आउटपुट मिला अब अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम क्या है आपने इनपुट दिया और आपको डिजायर्ड और यू कैन से कंट्रोल्ड आउटपुट मिला ओके okay? तो यही होता है आपका कंट्रोल सिस्टम ओके सो कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम कोई इनपुट देते हैं हम डिजायर कंट्रोल आउटपुट अचीव कर सकते हैं अब हमें यह पढ़ना है कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम का ओके सो वन बाय वन हम सारी चीजें कंसीडर करेंगे यहां पर सो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम ओके सो यहां पर ये जो डायग्राम है आपका ये प्योर थ्योरिकल है अभी और यही जो थ्योरी है आपके आने वाले जितने डायरेवेशन हैं या जितने न्यूमेरिकल्स ये सब सबका बेस है सब कुछ क्लियर करेगी आपके लिए सो so, आपको ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपको इस थ्योरी में जो वर्ड्स यूज होंगे लाइक व्हाट इज ट्रांजिएंट व्हाट इज स्टडी स्टेट वॉट इज स्टेबिलिटी ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए ठीक है तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो मैं यहां पर बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट ब्लॉक इज कंट्रोलर ओके यहां पर आपका इनपुट होगा इनपुट को हम नाम जानते हैं रिफरेंस इनपुट और आप इनपुट को कमांड के नाम से भी जानते हैं ओके नाउ नेक्स्ट जो होता है आपका ब्लॉक वो होता है आपका प्लांट ओके, okay. नेक्स्ट जो होगा आपका दैट विल बी आउटपुट आउटपुट को आप रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं ठीक है ना और आप कंट्रोल्ड आउटपुट के नाम से भी जानते हैं इसे, ओके, आउटपुट से ही आपका फीडबैक जाएगा फीडबैक हम यहां लगा देते हैं ओके okay. जो ये आपका फीडबैक है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक के क्या एडवांटेजेस हैं नेगेटिव फीडबैक के क्या एडवांटेजेस हैं या हमें कौन सा फीडबैक यूज करना चाहिए कौन सा यूज नहीं करना चाहिए कौन सा फीडबैक कब यूज करना चाहिए ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिफरेंस इनपुट होता है या कमांड होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट रिफरेंस इनपुट मीन्स आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो आपको यह चीज शुरू से ही क्लियर रखनी है कि रिफरेंस इनपुट आप इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप इनपुट सप्लाई नहीं कर रहे हो रिफरेंस इनपुट एक तरह का आपका रिफरेंस है एक तरह का आपका टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हो रिस्पॉन्स और कंट्रोल आउटपुट के फॉर्म में ओके okay? अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपकी जो एरर होगी वो जीरो होगी अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो तो वो एरर क्या होगी आपकी फाइनाइट वैल्यू होगी ठीक है तो रिफरेंस इनपुट कोई इनपुट नहीं है वो एक टारगेट है वो एक वैल्यू है जो आप अचीव करना चाहते हो लॉजिक क्लियर है ना ये कंट्रोलर क्या है आपका कंट्रोलर क्या है जो आपके पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा नाम से क्लियर है हमें. कैसे? और करेगा? ये हमें जब हम की समझ लेंगे प्लांट क्या है आपका प्लांट क्या है प्लांट वो प्रोसेस है जो हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है जो हम टारगेट अचीव करने के लिए यूज करते हैं प्लांट आपका वो प्रोसेस है ओके okay? हमें अगर कोई चीज अचीव करनी है तो हमें काम करना होगा हमें हार्ड वर्क करना होगा प्लांट या प्रोसेस वही आपका हार्ड वर्क है जो आप टारगेट अचीव करने के लिए यूज करते हो ओके नाउ आप टारगेट अचीव करते जाते हो टाइम टाइम पे और टाइम टाइम पे जो फीडबैक है वो आपका कंट्रोलर के पास आता जाता है अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो तो कंट्रोलर कोई एक्शन नहीं लेगा लेकिन अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो कंट्रोलर दो तरह के एक्शन लेता है या कंट्रोलर क्या आप बोल सकते हैं दो तरह के टास्क होते हैं एक होता है आपका अगर कोई एरर है तो एरर होगी तो उसे पहले एरर डिटेक्ट करनी होगी ओके तो एरर डिटेक्शन एंड सेकेंड जो पॉइंट है इफ देर इज एनी एरर इफ एरर देन उसे एक कंट्रोल एक्शन मतलब उसे एक्शन लेना होता है ठीक है तो कंट्रोलर के दो टास्क होते हैं एरर डिटेक्शन एंड अगर एरर फाइंड आउट हुई है तो उसे एक्शन लेना होता है सपोज करिए आपने कोई टारगेट सेट किया था आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना आप टाइम टाइम पे चेक कर रहे हैं कि आपने जो टारगेट सेट किया था जो आपको अचीव करना है सपोज करिए आफ्टर फाइव इयर्स के बाद तो आप अगर वन ईयर के बाद चेक करते हैं और आपको लगता है कि चेक करने के बाद कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है आप कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर आप इसी से चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आपका कंट्रोलर ओके सो so, कंट्रोलर का काम वही है कि समय समय पर चेक करना कि आप टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोसेस को चेंज करेगा ओके नाउ यहां पर कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एक टर्म है आपका ट्रांजियंट ओके ट्रांजियंट क्या होता है आपका ट्रांजियंट वो टर्म है या वो चीज स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका आउटपुट जो है वो वेरिएबल है आपका आउटपुट जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है ठीक है ना जैसे सपोज करिए आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस आप फाइव ईयर में टारगेट अचीव करने वाले हैं ठीक है आपने सेट किया फाइव ईयर और उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो फाइव ईयर्स के पहले तक जब तक आप हार्डवर्क करते जाएंगे जो आपका टारगेट स्मॉल 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 अचीव होता रहेगा जिसके कारण वो हमेशा क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा ठीक है ना लेकिन अगर आपने एक बार टारगेट अचीव कर लिया तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा अब उस उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे या सेकंड ऑप्शन क्या है आपने बीच में ही सोच लिया कि आप टारगेट अचीव नहीं करने वाले हैं और आपने छोड़ दिया उस प्रोसेस को उस वर्क को आपने छोड़ दिया जब आप वर्क करना बंद कर दोगे तब भी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो दोनों ही केस पे चाहे टारगेट अचीव हो चाहे आप टारगेट अचीव होने से पहले अपने वर्क को छोड़ दे दोनों ही केस पे आपका आउटपुट क्या होगा कांस्टेंट होगा तो वो जो कांस्टेंट आउटपुट है वही आपका क्या कहलाता है स्टडी स्टेट जब तक आप वर्क करते रहेंगे तब तक आपका आउटपुट लगातार चेंज होता रहेगा वो क्या कहलाता है आपका ट्रांजियंट कहलाता है ठीक है तो ट्रांजियंट मीनस आउटपुट इज वेरिएबल आउटपुट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है और स्टडी स्टेट मीन क्या होता है आपका अब आपका आउटपुट आउटपुट इज अब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ ओके okay? सो so, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्या क्या है क्या है है स्टडी स्टेट ठीक अब एक और पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए स्टेबिलिटी क्या है स्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल है इन्हीं दो वर्ड से आप समझ सकते हैं जब आपका आउटपुट लगातार चेंज हो रहा है तो आप अभी आप स्टेबल नहीं हो जब आपका आउटपुट फिक्स हो गया कांस्टेंट हो गया तो आपकी

सपोज करिए आप स्टडी स्टेट पे पहुंच गए आप स्टेबल हो गए उसके बाद आप क्या करोगे जो आपने टारगेट सेट किया था जो क्या था आपका रिफरेंस इनपुट और जो आपने टारगेट अचीव किया है आफ्टर रीचिंग द स्टडी स्टेट दैट इज और कंट्रोल्ड आउटपुट आप उन दोनों को माइनस करोगे ओके रिफरेंस इनपुट माइनस कंट्रोल्ड आउटपुट इन दोनों को आप माइनस करोगे अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका जीरो आता है दैट मींस आपने अगर अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी जीरो और अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया है तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या होगी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी ओके तो आपको इन वर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेबिलिटी क्या है स्टडी स्टेट एरर क्या है ठीक है ट्रांजिएंट क्या है स्टडी स्टेट क्या है ट्रांजिएंट मींस आपका आउटपुट वेरिएबल है आपका आउटपुट कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है स्टडी स्टेट क्या है आपका कि जो आपका आउटपुट है वो अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा अब वो कॉन्स्टेंट हो चुका है ठीक है और अगर आप स्टडी स्टेट में पहुंच गए मतलब आप स्टेबल हो गए हो आपका सिस्टम जो है स्टेबल है तो स्टडी स्टेट एरर क्या है स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद जो आप इनपुट माइनस आउटपुट करते हो वही आपकी स्टडी स्टेट एरर नाउ अब अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं सो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इसका इनपुट होगा आपका आर एस ओके एंड आपका एक एडर होगा समर होगा ना इसके बाद आपका होगा प्लांट प्लांट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से इसके बाद आपका आउटपुट होगा विच इज सी उसके बाद आप फीडबैक शो करोगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एच से और यही फीडबैक जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म में एडर में ओके okay? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कुछ ब्लॉक्स में इनपुट आउटपुट हमें पता है कुछ ब्लॉक्स के इनपुट आउटपुट हमें नहीं पता है तो हमें क्या करना होगा जहां जहां पर हमें वैल्यूज़ नहीं सिस्टम का विच इज सी एस अपॉन आर एस ओके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ओके पर जो आपका वैल्यूज हमें नहीं पता है जैसे हमें इस एडर का आउटपुट नहीं पता है तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं ओके okay. इस ब्लॉक का आउटपुट हमें पता है CS है है का इनपुट भी हमें पता है. वो क्या है आपका सी एस बट एच एस वाले ब्लॉक का आउटपुट हमें नहीं पता तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं बी एस ओके नाउ अब अगर मैं कुछ इक्वेशन यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ई एस है वो क्या हो रहा है आपका एडर का आउटपुट है तो एडर का इनपुट क्या है आर एस और एक और इनपुट क्या है आपका बी एस तो आप क्या लिख सकते हैं आर एस प्लस माइनस बी एस ओके सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन और कोई इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या है यहां से यस yes. आप देखिए हमने अभी भी पढ़ा था कि कोई ब्लॉक के पहले जो इनपुट होता है ई एस और जो ब्लॉक के बाद होता है वो होता है आउटपुट सो सी एस अपॉन ई एस कितना हो जाएगा आपका जीएस तो जीएस क्या हो जाएगा आपका एस आउटपुट ई एस इनपुट ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर टू ओके क्या कोई और इक्वेशन हम लिख सकते हैं यस yes. आप देखिए एच एस को एच एस का आउटपुट क्या है बी एस सो क्या लिख सकते हैं आप एच एस इज इक्वल टू बी एस एच एस का इनपुट क्या है आपका सी एस सो ये हो जाएगा आपका सी एस सो एच एस क्या हो गया आपका बी एस अपॉन सी एस तो ये आपके थ्री इक्वेशन क्रिएट हो गए यहां पर नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर टू से ई एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो सो so, आपका एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से क्या है आपकी सी एस अपॉन जीएस ओके सो फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू यहां पर वन में क्या है इक्वेशन आपका ई एस इज इक्वल टू आर एस प्लस माइनस बी एस सो आर एस प्लस माइनस बी एस ओके और ई एस क्या है आपका इक्वेशन नंबर टू से वो है आपका सी एस अपॉन जीएस तो हम यहां पुट कर सकते हैं CS अपॉन GS, ओके सो ये आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फोर दे दू नाउ अगेन हम यहां पर देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री में इक्वेशन नंबर थ्री में अगर हम बी एस की वैल्यू निकालें तो बी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एच एस इंटू सी एस ओके सो थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर सो आप क्या कर सकते हैं सीएस अपॉन जीएस ज इक्वल टू आर एस प्लस माइनस बी एस तो बी एस आप कहा से लेंगे इक्वेशन नंबर थ्री से वो क्या हो गई आपकी एच एस इंटू सी एस सो ये हो जाएगी आपकी एच एस इंटू सी एस ओके सो ये हमारा इक्वेशन बनकर रेडी हो गया है अब अगर मैं यहां पर बोथ साइड जीएस से मल्टीप्लाई कर दू तो आपका क्या हो जाएगा आर एस इन जी एस प्लस माइनस एच एस इंटू सी एस इन टू जी एस ओके सो यह आपका रेडी हो गया ना आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका एक टर्म है उस टर्म में आपका सी एस है राइट हैंड साइड में और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है उसमें सी एस है आपको चाहिए क्या सी एस अपॉन आर एस सो आप सी एस को अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कितना हो जाएगा आपका वन माइनस एच एस इंटू जीएस ओके okay. और यहां पर आप देखिए प्लस माइनस दोनों साइन थे तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ओके okay. और यहां पर आपका क्या हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा आर एस इंटू जीएस ओके सो अब हमारा टारगेट क्या है हमें क्या चाहिए सीएस अपॉन आर एस सो सी एस अपॉन आर एस जो है आपका वो क्या हो जाएगा यहां से जीएस अपॉन वन माइनस प्लस जीएस इंटू एच एस तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा यहां से जीएस अपॉन वन माइनस प्लस जीएस इन टू एच एस ओके तो ये है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एल टी एफ ओके क्लोज लूप क्यों बोल रहे हैं इसे हम लोग क्योंकि ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम था क्लोज लूप सिस्टम की मीनिंग क्या है मैं नेक्स्ट वीडियोस में और क्लियर करूंगा बट अभी के लिए अगर आपका फीडबैक प्रेजेंट हो फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट

अगर आप देखिए तो यहां पर जो आपने इक्वेशन लिखा था ई एस वो क्या था आर एस प्लस माइनस बी एस ओके ना प्लस था आपका पॉजिटिव फीडबैक माइनस था नेगेटिव फीडबैक और इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते जब आप इस इक्वेशन में पहुंचे थे तो आपने इस प्लस माइनस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिया था जिसके कारण ये हो गया था माइनस प्लस दैट मींस जो आपका माइनस साइन है वो किसके लिए है पॉजिटिव फीडबैक के लिए और जो आपका प्लस साइन है वो किसके लिए है नेगेटिव फीडबैक के लिए ओके सो okay? so, अगर एग्जाम में आपका नेगेटिव फीडबैक आएगा तो आप क्या यूज करेंगे जीएस अपॉन वन प्लस जीएस इंटू एच एस ओके सो ये आपका होता है क्लोज लूप सिस्टम ओके ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये ओपन लूप सिस्टम कब होता ये सेम ब्लॉक डायग्राम ओपन लूप सिस्टम में कब कन्वर्ट हो जाता तो ये तब कन्वर्ट हो जाता जब आपका फीडबैक जो है वो कनेक्टेड नहीं होता जब फीडबैक कनेक्टेड नहीं होता है तो ये क्या हो जाता ओपन हो जाता आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता ठीक है तो आपको एक पॉइंट क्लियर रखनी है ओपन लूप सिस्टम के केस में क्या होगा फीडबैक प्रेजेंट तो होगा बट कनेक्टेड नहीं होगा ठीक है तो अगर मैं सिंपली बोलू क्लोज लूप के केस में क्या था फीडबैक आपका कनेक्टेड था ओके ओपन लूप के केस में क्या है आपका फीडबैक जो है आपका वो कनेक्टेड नहीं होगा ठीक है ना फीडबैक नॉट कनेक्टेड ओके तो इसमें अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं ओपन लूप के ये हमारा था सी एल टी एस जीएस अपॉन वन माइनस प्लस जीएस इनटू एच एस अब अगर मैं ओपन लूप के ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं यहां पर क्या होगा आपका ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन ओ तो आप मेन फिगर को फिर से अगर ध्यान से देखें तो मेन फिगर में आपका अगर ये फीडबैक कनेक्टेड नहीं होगा ठीक है ना तो ये जो आपका जो समर है उसका एक ही इनपुट होगा आर एस सेकेंड इनपुट आपका प्रेजेंट नहीं होगा तो इस एडर या समर की कोई जरूरत नहीं होगी ओके okay, सो so आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से हो जाएगा आर एस ये कहा जाएगा आपका डायरेक्टली जीएस पे ओके okay, और ये वायर जो है सीधा सीधा एच एस ओके okay, और देन आपका हो जाएगा आउटपुट सीएस ओके सो आपका जो डायग्राम है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जीएस और एच एस दोनों किस पे आ जाएंगे आपके कैस्केड में तो जो सी एस अपॉन आर एस है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीएस इन टू एच एस ओके सो हमें स्टार्टिंग से ही ओपन जुप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लुप ट्रांसफर फंक्शन दोनों ही क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड जो है हमारे पास क्योंकि जब आप आगे जाके बोडे प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट रूट लोकस ये सब स्टडी करेंगे तो आप एनालिसिस तो करेंगे क्लोज लूप का लेकिन जो आपका यूज होगा वो होगा ओपन लूप का ओके okay? सो so, हमें ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों के ट्रांसफर फंक्शन अच्छे से समझ में आने चाहिए ओके okay? यहां तक क्लियर है नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन्हीं ओपन लूप एंड क्लोज लूप का थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक का थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे आफ्टर देन वी विल सॉल्व वन और टू न्यूमेरिकल्स ओके सो so, यहां तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम वी हैव स्टार्टेड विद द एनालिसिस ऑफ सिस्टम देन वी हैव स्टडीड द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम देन वी हैव कैलकुलेटेड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम एज वेल एज क्लोज लूप सिस्टम इन टूडेज वीडियो स्टडी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन लुप सिस्टम एंड क्लोज लुप सिस्टम ओके सो फर्स्ट डिफरेंस इज इज इन ट्रांसफर फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था ओपन लुप का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आपका जीएस इन टू एच एस ओके एंड जो क्लोज लुप का आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आपका जीएस अपॉन वन प्लस जीएस इन टू एच एस ओके मैंने यहां पर पॉजिटिव साइन क्यों लिया है बिकॉज आई एम कंसिडरिंग फीडबैक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर आप नेगेटिव फीडबैक कंसिडर करते हैं तो यहां पर आपका साइन क्या आता है प्लस और अगर आप पॉजिटिव फीडबैक करते हैं तो यहां आपका साइन होता है माइनस ओके नाउ यहां ट्रांसफर फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम होता है जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें जो आप एच की वैल्यू यूज करते हैं विच इज कॉल्ड फीडबैक वो स्टैंडर्ड जो फीडबैक यूज किया जाता है वो एच एस इज इक्वल टू वन यूज किया जाता है ओके सो जनरली आप देखेंगे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में वहां पर हमेशा लिखा होगा आपके लिए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दैट मीन उसकी मीनिंग क्या है आपकी उसकी मीनिंग ये है कि नेगेटिव फीडबैक रहेगा दैट मीन साइन इज प्लस रहेगा और जो फीडबैक एच एस की जो वैल्यू है वो हमेशा वन होगी ओके, okay? so, ये आपका स्टैंडर्ड है तो ये आपको माइंड में रखना है स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट के ओके okay? नाउ और मैं आगे के जो डिफरेंसेज है वो एच को वन लेकर ही ओके, नाउ, डिफरेंसेस, जो आपका ओपन लूप सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिकर्सिव सिस्टम और आप सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं मेमोरी लेस सिस्टम मेमोरी लेस सिस्टम होता है आपका ओपन लूप सेम जो आपका क्लोज लूप होता है इट इज योर रिकर्सिव सिस्टम और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं मेमोरी फुल सिस्टम ओके सो क्लोज लूप इज मेमोरी फुल बिकॉज देर इज अ फीडबैक एंड ओपन लूप इज मेमोरी लेस बिकॉज फीडबैक इज नॉट कनेक्टेड फीडबैक इज प्रेजेंट बस इट इज नॉट कनेक्टेड ओके नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज ओपन लूप सिस्टम आज जनरली स्टेबल क्या होते हैं आपके स्टेबल जनरली एंड जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं आपके वो जनरली आपके कंडीशनल स्टेबल होते हैं कंडीशनली स्टेबल ओके मतलब किसी एक कंडीशन के लिए वो स्टेबल होंगे अदर कंडीशन के लिए स्टेबल नहीं होंगे ओके बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम में आप कंट्रोल कर सकते हो ठीक है ना कि अगर आपका सिस्टम कोई अनस्टेबल भी है तो यू कैन मेक देम स्टेबल ओके बाय अप्लाइंग द कंडीशन बट ओपन लूप में जनरली वो स्टेबल होते हैं बट अगर ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है तो कोई तरीका नहीं है उसे कंट्रोल करने का ओके okay, वो अगर अनस्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबल ही रहेंगे लेकिन जनरली वो क्या होते हैं आपके स्टेबल होते हैं ओके okay? नाउ जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस है ओपन लूप एंड क्लोज लूप में वो ये है कि ओपन लूप सिस्टम के जो गेन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं जैसे अगर आप ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखें विथ एच एस इज इक्वल टू वन तो ट्रांसफर फंक्शन होता है जीएस ओके okay? और जो क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका जीएस अपॉन वन प्लस जीएस विथ एच एस इज इक्वल टू वन ठीक है ना ट्रांसफर फंक्शन दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट गेन भी आपका क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट तो आप यहां से एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप देखेंगे जो ओपन लूप है उसमें आपका गेन या जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है सिर्फ जी है लेकिन क्लोज लूप में क्या है जी अपॉन वन प्लस जी है विथ नेगेटिव फीडबैक इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है कि जो ओपन लूप का जो गेन है आपका वो क्या है आपका हाई है और जो क्लोज लूप विथ नेगेटिव फीडबैक है उसका जो गेन है आपका क्या है लो है एस कंपेयर टू ओपन लूप ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट ओपन लूप सिस्टम की जो बैंडविथ होती है आपकी वो आपकी क्या होती है वो आपकी लेस होती है क्योंकि हम लोग जानते हैं गेन बैंडविथ जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर गेन आपका हाई है तो बैंडविथ आपकी क्या होगी लेस होगी और सेम आपकी जो क्लोज लूप है उसमें जो आपकी बैंडविथ है वो आपकी क्या होती है हाई होती है ओके okay? सो so, जहां पर आपको हाई बैंडविथ की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप क्लोज लूप की तरफ जाएंगे ओके okay? नाउ जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस है जो ओपन लूप सिस्टम है वो जनरली आपके लेस एक्यूरेट होते हैं लेस एक्यूरेट और जो क्लोज लूप सिस्टम है वो जनरली आपके मोर एक्यूरेट होते हैं इसीलिए जो आउटपुट कैलकुलेशन के लिए जनरली हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का यूज करते हैं एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम ओके तो मेजरमेंट ऑफ अगर आपको आउटपुट करना है तो यू विल गो फॉर क्लोज लूप सिस्टम ओके okay. और नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं सो so जो आपका टाइम होता है टू रीच द स्टेबिलिटी वो आपका ओपन लूप में ग्रेटर होता है एस कंपेयर टू क्लोज लूप क्लोज लूप में द टाइम टू रीच द स्टेबिलिटी इज लेस मींस द टाइम टू रीच द स्टडी स्टेट इज लेस वेन यू टेकन द नेगेटिव फीडबैक क्लोज सिस्टम ओके क्यों लेस होता है आपका क्योंकि आप यहां से भी समझ सकते हैं कि जो आपकी क्लोज लूप होता है उसमें आपकी बैंडविट क्या होती है हाई होती है तो ऑब्वियसली बात अगर बैंडविट हाई है तो टाइम क्या होगा आपका लेस होगा ओके okay? सो so, अगर आप जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना होता है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम आपको यूज करना होगा ओके okay? सो so, ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम

सपोज करिए मुझे एक क्लोज लूप सिस्टम गिवन है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है ओके दिस माई क्लोज लूप सिस्टम एस प्लस सिक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन एस प्लस फिफ्टीन और मुझे गिवन है कि ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक को फॉलो कर रहा है ओके okay. सो so, यहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमाइन द ओपन लूप सिस्टम एंड ओपन लूप डीसी गेन दैट इज ओ एल टी एफ ओपन लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एंड सेकेंड इज ओपन लूप डीसी गेन ये दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए ओके सो अगर मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट देखूं तो हमें पता है कि हमें क्लोज लूप सिस्टम दिया गया है विध यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दैट मीन हमें जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है जी अपॉन वन प्लस जी ओके आप देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि अगर Unity negative feedback हो, तो H की होगी और यहाँ क्या आपका? Plus आएगा आपका प्लस आएगा ओके तो मुझे इसे कंपेयर करना है पर मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं जिससे मुझे जी कैलकुलेट हो जाएगा और यहां पर जी क्या है आपका अगर आपकी एच की वैल्यू वन है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका जी एच तो जी क्या है आपका एक तरह से ओपर लुक ट्रांसफर फंक्शन ही है ओके सो so, क्या हो जाएगा आपका जी इंटू एस स्क्वायर प्लस नाइन एस प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन प्लस जी इंटू एस प्लस सिक्स ओके सो so, अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन कंप्लीट करूं तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर आपका एक जी है एस प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई है तो यहां पर आपका आ जाएगा अगर आप जी कॉमन ले ले एस स्क्वायर एस प्लस सिक्स यहां की क्या हो जाएगा माइनस ओके सो ये कितना हो जाएगा आपका एट एस ओके और यहां पर फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन और यहां पर आपका क्या रिमेनिंग रहेगा एस प्लस सिक्स ओके सो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी का एस प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस नाइन ओके एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस नाइन इस ट्रांसफर फंक्शन को हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया नाउ अगर मैं फिर से को करूं, जो कि था जी तो क्या ये दो स्टेप करने जरूरी थे क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप टेन टू फिफ्टीन सेकेंड भी सेव कर पाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप यहां पर ध्यान से देखिए आपको जी अपॉन वन प्लस जी गिवन है और आपको इससे जी बनाना था तो अगर आप डिनोमिनेटर में माइनस जी कर दें तो माइनस जी प्लस जी क्या हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा जी रह जाएगा लॉजिक क्लियर है ना जी अपॉन वन प्लस जी माइनस जी तो जी जी कैंसिल जी अपॉन वन इज इक्वल टू जी तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप न्यूमरेटर को सेम रहने दें और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर कर दें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस नाइन एस प्लस फिफ्टीन माइनस एस माइनस सिक्स ओके प्लस एट एस प्लस नाइन क्या ये हमारा सेम आया आंसर यस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस नाइन तो आज से हमें क्या याद रखना है कि अगर आपको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के साथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जी अपॉन वन प्लस जी और अगर आपको ओपन लूप क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर विल रिमेन सेम एंड डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहां से क्रिएट हो जाएगा ओके okay? सो so, ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको ये समझाने के लिए कि हाउ टू कन्वर्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वेन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज केवन वन मोर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं यहां पर उसके पहले हम चाहें तो एक और क्वेश्चन था यहां पर जो हम क्लियर कर सकते हैं वो था आपका ओपन लुक डीसी गेन ओपन लुक डीसी गेन में गेन जैसा मैंने आपको लास्ट टू स्लाइड्स पहले बताया है कि गेन मीन्स ट्रांसफर फंक्शन ही होता है तो ओपन लुक का ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या है एस प्लस सिक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस नाइन अगर मैं यहां पर डीसी गेन कैलकुलेट करने के लिए एस की वैल्यू जीरो पुट कर दू क्योंकि हमें पता है एस इक्वल टू जे ओमेगा डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो फ्रीक्वेंसी जीरो मीन एस इक्वल टू जीरो डीसी गेन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन नाइन ओके सो बहुत इजी क्वेश्चन था कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें यहां पर डीसी गेन मतलब एस इक्वल टू जीरो सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आपको एक आउटपुट दिया हुआ है रिस्पॉन्स दिया हुआ है माइनस टी e की पावर माइनस टी प्लस टू ई की पावर माइनस टी ओके और बोल रहा है आपको ये जो रिस्पांस है वो यूनिट इंपल्स रिस्पांस है यूनिट इंपल्स रिस्पांस ओके ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक आपको गिवन है अगेन यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको गिवन है ओके okay? एंड आपको ये भी गिवन है कि नेगेटिव फीडबैक है ओके नेगेटिव फीडबैक एंड सिस्टम इज क्लोज लूप सिस्टम इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ओके okay? तो आपसे आपसे पूछा पूछा क्या है आप है यहां पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज अगेन जी हो जाएगा आपका ओके okay? तो आपको जी कैलकुलेट करना है फिर से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं तो हमें चूंकि ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्लोज लूप में भी पहले ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है ना तो आपका जो सी एस है अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लू यहां पर तो हमें पता है कि ई e की पावर माइनस टी का लाप्लास क्या होता है आपका ई e की पावर माइनस टी का लाप्लास आपका होता है वन अपॉन एस प्लस वन ओके सो आपका कितना हो जाएगा ये टू अपॉन एस प्लस वन ओके हम ये भी पता है कि टी इंटू e की पावर माइनस टी का लाप्लास क्या होता है जब भी टी से मल्टीप्लाई होता है नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका स्क्वायर सो एस प्लस वन का स्क्वायर ओके सो ये कितना हो जाएगा माइनस अपॉन का स्क्वायर ओके okay? जो बेसिक लाप्लास है मैं आपको साइड बाय साइड बताते चलूंगा लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए पहले से हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है ना हमारे गेट और आई के सिलेबस के लिए हमें बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद होने चाहिए लाइक like साइन का लाइक like कॉस का पावर माइनस ए टी यूटी का ये सब हमें पता होने चाहिए ओके सो यहाँ पर हमें पता है कि जो आर एस है वो आपका वन है क्योंकि आपका जो इनपुट है वो क्या है इंपल्स है यहां पर लिखा भी हुआ है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स और हम पहले से भी जानते हैं कि जो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है आपका सिस्टम ही होता है तो अगर आपने यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है दैट मीनस आपने ट्रांसफर फंक्शन ही कैलकुलेट कर लिया है ठीक है ना तो हम लोग अगर यहां पर एलसीएम ले ले, तो ये कितना एस प्लस वन का स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा आपका टू इंटू एस प्लस वन माइनस वन ओके सो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर ये आंसर आ जाएगा आपका टू एस ओके प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर ओके नाउ अब हमें क्या करना है यहां पर हमें अब इससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है यहां पर हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट हुआ है तो हमारा आंसर क्या आया है टू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर ओके अब आपको रूल पता है और आप सिंपली कह सकते हैं आपको ट्रिक पता है क्या करना है आपको जी निकालने के लिए न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या करता हूं इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर देता हूं तो क्या होगा एस टू एस प्लस वन माइनस टू एस माइनस वन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टू एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर तो ये आपका कैलकुलेट हो गया यहां पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके तो ये आपका बिल्कुल बेसिक चीजें थी वॉट इज ओपन लूप वॉट इज क्लोज लूप ठीक है तो ये आपका बेसिक पार्ट यहां पर फिनिश होता है ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे ब्लॉक डायग्राम को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है उसके मेथड हम पढ़ेंगे उसके रूल्स पढ़ेंगे देर आर एट टू नाइन रूल्स ओके सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हैं ओके गुड बाय Hello, friends. In the last video, we have studied the differences between open loop and closed loop systems. Okay. And we have also studied that we will maximum time consider the unity negative feedback. Okay. Now, in this video, I will start with the first main topic of control system that is called block diagram reduction techniques. Okay.

स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है यही होती है आपकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स, तो इनके लिए कुछ रूल्स गिवन है ठीक है तो हमें वही सेट ऑफ रूल्स यहां पर स्टडी करने हैं सो so, जो आपका फर्स्ट रूल होता है रूल नंबर वन वो होता है आपका वेन टू और मोर देन टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज ओके सो सपोज करिए मैं यहां पर ब्लॉक्स ले रहा हूं जी वन जी टू एंड जी थ्री ओके, एक्चुअली ये ब्लॉक्स के गेन है आपके और आपका जो इनपुट है दैट इज एस एंड आउटपुट इज सी एस ओके सो वेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन सीरीज, तो क्या होता है आपका जो सारे के सारे उनके गेन्स है वो आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा जी वन एंड G3, ओके okay? सो so, ये हो जाएगा इनपुट RS एंड आउटपुट इज CS, ओके okay? तो ये होता है आपका रूल नंबर वन वेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन सीरीज गेन विल बी मल्टीप्लाइड ओके रूल नंबर टू वेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन ओके तो क्या होता है हम देखते हैं यहां पर सपोज करिए इनपुट क्या है आपका आर एस है और जो ब्लॉक वन है उसका गेन जी वन है ब्लॉक टू का जो गेन है आपका वो जी टू है एंड ब्लॉक थ्री का जो गेन है आपका वो जी थ्री है ओके okay, ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो है आपके वो एक एडर में जा रहे हैं ठीक है ये आपका ब्लॉक वन गया दिस इज ब्लॉक टू एंड दिस इज ब्लॉक थ्री ओके मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं साइन यहां भी प्लस और यहां माइनस ले रहा हूं एंड योर आउटपुट इज सी एस नाउ ये आपको डायग्राम जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए यहां पर अगर आप समझे कि इन ब्लॉक्स को मैं पैरलर में क्यों बोल रहा हूं तो आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये तो स्मॉल डायग्राम है जब आपके बड़े बड़े डायग्राम होंगे तो समझना मुश्किल हो जाता है तो यहां पर आपको एक लॉजिक दिमाग में रखना होगा कि अगर हर एक ब्लॉक का इनपुट सेम हो जैसे कि यहां पर आर एस है जी वन जी टू जी थ्री तीनों ब्लॉक्स का इनपुट क्या है आर एस है और तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो एक ही एडर पे जाके एंड हो रहे हो देखिए यहां पर तीनों के तीनों ब्लॉक्स जो है वो एक ही एडर पे जाके एंड हो रहे हैं ठीक है तो वो ब्लॉक्स कहलाएंगे इन पैलर ओके सो यहां पर जीवन जी टू एंड जी थ्री आपके पैलर में है सो so, रूल क्या कहता है वेन टू और मोर ब्लॉक्स आर इन पैलर देर गेन विल बी एडेड ओके सो यहां पर क्या हो जाएगा जीवन प्लस जी टू माइनस जी थ्री क्यों माइनस जी थ्री बिकॉज यहां पर माइनस साइन था ओके okay ना आपको बेसिकली अल्जेब्रिकली सम करना है अगर प्लस है तो प्लस यूज करना है माइनस है तो माइनस यूज करना है ओके सो व्हेन टू और मोर नंबर टू नाउ रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट मतलब जैसे सपोज करिए एक इनपुट है आपका आर एस ठीक है और वो एक समर में जा रहा है एडर में जा रहा है जिसमें एक और इनपुट अप्लाइड है आपका ए ओके आर एस और ए दोनों के साइंस क्या है प्लस है फिर आपका एक और एडर है जिसमें आपका एक आर एस प्लस ए का इनपुट जा रहा है और एक इनपुट आपका अलग से और अप्लाई हुआ है बी ओके सो यहां भी साइन आपके प्लस और प्लस है और जो आउटपुट है आपका वो है आपका अगेन सी एस ले लेते हैं हम लोग यहां पर ओके सो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सो शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट्स या शिफ्टिंग ऑफ एडर्स ये क्या होता है ये रूल क्या कहता है वेन टू और मोर एडर आर बैक टू बैक ठीक है ना देन देयर पोजिशन कैन बी इंटरचेंज आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे देखिए आप यहां पर रूल क्या कह रहा है कि आर एस आपका इनपुट है आप पहले सेकेंड एडर यूज कर लीजिए दैट इज इनपुट इज बी फर्स्ट एडर यूज कर लीजिए ओके okay, उसके बाद आपका आउटपुट जो है सी एस CS का ही होगा यहां पर इनपुट क्या होगा आपका ए सारे साइंस आपके क्या होंगे प्लस होंगे एक और पॉइंट आपको स्टार्टिंग से दिमाग में रखना है कि अगर किसी एडर में साइन नहीं गिवन है मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है आपका प्लस है ओके okay. सो so, ये दोनों जो डायग्राम्स है आपके वो सेम है हम एक बार चेक भी कर सकते हैं ये तो रूल है लेकिन रूल को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसे देखिए आप यहां पर यहां पर जो फर्स्ट एडर है उसका आउटपुट क्या होगा आर एस प्लस ए और ये आर एस प्लस ए जो है वो बी के साथ एड हो रहा है सी तो एस क्या हो रहा है आर एस प्लस ए प्लस बी ठीक है अब यहां पर देखिए जो फर्स्ट एडर है उसका आउटपुट क्या है आर आर एस एस प्लस प्लस बी बी ओके और जो ये आपका plus B है वो आपका ए के साथ एड हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है आर एस प्लस बी प्लस ए तो आप जानते ही है चाहे आप टू प्लस थ्री प्लस फोर कीजिए चाहे आप टू प्लस फोर प्लस थ्री करिए आंसर क्या होगा आपका सेम होगा तो दिस इज योर रूल नंबर थ्री ओके यू कैन इंटरचेंज द एडर्स दोजिशन के आंसर विल रिमेन सेम नाउ रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर क्या है आपका शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर तो अगर हम एक स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करें सो सपोज करिए ब्लॉक है हमारा जिसका गेन क्या है जी ओके नाउ एक आपका इसका आउटपुट है सी एस और जो आपका इनपुट है वो है आपका आर एस सपोज करिए यहां पर कोई टेक ऑफ पॉइंट है ओके okay? अब आप सोच रहे होंगे ऑफ पॉइंट क्या होता है हमने अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूं हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था जहां पर आपका ये जी था प्लांट आउटपुट आपका क्या था सी एस और आउटपुट से आपका फीडबैक जा रहा था एच ओके okay? और ये आपका फीडबैक था ओके okay? सो so, ये जो पॉइंट है जहां पर आपकी दो लाइंस मिल रही हैं, वही पॉइंट आपका कहलाता है ऑफ पॉइंट तो जहां

वो आपका ब्लॉक के गेन से डिवाइड हो जाएगा दैट इज जैसे ब्लॉक का गेन आपका क्या है जी है तो जो इस पॉइंट पे जो आपका गेन होगा उसको आपको वन बाय जी से डिवाइड करना होगा ओके okay? ऐसा क्यों किए हम या हम इस रूल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं तो आप यहां पर ध्यान से समझिए इस टेक ऑफ पॉइंट पर अभी जो आंसर है वो कितना है आर है इस टेक ऑफ पॉइंट पे आर ही है आपका आंसर और कुछ तो नहीं है ना ओके okay. नाउ अब इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दू तो हम जानते हैं वेन टू थिंग्स आर इन तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, RS into G आ जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा आपका RS into G हो जाएगा लेकिन टेक ऑफ पॉइंट पे क्या होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ आर एस होना चाहिए था तो यहां पर क्या आ रहा है आर एस इंटू जी आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसे वन बाई जी से डिवाइड कर देंगे ओके सो आपका आंसर वापस से आ जाएगा आर एस ओके सो मीनिंग क्या है यहां पर आपकी कि टेक ऑफ पॉइंट पे आपका जो गेन है उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए ओके okay? सो so ये है आपका रूल नंबर फोर शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक ओके नाउ नेक्स्ट रूल 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 इज नंबर नंबर क्या है आपका बिल्कुल रूल नंबर फोर जैसा ही है शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक इसका मीनिंग क्या है टेक ऑफ पॉइंट पहले आपका आफ्टर द ब्लॉक रहा होगा ओके okay? हमें क्या करना है इसे बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट हम बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके okay? हम इस रूल को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं इस रूल को अगर हम वेरीफाई करने के लिए जाए तो आप देख सकते हैं कि जब ये टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक था तो यहां पर गेन कितना था आपका आर एस इंटू जी ओके जब ये बिफोर द ब्लॉक आया तो गेन कितना हो गया सिर्फ आर एस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा जी से मल्टीप्लाई तो वापस से गेन क्या मिल जाएगा हमें आर एस इन जी तो ये रूल क्या है आपका शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक ओके नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर सिक्स क्या है आपका शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर और आफ्टर द समर इस रूल के लिए भी हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सपोज करिए यहां पर एक एडर है आपका ओके okay?

जब आप आफ्टर द एडर शिफ्ट करेंगे इस ऑफ पॉइंट को तो रूल कहता है कि यहां पर आपको एक और एडर अप्लाई करना होगा ओके okay? और आपको उस एडर में एक इनपुट देना होगा माइनस ए ओके और इसका आउटपुट जो होगा वो आपका होगा फाइनल आउटपुट ठीक है सो so ये दो स्ट्रक्चर आपके सेम होंगे अगर आप ऑफ पॉइंट को आफ्टर द एडर शिफ्ट करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा ठीक है ये स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है अगर हम स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पर जो आपका एडर का आउटपुट है वो कितना है Rs A है ठीक है यहां पर जो आपका टेक ऑफ पॉइंट पे जो गेन है वो कितना है सिर्फ और सिर्फ आर एस है लॉजिक क्लियर है टेक ऑफ पॉइंट पे आपका गेन जो है वो आर एस है ना अब अगर मैं यहां पर देखू ऑफ पॉइंट पे गेन तो वो कितना हो जाएगा आर एस प्लस ए हो जाएगा ठीक है ना अगर मैं ये वाला एडर यूज नहीं करता तो टेक प्लस ए लेकिन सिर्फ सिर्फ. माइनस तो करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा एक और एडर यूज करना पड़ेगा तो यहां से कितना आएगा आपका यहां से आएगा आपका आर एस प्लस ए आएगा और यहां से मैंने माइनस ए लगा दिया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा वापस से आर एस आ जाएगा तो जो आपका मेन जो फिगर था उसपे जो ऑफ पॉइंट पे आंसर था और जो आपने फिगर को कन्वर्ट किया उस पर जो ऑफ पॉइंट पे आंसर है अब वो आपका सेम हो गया तो आपके दोनों फिगर क्या रह गए सेम रह गए तो दिस इज अ रूल नंबर सिक्स शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द एडर ओके नाउ रूल नंबर सेवन इज बिल्कुल रूल नंबर सिक्स जैसा ही होगा बिफोर द एडर शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द एडर इसकी क्या मीनिंग है कि जो टेक ऑफ पॉइंट है आपका वो आफ्टर द एडर रहा होगा इसे अब हमें क्या करना है बिफोर द एडर शिफ्ट करना है ओके सो यहां पर फिर से जो आपका कन्वर्टेड जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होता है आपका सपोज करिए मैं बिफोर द एडर यहां शिफ्ट कर दिया हूं ये आपका आउटपुट सीएस है और ये आपका मेन एडर यहां पर होगा ए ओके okay. और इनपुट इज योर आर एस नाउ स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बनेगा आप यहां पर एक और एडर लेंगे ओके और इस पे आप ए को एड कर देंगे क्यों एड किया हमने हम देख लेते हैं फिर से हम रूल को वेरीफाई कर लेते हैं देखिए जब आपका ऑफ आफ पॉइंट आफ्टर एडर था तो ऑफ पॉइंट पे टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी आर एस प्लस ए थी ठीक है एडर का सम क्या है आर एस प्लस ए अब आपने जब इसे बिफोर द

नाउ रूल नंबर एट रूल नंबर एट क्या है आपका शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक ओके हमें क्या करना है एक समिंग पॉइंट है हमारे पास एक एडर है उसे हमें आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है ओके सपोज करिए आपका फाइनल आउटपुट सी एस है फाइनल इनपुट आपका क्या है आर एस है और एडर में एक और इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम एके okay? जो ब्लॉक का गेन है वो आपका क्या है जी है हमारा टारगेट क्या है अब हमें इस एडर को दिस इज योर एडर इसे आपको शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक ओके तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आपका बनता है कन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो आपका बनता है वो इस तरह से होगा अगर हम एडर को आफ्टर द ब्लॉक ले जाएं तो आपका पहले ब्लॉक बनेगा फिर आपका क्या बनेगा एडर बनेगा ओके okay? ये आपका बन गया फाइनल आउटपुट इज अगेन सी एस ओके यहां पर अब चेंजेस क्या है आपके यहाँ पर चेंजेस आपका ये है कि जो आपका एडर है उसका जो गेन है वो आपका जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके okay? इस तरह का फिगर आपका कन्वर्ट होगा नाउ, यहां पर पॉइंट ये है कि ये फिगर जो कन्वर्ट हुआ है क्या वो सही है कि क्या वो गलत है हमें फिर से वेरीफाई करना होगा तो हम वेरीफाई कर लेते हैं देखिए जब आपका एडर जो है वो बिफोर द ब्लॉक था ठीक है ना तो आपका जो फाइनल आउटपुट था वो कितना आ रहा था देख सकते हैं आप लोग यहां पर एडर का आउटपुट कितना आ रहा आरएस प्लस एके आरएस प्लस ए सिंपली हम राइट कर सकते हैं फिर ये जी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाय तो कितना रहा है आपका आर जी प्लस ए जी ओके अब अगर जब हम इस एडर को आफ्टर द ब्लॉक रिप्लेस करते हैं आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका अगर हम इस जी का यूज ना करें तो कितना आ जाएगा यहां पर आपका आउटपुट आर जी और यहां पर आपका आउटपुट कितना आ जाएगा आर जी प्लस एके ना okay. अब अगर मैं यहां पर जी से मल्टीप्लाई कर दू ए को जी से मल्टीप्लाई करूं तब मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा आरजी प्लस ए जी और मुझे चाहिए भी यही था फाइनल आउटपुट कितना चाहिए था मुझे आरजी प्लस ए जी हमारा टारगेट क्या है कि हमारा फाइनल आउटपुट रिमेन सेम रहे ठीक है ना आफ्टर द कन्वर्जन ठीक है ना या आफ्टर द शिफ्टिंग तो यहां पर अगर हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाता है आर जी प्लस ए और अगर हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल आउटपुट फिर से क्या आ जाता है आर जी प्लस ए जी ओके सो दिस इज योर रूल नंबर एट शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक नाउ लास्ट रूल रूल नंबर नाइन बिल्कुल रूल नंबर एट जैसा ही होगा शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक इसका क्या मीनिंग है कि जो आपका ब्लॉक है वो आपका पहले रहा होगा इनपुट क्या रहा होगा आपका आर एस ओके अब हमें क्या करना है हमें इस summing point को द ब्लॉक शिफ्ट कर देना है ओके okay? तो अगर हम इसे बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो पहले हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आपका जो ब्लॉक है वो आफ्टर बन जाएगा समिंग पॉइंट के फाइनल आउटपुट अगेन आपका सी एस इनपुट इज आर एस ओके, okay. so, ये जो एडर का जो एक इनपुट था ए था वो आपका हो जाता है ए अपॉन जी ओके क्यों होता है इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं आप देखिए पर आपका आउटपुट कितना है, है. होगा आपका आर जी प्लस ए हो जाएगा ठीक है अगर आप यहां पर ए अपॉन जी नहीं करते तो आपका यहां पर आउटपुट क्या होता आर प्लस ए और आफ्टर एडर आउटपुट क्या हो जाता आर जी प्लस जी हो जाता ओके ना सपोज करिए आपने जी से डिवाइड कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा एडर का Now, तो कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका आर जी प्लस ए और हमारा मेन डायग्राम में भी आंसर क्या था आर जी प्लस ए था और कन्वर्टेड डायग्राम में भी आंसर क्या हो गया आर जी प्लस ए तो दिस द रूल नंबर नाइन ओके तो हमारा ये रूल भी आपका वेरीफाई हो गया सो so, ये आपके नाइन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में जो आपको यूज करने होंगे जब आप बिगर बिगर सर्किट या बिगर बिगर आप ब्लॉक डायग्राम्स कंसीडर करेंगे ओके okay? यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं गेट और आई के सिलेबस की बात करूं तो जो आपके ब्लॉक डायग्राम्स है वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं अब आपके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते ब्लॉक डायग्राम से क्यों क्योंकि ब्लॉक डायग्राम अगर बहुत बड़ा गिवन है आपको तो उसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि कोई लॉजिक लगा के आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके ठीक है ना रूल्स गिवन है पर रूल्स अप्लाई करने के बाद भी ब्लॉक्स जो हैं आपके वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए कि जो आपके बड़े ब्लॉक डायग्राम्स है वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं ओके okay. इसकी जगह आपका आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ब्लॉक डायग्राम में कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको स्मॉलर ब्लॉक के क्वेश्चन गिवन होंगे बट आपको लॉजिक अप्लाई करना होगा तो आजकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक डायग्राम में ओके क्लियर है पॉइंट सो नेक्स्ट क्लास पे हम फोर टू फाइव एग्जाम्पल लेंगे ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसमें से मेजर क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ की तरफ हम मूव कर जाएंगे ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी इज सपोज देर इज वन ब्लॉक डायग्राम इज गिवन टू यू ओके दर इज अडर And there is a gain of 10. Then there is another adder. Okay. Now there is a another block which having the gain of 3 upon 2s plus 1. Then there is output Cs. Okay. And the input is Rs. Now there is a feedback from output to input. Okay. There is a negative feedback.

कि सीएस अपॉन आर एस कैलकुलेट नहीं करना है हमें कैलकुलेट करना है सीएस अपॉन आर वन एस ओके सो हियर साइंस आर नॉट गिवन सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ओके नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट सी एस अपॉन आर वन एस सो हमें एक पॉइंट दिमाग में रखना है जो नेटवर्क थ्योरी से निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन थ्योरम वेन मोर देन वन इनपुट आर गिवन एंड इफ यू नीड टू कंसिडर ओनली वन इनपुट देन अदर इनपुट विल बी टर्न्ड ऑफ और यू कैन से जीरो सो अगर आपको यहां पर r1s को कंसीडर करना है तो आपका जो rs है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आपको rs को कंसीडर नहीं करना है तो जब आप सॉल्यूशन पार्ट करेंगे इसका सो आपका फिगर क्या हो जाएगा देखिए आप इस हेडर को यहां पर दो इनपुट है एक है rs और एक है आपका जो फीडबैक से आ रहा है ओके okay? अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज एड करनी है तब तो मुझे एडर की जरूरत है पर जब सिर्फ सिंगल वैल्यू रह जाएगी क्योंकि आर एस तो जीरो हो जाएगा तो जो सिर्फ फीडबैक से आएगा वही वैल्यू रह जाएगी तो दर इज नो नीड ऑफ एडर ओके सो यहां पर क्या हो जाएगा सपोज करिए ये आपका टेन है यहां पर आपका जो एडर प्रीवियसली लगा हुआ था विथ आर वन एस ओके आपका एक ब्लॉक सेम का सेम रह जाएगा यहां पर थ्री अपॉन टू एस प्लस वन एंड लास्ट आउटपुट इज सी एस ओके जो आपका यहां फीडबैक है आप यहां पर ध्यान से समझिएगा जो आपका फीडबैक है यहां पर वो इस तरह से जा रहा है वन था फीडबैक लेकिन आपको यहां पर ये यह पॉइंट समझना होगा कि जो फीडबैक था वो आपका नेगेटिव फीडबैक था ओके सो इट्स वैल्यू इज नॉट वन इट्स वैल्यू इज माइनस वन ओके सो आपको ये पॉइंट क्लियर रखना होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस वन सो यह आपका फीडबैक यहां से कनेक्ट हो जाएगा ओके, okay. सो so, आप यहां पर समझिए कि ये जो टेन और माइनस वन है दोनों आपके कैस्केड में है सो so जो ओवरऑल गेन है आपका वो कितना हो जाएगा माइनस टेन सो अगर हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करते हैं यहां से ठीक है तो आप देखिए ये गेन हो जाएगा आपका माइनस टेन ओके देन देर इज अडर एडर इनपुट इज आर वन एस ओके देर इज अ ब्लॉक

जो आपका प्लांट गेन है जो जी है जो फॉरवर्ड पाथ गेन है वो कितना है आपका जी है आपका थ्री अपॉन टू एस प्लस वन ओके नाउ जो आपका एच है एक्चुअल में वो कितना है आपका माइनस टेन क्योंकि देखिए आप एच क्या है आपका जो फीडबैक जा रहा है देखिए एडर तक पूरा फीडबैक गया है आपका दाइनस टेन ओके यहां पर आप देख सकते हैं जो फीडबैक है वो क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है जी अपॉन वन माइनस जी एच ओके सो यहां एस प्लस वन माइनस थ्री अपॉन टू एस प्लस वन इन टू माइनस टेन ओके सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ओके सो यह आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहां पर ओके okay? अगर आप देख पाए यहां पर तो यहां पर आपका आंसर जो है फिर से प्लस ही आ रहा है जो कि आपको मिलता था नेगेटिव फीडबैक फीडबैक में में अगर आप आप यहां पर चाहते तो इस माइनस साइन को आप सीधा में भी लिख सकते थे तो आपका फीडबैक क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता जाता नेगेटिव और यहां पर आप प्लस टेन लिख देते तो मतलब आपका वही रहता क्वेश्चन में आप चाहे माइनस इस पोजिशन पे लिखिए एडर पे या आप चाहे माइनस टेन लिखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज किसमें हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा ओके सो ये जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर वन है उसका जो आंसर है वो हमारा कैलकुलेट हो गया है ट्रांसफर फंक्शन लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी एडर को रिमूव करें तो आप यहां अच्छे से देख लें कि एडर के साथ जो फीडबैक आ रहा है या जो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं एडर में वो माइनस के साथ है कि प्लस के साथ है अगर वो माइनस के साथ है तो उनके गेन में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हमने यहां पर वन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव फीडबैक था ओके सो दिस इज योर एग्जांपल एग्जांपल नंबर नाउ इन नेक्स्ट हमें टू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम गिवन है लेकिन हमें यह कहा गया है कि दोनों ब्लॉक डायग्राम्स का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका सेम है ओके okay? सो so, मैं यहां पर फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ओके सो दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम

ट्वेंटी एस प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री ओके दिस इज योर आउटपुट सी एस एंड दिस इज योर इनपुट आर एस ओके सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ पी क्या होगी इफ बोथ ट्रांसफर फंक्शन आर इक्वल ओके सो इसका ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट दिख रहा है यहां पर ट्वेंटी एस प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय प्लस थ्री ओके अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर ले तो हम लोग वैल्यू ऑफ पी कैल्कुलेट कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर जो फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम है वहां पर आपकी दोनों ब्रांचेस क्या है पैर में है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पैरलर ब्रांचेस कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपको मैंने क्या कहा था कि अगर दोनों ब्रांचेस के इनपुट सेम हो जो कि यहां पर आर एस और आर एस है एंड दोनों ब्रांचेस एक ही एडर पे क्या हो रही हो एंड हो रही हो तो वो क्या होंगी आपकी पैरलर में होंगी तो हम यहां देख सकते हैं सॉल्यूशन पार्ट में ये क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन एस प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी पैलर में ब्रांचेस क्या होते हैं आपके गेन क्या होते हैं एड होते हैं आपके ओके सो ये कितना हो जाएगा पी प्लस ट्वेंटी एस प्लस सिक्सटी डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री ओके ये आपका किसके इक्वल है ये आपका इक्वल है ट्वेंटी एस प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री ओके सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या है आपका सेम है एस प्लस थ्री एस प्लस थ्री ओके ट्वेंटी एस भी आपका क्या है दोनों में सेम है इसका मतलब क्या है कि पी प्लस सिक्सटी आपका कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं वैल्यू ऑफ p ओके okay? सो so, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था आपका जैसा मैंने आपको वीडियो के टाइम पे भी बोला था कि ब्लॉक डायग्राम में बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स नहीं आते हैं आपको सिर्फ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लॉजिक अप्लाई करना है दैट्स इट नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम गिवन है और आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है उस ब्लॉक डायग्राम का ओके okay? सो so, यहां पर मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं हमें इस ब्लॉक डायग्राम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चाहिए ओके okay? यहां पर आपका एक फीडबैक कनेक्टेड है विद गेन 8 ओके okay? और ये आपका फीडबैक पहले इस एडर में जा रहा है आपका विथ माइनस ओके एंड देर इज ओके एंड आपका एडर में भी जा रहा है आपका फीडबैक अगेन विथ द माइनस साइन तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां पर ब्लॉक डायग्राम आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एस अपॉन आर एस ओके ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो फीडबैक है वहां पर आपके दो दो ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक है आपका गेन विद 8 एंड सेकंड ब्लॉक है गेन विद 2 ओके अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इस पूरे डायग्राम को तो आप देखिए जो सीएस है वहां से आपका फीडबैक स्टार्ट हुआ है ओके okay? और आपका पहले फर्स्ट एडर में चला गया वो ओके विद गेन 8 ओनली फिर ये सेम फीडबैक ही आगे कंटिन्यू कर रहा है ना आपको ये बात समझनी है कि आपका जो फीडबैक सीएस से स्टार्ट हुआ है वो एंड एक्चुअल में कहां पर हो रहा है वो फर्स्ट एडर पे जाके एंड हो रहा है इसकी मीनिंग क्या है कि जो ये आपका ये वाला एडर है जिसको आप मान लीजिए सेकंड एडर बोल रहे हैं तो ये जो आपका सेकंड एडर है वहां पर सिर्फ गेन 8 के साथ जा रहा है फीडबैक लेकिन जो आपका फर्स्ट एडर है वहां पर वो गेन 16 के साथ जा रहा है आपका ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए लॉजिक क्लियर है ना आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो सेकंड वाला एडर है उसमें गेन एट जा रहा है और जो फर्स्ट वाला एडर है उसमें गेन टू जा रहा है नहीं आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फीडबैक फीडबैक हमेशा कहां से 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 चालू होता है से. तो से है आउटपुट आउटपुट तो आपका ही स्टार्ट हुआ और वो फाइनली ये फर्स्ट एडर तक जा रहा है आपका बीच में गेन एट को आपको इस सेकेंड एडर को आपने दे दिया है ओके ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो अब अगर मैं इस सर्किट को और आप कह सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं तो यहां पर यह आपका आर एस है ओके देर इज फर्स्ट एडर ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है टू ओके देर इज सेकेंड एडर फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है आपका फोर देर इज आउटपुट सी एस अब आप देखेंगे यहां पर यह आपका जो गेन एट के साथ है ये आपका चला गया विद नेगेटिव फीडबैक ओके नाउ सेम आपका आप

स्मॉलर लूप को सॉल्व करने पर जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे टी वन नाम दे दूं, तो ये हो जाएगा आपका फोर क्या है आपका जी है और एट क्या है आपका एच तो क्या होता है आपका जी अपॉन वन प्लस जी एच तो फोर अपॉन वन प्लस थर्टी टू दे बाय थर्टी थ्री ये आपका आ जाएगा टी वन अब इसे आप अगर डायग्राम में पुट कर दें तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा डायग्राम आपका जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन है वो कितना है आपका टू है सो यहां पर आप टू लिख दीजिए ओके सेकेंड सॉल्व करने पर आपका कितना आया यहां पर फोर बाय थर्टी थ्री आया है, फिर आपका जो फीडबैक है वो कितना है आपका यहां पर सिक्सटीन है ओके सो आपने सिक्सटीन फीडबैक में डाल दिया तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि टू एंड फोर बाय थर्टी थ्री आपके किसमें हैं क्या स्केड में है दोनों क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई तो टी टू अगर मैं इसे नाम दू टी तो टू के लिए जो आपका जी है वो क्या हो जाएगा टू इंटू फोर बाय थर्टी थ्री और वन प्लस जी एच कितना हो जाएगा फिर से एट बाय थर्टी थ्री जी और एच कितना है आपका सिक्सटीन है ओके सो टू इंटू फोर बाय थर्टी थ्री आपका जी था एट बाय थर्टी थ्री एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है वन प्लस जी एच तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से और टी टू ही आपका क्या होगा फुल एंड फाइनल आंसर ओके क्लियर है तो इस तरह से हमें इस तरह के सर्किट को और इस तरह के ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व करना है ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर फोर यहां पर हमें अगेन एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम गिवन है फर्स्ट ब्लॉक का गेन है आपका जीवन देन अगेन आपका एक एडर है देन ब्लॉक है जिसका गेन है जी टू अगेन एक एडर है आपका ओके देन फाइनली देर इज अउटपुट ओके नाउ देर इज अ वन मोर ब्रांच स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट ओके जो कि आपके पहले फर्स्ट एडर में जा रही है देन वो आपके सेकेंड एडर में जा रही है ओके नाउ दिस इज योर इनपुट आर एस ऑल साइंस आर पॉजिटिव इन द एडर ओके नाउ हमें फिर से यहां पर सी एस अपॉन आर एस कैलकुलेट करना है ओके okay? तो यहां पर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को तो यहां पर आर एस जो है आपका आर एस से आपकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं ठीक है ना ये दिस इज योर फर्स्ट ब्रांच जीवन जी टू वाली और सेकेंड ब्रांच सेकेंड ब्रांच पे कोई गेन गिवन नहीं है दैट इज 1 1 है आपका ओके नाउ इफ टू ब्रांचेस आर आर देयर फ्रॉम वन 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 स्टार्टिंग पॉइंट और इनपुट एंड दे एंडिंग एट एडर दैट मींस दिस टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल लेकिन आपको ये पॉइंट समझना होगा ये क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है क्योंकि यहां पर आपके दो दो एडर है ठीक है ना तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट को देखिए आप देखिए आपका जीवन है एक ब्रांच का गेन ओके जो कि आर एस से स्टार्ट हो रही है दूसरी ब्रांच का गेन आपका क्या है वन है ठीक है ये भी जो है आपका ये यहां पर एंड हो रहा है आपका ओके इसका मीनिंग क्या है आपका कि ये जीवन और वन पे होंगे आपके पैलर में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का जीवन प्लस वन ओके अगर आप लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं यहां पर तो लास्ट क्वेश्चन में सेम तरीके से जो डायग्राम था उसमें फीडबैक था यहां पर ये सेम तरीके से जो डायग्राम है आपका उसमें आपका फॉरवर्ड पाथ है ओके जो सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं जो नीचे वाली लाइन है आपकी ओके सो so, यहां पर आप समझिए ये जो से आपकी जो ब्रांच स्टार्ट हो रही है वो जा तो पूरी लास्ट एडर तक ही रही है बीच में इस वाले एडर को भी आप गेन दे रहे हो इस वाले एडर को भी आप प्रोवाइड कर रहे हो गेंद ओके तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए ठीक है ना लॉजिक क्लियर है तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा जीवन प्लस वन लेकिन ये जो ब्रांच है वो लास्ट तक भी जाएगी जाएगी ओके तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं देखिए दिस इज योर जीवन प्लस वन ओके देन इस एडर का रोल ऑफ फिनिश हो गया जो आपका फर्स्ट एडर था ये आपका कंटिन्यू कर जाएगा देन ब्लॉक इज जी टू देन आपका जो लास्ट एडर है वो अभी भी प्रेजेंट होगा एंड आउटपुट इज सी एस और ये जो आपका है ब्रांच वो अब कहां तक जाएगी पूरी की पूरी लास्ट एडर तक जो ऑलरेडी जा रही थी आपकी आप फिगर में देख सकते हैं ये ब्रांच जो है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होके पूरी लास्ट तक जा रही थी आप बीच में इस एडर पर भी अप्लाई कर रहे थे तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया अब ये जो यहां तक जा रही है लास्ट एडर तक उसको आप एस रहने दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा अब अब आपका हो जाएगा कि ये जो ब्रांच है आपकी दिस वन जिसका गेन क्या है आपका जी वन प्लस वन इंटू जी टू एंड जो ये ब्रांच है जिसका गेन क्या है वन ये दोनों किसपे होंगी आपकी पैलर में होंगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी वन जी टू प्लस जी टू प्लस वन दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन ओके ठीक है ना ये दोनों आपके कैस्केड में थे तो मल्टीप्लाई हो गए ओके okay? और आपका वन पैलर में था तो एड हो गया ओके okay? सो so इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आई होप क्लियर होंगे आपको न्यूमेरिकल्स ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ स्टार्ट करेंगे आफ्टर कन्वर्ट कि कर सकते हैं ओके okay? सो so, हम लोग ब्लॉक डायग्राम के और भी क्वेश्चन कंसीडर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में बट हम उसे सॉल्व करेंगे वाया okay? अगर आज के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो ऑन द ब्लॉक टेक्निक्स ओके सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विदग्नल फ्लोग्राफे सो वॉट इज सिग्नल फ्लोग्राफ क्या होता है सिग्नल ग्राफ क्या यूज है सिग्नल फ्लोग्राफ का ओके सो सिज अ ग्राफिकल टेक्निक

सिग्नल फ्लोग्राफ आपका क्या होता है आप भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके दैट इज योर सिग्नल फ्लो फ्लो ग्राफ ओके सो सिग्नल ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिग्नल फ्लोग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है कैसे बनाया जाता है सिग्नल फ्लोग्राफ उसके बाद हम लोग इसका मेन फॉर्मूला जो है मेजॉन्स गेन फॉर्मुला वो देखेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं सपोज करिए मेरे जो सिस्टम है उसके नोड्स जो है वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स है ओके okay? सो so, मैं रिलेशनशिप आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ओके सपोज करिए एक्स टू है आपका ए एक्स वन एक्स थ्री है आपका बी एक्स टू प्लस सी एक्स फोर के एक्स फोर है आपका डी एक्स थ्री प्लस ई एक्स टू प्लस एफ एक्स फोर के एक्स फाइव है आपका जी एक्स टू प्लस एच एक्स फोर के एंड एक्स सिक्स आपका फाइनली है आई एक्स फाइव प्लस जे एक्स टू ओके सो इस तरह से मैंने आ, कुछ इक्वेश्स यहां पर लिख लिए हैं अब मुझे इन का सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ करना है ओके okay? जब हम लोग इस इक्वेशन के सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सिग्नल फ्लोग्राफ के स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे सिग्नल फ्लोग्राफ का स्ट्रक्चर बनता है ओके, okay? तो हमारे पास सिक्स नोट्स हैं, तो मैं यहां वन बाय वन नोट्स को डिनोट कर देता हूं एक्स वन ओके नेक्स्ट इज एक्स टू नेक्स्ट आपका क्या है एक्स थ्री अगला है एक्स फोर देन एक्स फाइव देन एक्स सिक्स ओके तो यहां पर मेरे पास सिक्स नोट है अब हमें करना क्या है यहां पर एक्स टू की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं एक्सटू की वैल्यू है आपकी AX1, means आपको करना क्या है एक्स टू के इक्वेशन को आप देखिए एक्स टू के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स वन से ए आ रहा है मीन्स आप क्या करेंगे एरो करेंगे एक्स टू की तरफ और गेन कर देंगे एके मीन्स okay? जिस वेरिएबल का इक्वेशन आप लिख रहे हो उसी वेरिएबल की तरफ आपको इनकमिंग एरो शो करना है, है? ठीक जैसे सपोज करिए आप की तरफ एंड बी एंड एक्स फोर से क्या आ रहा है आपका सी so, आप आ, आ रहा है मतलब आप बैक आएंगे ठीक है तो एक्स फोर से आपका क्या हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा ओके okay. नाउ एक्स फोर का इक्वेशन आप देखिए यहां पर एक्स फोर में एक्स थ्री से क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है तो एरो बना दीजिए सिंपली एक्स टू से क्या आ रहा है आपका ई e आ रहा है तो आप सिंपली से यहाँ पे लगा दीजिए ओके एंड नेक्स्ट क्या है आपका एक्स फोर में एक्स फोर से ही एफ आ रहा है ओके okay? जब सेम वेरिएबल पे सेम वेरिएबल से ही कोई गेन आ रहा हो तो इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप ओके मींस सेम वेरिएबल से स्टार्ट होके हम सेम वेरिएबल पे क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं ओके okay? सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप तो इसका गेन क्या है आपका एफ है ओके नाउ एक्स फाइव का इक्वेशन देखिए आप एक्स फाइव में आपका एक्स टू से क्या आ रहा है जी आ रहा है ओके okay? तो यहां पे बना देता हूं मैं ये हो गया आपका जी ओके एंड एक्स में आपका एक्स से क्या आ रहा है एच आ रहा है ओके okay? लास्ट इज एक्स सिक्स एक्स सिक्स से क्या आ रहा है आपका आई और एक्स टू से क्या आ रहा है एक्स टू से आ रहा है आपका जे ओके सो एक्स टू से हम लोग बना रहे हैं यहां पर ओके तो ये आपका सिग्नल आपका क्रिएट हो गया तो सिग्नल फ्रोग्राफ कुछ इस तरह का आपको दिखता है ठीक है हमने क्या किया बेसिकली यहां पर फाइव इक्वेशन लिए हैं x2, x3, x4, x5 एंड x6 के ओके एक्स वन को हमने इनपुट नोड माना है और x6 को हमने आउटपुट नोड माना है ओके okay? बस सिंपली आपको हर एक इक्वेशन को देखते जाना है और हर एक इक्वेशन में आपको देखना है कि जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है जैसे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स टू वो सिर्फ एक्स वन वेरियबल में डिपेंड कर रहा था और एक्स वन का गेन क्या था आपका ए था तो बस एक्स टू के इक्वेशन में आपको क्या करना था एक्स टू वेरियेबल में एक्स वन से गेन ए आपको शो करना था ठीक है ना हमेशा इनकमिंग उसमें रहेगा जो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ठीक है तो बहुत इजी है आपका नाउ, ये हो जाने के बाद मैं अब एक दो न्यूमेरिकल टाइप के एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए सिग्नल okay? so, एक और एग्जांपल आप देखिए सिग्नल फ्लोग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सपोज करिए आपको यहां पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स एक्स का इक्वेशन है आपका एक्स वन प्लस ए यू ओके, okay. नाउ आपको अगला दिया हुआ है एक्स वन डॉट का इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको बी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सी यू नाउ नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स टू डॉट का और ये आपको दिया हुआ है डी एक्स वन प्लस ई यू ओके तो ये आपको एक तीन इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको क्या बताया है कि जो आपका u है वो है आपका इनपुट ओके एंड जो आपका एक्स है वो है आपका आउटपुट ये आपको सिग्नल फ्लोग्राफ में बता दिया है सिग्नल फ्लोग्राफ के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि यू इज द इनपुट एंड एक्स इज द आउटपुट ओके सो अगर आप यहां पर देखें इस प्रॉब्लम को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं कैसे आप देखिए यहां पर आपको एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट के इक्वेशन दिए हैं ओके तो एक्स वन डॉट आप जानते हैं

चेंज हो जाएगा ठीक है इससे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे ओके okay? सो so, पहले मैं मेथड नंबर वन ले रहा हूं जहां पर मैं डॉट डॉट को X1 ही रहने दे रहा हूं सेम फॉर डॉट ओके सो मेथड नंबर ओके सो हमें क्या गिवन है है यहां पर कि u जो है आपका वो क्या है आपका इनपुट वेरिएबल तो मैं u को इनपुट साइड में बना देता हूं ओके okay? सो so, u इज माई इनपुट वेरिएबल नाउ x क्या गिवन है मुझे x इज योर आउटपुट वेरिएबल तो मैं x को आउटपुट में बना देता हूं ओके okay? अब जो बाकी के वेरिएबल है लाइक एक्स वन एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स टू उनको आप अपनी मर्जी से दे सकते हो बट हम लोग एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करते हैं कि जैसे सपोज करिए एक्सट्रीम राइट में आपका क्या है एक्स है तो एक्स के बाद क्या आना चाहिए आपका एक्स वन ही आना चाहिए तो हम एक्स वन शो कर देते हैं आप एक्स वन को यहां पर भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर आपका गलत नहीं होगा लेकिन हम एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं एक्स के बाद क्या आएगा एक्स वन ओके एक्स वन और एक्स वन डॉट में कोई तो रिलेशन होगा आप जानते हैं तो एक्स वन और एक्स वन डॉट में क्या है रिलेशन जो एक्स वन डॉट है वो एक्स वन का क्या है आपका डिफरेंशिएशन है तो एक्स वन डॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स वन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं वन बाई एस हम जानते हैं कि जब भी हम वन बाई एस करते हैं वो क्या होता है इंटीग्रेशन और जब हम एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है ओके okay, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक्स वन डॉट और एक्स वन के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो वन बाई एस से आप शो करेंगे ओके सेम फॉर डॉट तो अगला आपका क्या हो जाएगा एक्स वन डॉट के बाद आप X2, और आप X2 dot. तो X2 dot dot और सेम लिखेंगे एक्स टू डॉट तो एक्स टू डॉट एन डॉट और एक्स टू में क्या रिलेशन होगा अगेन वन बाई एस का रिलेशनशिप होगा ओके सो ये आपका जो नोट्स आपको जो शो करने थे वो आपने शो कर दिए हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है अब अब आप अपने इक्वेशंस को देखिए इक्वेशंस में देखिए हर एक वेरिएबल का इक्वेशन आपके पास है x का इक्वेशन है आपके पास x1 डॉट का इक्वेशन है n x2 डॉट का भी इक्वेशन है आपके पास तो x का इक्वेशन क्या है यहां पर x1 और कोफिशिएंट क्या है इसका 1 मतलब x1 से आप क्या शो करेंगे 1 x की तरफ सिंपली u से क्या आ रहा है आपका a तो u आपका इनपुट नोड है x की तरफ आप ले जाइए क्या चला जाएगा आपका ए ओके नाउ एक्स वन डॉट के इक्वेशन को आप देखिए एक्स वन डॉट के इक्वेशन में एक्स टू से क्या आ रहा है आपका वन ठीक है एक्स वन से क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है ओके okay. सो so, ये आपका क्या हो जाएगा फीडबैक तो एक्स वन से क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है ओके नाउ यू से क्या आ रहा है आपका सी ओके सो यू से आप डाल दीजिए एक्स वन डॉट में सी ये हो गया आपका C. इज द इक्वेशन ऑफ x2 डॉट x1 से क्या आ रहा है आपका D आ रहा है तो आप देखिए x2 डॉट आपको यहां दिख रहा है X1 से क्या आ रहा है हमारा D. सो so अगेन ये फीडबैक होगा आपका x1 से हो जाएगा आपका D. नाउ U से क्या आ रहा है आपका E आ रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा U से E. Okay. सो so, ये हमारा फिर से सिग्नल फ्लोग्राफ जनरेट हो गया ओके okay? तो आपको शायद पॉइंट क्लियर होगा इन दो एग्जाम्पल से नाउ इस एग्जाम्पल में हम एक और मैथड ले सकते थे मैथड नंबर टू जो मैंने आपको कहा था ठीक है तो मैथड नंबर टू में हम क्या कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं इन तीनों का ओके okay? सो so, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता हूं तो पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका एक्स का दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एस एक्स वन एस का और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा एस एक्स टू एस का ओके okay? तो so, अगर मैं इन इक्वेशंस को अब शो करूं तो फर्स्ट इक्वेशन जो एक्सएस का है वो क्या हो जाएगा एक्स वन एस प्लस ए यू एस तो ये हो जाएगा एक्स वन एस प्लस ए यू एस ओके नाउ सेकेंड इक्वेशन बी एक्स वन एस प्लस एक्स टू एस प्लस सी यू एस ओके ये हो गया सेकेंड इक्वेशन नाउ थर्ड इक्वेशन डी एक्स वन एस प्लस ई यू एस सो डी एक्स वन एस प्लस ई ओके सो यहां पर मेरे थ्री क्वेश्चन क्रिएट हो गए अब आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए या आप लास्ट मेथड को बोल सकते हैं ध्यान से देखिए लास्ट मेथड में जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था उस उसपे नंबर ऑफ वेरबर्स कितने थे एक था आपका एक्स देन एक्स वन देन एक्स वन डॉट देन एक्स टू देन एक्स टू डॉट देन यू मीन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टोटल आपके सिक्स नोट्स बने थे सिग्नल फ्लोग्राफ में सिक्स वेरिएबल्स थे आपके बट अगर आप मेथड नंबर टू में देखिए तो वेरिएबल्स कितने हैं आपके XS, X1S, US. ठीक है और अगला क्या रहा एक्स टू एस ओनली फोर वेरिएबल्स हैं आपके पास ओके okay? तो अब आपको क्या करना है अब आपको जो ये एक्स वन एस के साथ जो एस दिख रहा है और एक्स टू एस के साथ जो एस दिख रहा है उस एस को आपको डिवाइड कर देना है ठीक है ना दोनों इक्वेशन में दो बोथ साइड आप एस से डिवाइड कर दीजिए तो इससे आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो एक्स वन एस का आ जाएगा एन एक्स टू एस का आ जाएगा ओके तो मैं फिर से सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं हमें पता है कि यूएस जो है वो आपका क्या है इनपुट वेरिएबल है और जो आपका एक्सेस है वो क्या है आउटपुट वेरिएबल है ना हमें भी पता है जैसा हमने पिछले मेथड में किया हुआ है कि एक्स के बाद हम क्या ले सकते हैं एक्स वन ले सकते हैं ऑल दो ये कोई रूल नहीं है बट हम ले, ले रहे हैं एक्स के बाद क्या ले रहे हैं हम एक्स वन एस ओके बाद हम क्या ले सकते हैं अब एक्स टू एस ले रहे हैं ओके okay? ना अब हमें क्या करना है बेसिकली एक्स टू एस एक्स वन एस एंड एक्स एस इनके हमें इक्वेशन के थ्रू सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ करने हैं ओके ना अब देखिए अब जो एक्स वन एस का इक्वेशन है या पहले आप एक्स एस का देख सकते हैं जो एक्स एस का इक्वेशन है वो क्या है एक्स वन एस मतलब एक्स वन एस से क्या आएगा आपका वन आ जाएगा प्लस ए मतलब us, मतलब यूएस से क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है तो यहां पर आप शो कर दीजिए ओके ना जो एक्स वन एस का इक्वेशन है आप एस से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वन एस का जो इक्वेशन है वो क्या है बी बाई एस एक्स वन एस एक्स वन एस में एक्स वन एस से ही क्या आएगा आपका बी बाय आ जाएगा ओके okay? तो यहां पर आप शो कर दीजिए बी बाय ओके नाउ एक्स टू एस बायस यहां से आएगा आपका वन बाय नाउ सी बाय इन टू यू एस मीनस यू से कितना आएगा आपका सी बाय आ जाएगा तो यू से आप शो कर दीजिए यहां पर सी बाय आ जाएगा क्लियर है ना हम यहां पर डिवाइड बाय कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स वन एस का इक्वेशन चाहिए ओके इसलिए बी बाई एस एक्स टू एस बाई एस एंड सी बाय ओके नाउ एक्स टू एस का इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा डी बाई एस एक्स वन एस सो एक्स टू में एक्स वन से डी बाई एस आ रहा है ओके तो ये रहा आपका एक्स वन ठीक है क्या जा रहा है आपका डी s, ओके ये चला गया आपका फीडबैक बात नाउ यू से कितना आ रहा है आपका ई e s? तो आप शो कर दीजिए ओके e okay? तो ये आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ ठीक है ना तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से अब देखिए तो जो नंबर ऑफ नोट्स थे वो आपके सिर्फ 4 रह गए जबकि लास्ट ग्राफ में नंबर ऑफ नोट्स जो थे आपके सिक्स थे ठीक है ना तो मेथड नंबर टू में जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स जो थे वो रिड्यूस हो गए ठीक है दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल सही है ठीक है जनरली जो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आई के सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं या किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं गेट के ऑब्जेक्टिव एग्जाम या आई के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करने के क्वेश्चन कम आते हैं बट यस सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन होगा तो उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के क्वेश्चन या रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ओके okay? सो so, हमें एक रफ आइडिया हो गया है कि सिग्नल फ्लोग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है कैसे ड्रॉ करना है हमें अब हम अपने main topics की तरफ move कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जानना जरूरी है दैट फॉर्मुला इज कॉल्ड मेजॉन्स गेन फॉर्मूला ओके होता है ये मेजॉन्स गेन फॉर्मूला ठीक है ये मेजोन्स गेन जो फॉर्मूला है आपका ये रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके सो क्या होता है ये हम देखते हैं सपोज करिए मैं देता हूं ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू वन टू एन पी के डेल के अपॉन डेल ओके हमारा फॉर्मूला होता है मेजोन गेन फॉर्मूला यू कैन फंशन एंड यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एस रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल अब ये होता क्या है आपका देखते हैं देखिए यहां पर जो एन है आपका एन जो है आपका वो शो कर रहा है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ ओके एन क्या है आपका फॉरवर्ड पाथ कितने हैं आपके फॉरवर्ड पाथ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ सेम जो आपका पीके है पीके पी के जो है वो शो कर रहा है गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ केथ फॉरवर्ड पाथ मींस क्या होगा आपका मींस देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास टेन फॉरवर्ड पाथ है तो अगर आप सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे p2 p2 मींस गेन ऑफ द सेकंड फॉरवर्ड पाथ आप बोलेंगे p6 दैट मींस गेन ऑफ द 6th फॉरवर्ड पाथ ओके तो इस तरह से ये शो करता है pk नाउ नेक्स्ट इज डेल डेल क्या है आपका इट इज कॉल्ड डिटरमिनेट ऑफ द सिस्टम ओके इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला भी होता है जो अभी हम देखने वाले हैं ओके सो डेल का जो फॉर्मुला होता है आपका वो होता है डेल इज इक्वल टू वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स मीन्स जो भी आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में जितने भी लूप्स होंगे ठीक है ना तो उन सबको आप क्या कर देंगे उनके गेन्स को एड कर देंगे तो मैं हर एक लूप के गेन को एल वन एल टू एल थ्री से शो कर रहा हूं तो वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। ओके तो अगर मैं इसको नॉर्मली थ्योरी में लिख दू तो समेशन ऑफ ठीक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। ओके टू नॉन टचिंग गेन्स क्लियर है पॉइंट ये जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये थ्योरी ओके नाउ नेक्स्ट होता है आपका माइनस सम ऑफ ऑफ प्रोडक्ट्स थ्री थ्री नॉन टचिंग लूप गेन्स ओके सो यहां पर ये यह फॉर्मुला आपका प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा ओके okay? सो so, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वो क्या है कि आपको अगर डेल कैलकुलेट करना है तो आपको जो सिग्नल फ्लोग्राफ गिवन होगा आप सबसे पहले क्या करेंगे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कितने आपके लूप्स लूप्स हैं ओके को आइडेंटिफाई करने के बाद आप हर एक लूप का गेन कैलकुलेट करेंगे ओके okay? हर एक लूप का गेन कैलकुलेट कर लेने के बाद आप उसके बाद यह चेक करेंगे कि कितने लूप हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ठीक है जो लूप टच नहीं कर रहे होंगे उनके गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन होंगे सबको एड कर देंगे ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स ये टू भी हो सकते हैं और ये थ्री भी हो सकते हैं गे? और फोर भी हो सकते हैं बट जनरली फोर का केस आता नहीं है एग्जाम में मैक्सिमम थ्री तक जाएगा थ्री भी बहुत कम आता है मैक्सिमम टू नॉन टचिंग लूप गेन्स तक ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है ओके बट हमें प्रिपेयर रहना है थ्री के लिए भी ठीक है ना अब आप सोच रहे होंगे ये लूप क्या होता है ये लूप गेंस क्या होते हैं ये फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करूंगा बाई डेफिनेशन बाई एग्जाम्पल्स ओके ना उसके पहले मेजोन गेंद फॉर्मूले के जो और भी टर्म्स रह गए हैं जिन्हें हमें समझना है पहले हम उन्हें समझ लेते हैं तो डेल के जो नेक्स्ट टर्म है आपका डेल के डेल के क्या होता है आपका ये आपका सेम एज डेल है तो आप बोल रहे होंगे फिर फर्क क्या है दोनों में अगर सेम एज डेल है तो देखिए यहां पर आप डेल के इज सेम एज डेल बट बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स दैट आर टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ ओके आपको उन लूप गेन्स को एक्सक्लूड कर देना है जो टच कर रहे हैं केथ फॉरवर्ड पाथ को ओके okay? सो so, डेल के इज सेम एज डेल बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द ंग फॉरवर्ड पाथ ठीक है ना सपोज करिए मैं अगर डेल टू निकाल रहा हूं ठीक है मतलब मैं किसे देखूंगा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो डेल टू इज सेम एज डेल बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ मतलब जो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ हमने कंसिडर किया होगा उसे अगर कोई लूप टच कर रहा होगा तो उन लूप्स के गेन को हम एक्सक्लूड कर देंगे दैट इज योर डेल के ओके क्लियर ए पॉइंट नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक एक टर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं लाइक व्हाट इज फॉरवर्ड पाथ व्हाट इज इनपुट नोड व्हाट इज आउटपुट नोड इससे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी ओके सो फर्स्ट डेफिनेशन इज वॉट इज नोड नोड क्या होता है आपका नोड क्या है नोड क्या है आपका नोड शो करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम। जिस सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं या जिस सिस्टम के लिए आप सिग्नल ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वही क्या शो कर रहा है आपका नोट्स तो नोट्स क्या है आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओके नाउ नोट्स के अंदर आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट नोट क्या होता है इनपुट नोट क्या होता है आपका इनपुट नोट की मीनिंग ये होगी या करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि में कोई भी नहीं होगी. में सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग ब्रांचेज होंगी ठीक है ना तो आप कह सकते हैं नो इनकमिंग ब्रांच ठीक है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज स्ट्रिक्ट ओके मतलब ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि इनपुट नोड वही नोड होगा जिसमें कोई इनकमिंग ब्रांच ना हो अगर कोई नोड इनपुट नोड जैसा दिख रहा है आपको मतलब कोई नोड आपका फर्स्ट पोजीशन पर है सिग्नल फ्लो ग्राफ में तो और अगर उसमें कोई इनकमिंग ब्रांच है तो इसका मतलब है कि वो इनपुट नोड नहीं है ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है तो फिर किस तरह से हम इनपुट नोड में उसे कन्वर्ट करेंगे या किस तरह से अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम इनपुट नोड जनरेट करेंगे ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में ओके okay? लेकिन अभी के लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनपुट नोट क्या होते हैं क्योंकि इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस बेस होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टफ क्वेश्चंस हैं ओके सो इसी कारण मैंने यहां पे लिखा है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको ये रूल कि इनपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट नोड। आउटपुट नोड में क्या होता है आपका नो आउट गोइंग ब्रांचेस ओके आपकी कोई भी आउट गोइंग ब्रांच नहीं होगी आउटपुट नोड में ओके बट यस ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक बार देख लेना है ठीक है ये सिचुएशन आपकी स्ट्रिक्ट नहीं है इनपुट नोट वाली सिचुएशन आपकी क्या है स्ट्रिक्ट है ओके बट आउटपुट नोट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आउटपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो आउट गोइंग है ठीक है ना जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वीडियो में, तो आप क्या के साथ -साथ इस वीडियो को भी फॉलो करते चलिएगा इससे आपको जो सारी डेफिनेशन है और अच्छे से क्लियर होते चले नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं समझना है वो है फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ क्या होता है बेसिकली आप अगर नाम पे जाए इंग्लिश की मीनिंग पे जाए आपको आगे की तरफ मूव करना है इनपुट टू आउटपुट ओके सो फॉरवर्ड पाथ पाथ इज अ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट विध नो नोड रिपीटेड ठीक है ना मतलब आप इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ मूव करेंगे पर बीच में आपका कोई नोड रिपीट नहीं करना है आपको ठीक है ना उस पाथ को फॉलो करते समय ठीक है ना बेसिकली आपको रास्ता ढूंढना है इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ और किसी रास्ते में आपको दोबारा नहीं घूमना है आप भी नहीं चाहोगे ना कि आप सेम रास्ते पे दोबारा घूमते रहो ठीक है ना आप चाहोगे कि आप एक सिंपल सा रास्ता सिंपल सा पाथ ढूंढो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन ठीक है ना सो फॉरवर्ड पाथ आपका वही होता है पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड ठीक है इनपुट टू आउटपुट ओके विद नो रिपीटेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आपको यहां समझ के चलना है नो no रिपीटेशन ना फॉरवर्ड पाथ के बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझना है दैट इज कॉल्ड लूप तो लूप क्या होता है आपका लूप भी आपका एक पाथ ही है बट लूप क्या है आपका एक क्लोस्ड पाथ है दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम नोट ठीक है ना क्लोस्ड पाथ है आपका जो कि स्टार्ट भी एक ही नोट से होगा और एंड भी एक ही नोट से होगा बट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फिर से नो नोड रिपीटेशन मतलब अगेन नो रिपीटेशन ओके क्लियर है पॉइंट मतलब आपको एक नोट से स्टार्ट कर लेना है और आप पूरी तरीके से घूम कर आ जाइए और वापस से आप उसी नोट पर आइए लेकिन जब आप घूम रहे होंगे तो आपको कोई नोट बीच पर रिपीट नहीं करना है जितने भी नोट आपके आएंगे वो सिर्फ एक बार ही आने चाहिए जो बाकी के नोट्स होंगे ठीक है ना जैसे आप सपोज करिए आप मॉर्निंग में अपने घर से निकलते हैं ठीक है ना तो आप घूम कर वापस आते हैं शाम तक या कोई काम कर कर वापस आते हैं शाम तक ठीक है ना तो वापस आप घर पर ही आते हैं अपने ठीक है ना तो क्या हो रहा है आपका कि आपने स्टार्ट अपने घर से किया और अपने सारे काम करके आप वापस कहां आए घर पर आ गए और आप क्या चाहोगे आइडियली आप चाहोगे कि जो जो काम आप रास्ते में कर रहे हो वो आपके एक एक बार में खत्म होते चले जाएं तो आप नहीं चाहोगे कि आप किसी काम को करने के लिए दोबारा उस लोकेशन पे वापस जाओ ठीक है ना आप वन बाय वन लोकेशन को एक एक करके कवर करते हुए वापस अपने आप घर पर आ जाओगे ठीक है ना तो क्लोज पाथ भी आपका वही है लूप भी आपका वही है स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम नोड बट नो नोड रिपीटेशन इन बिटवीन ओके सो ये होता है आपका लूप नाउ लूप के अंदर ही अगर मैं बात करूं नॉन टचिंग लूप्स की आपने देखा था फॉर्मले में कि हम लोगों ने पढ़ा था टू नॉन टचिंग लूप्स और थ्री नॉन टचिंग लूप्स 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 ओके तो 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 नॉन नॉन टचिंग टचिंग जो हैं आपके अगर मैं उनकी बात करता हूं आप तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो आप बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा लूप्स जो कि एक दूसरे को टच ना कर रहे हो या आप सिंपल लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हो दो या दो से ज्यादा लूप्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोट ना हो टच करने का मतलब क्या है क्योंकि सिग्नल फ्रोग्राफ में तो आप सिर्फ और सिर्फ नोट से ही डील करने वाले हो तो टू और मोर देन टू लोब्स विच हैविंग विच नॉट है तो वो आपके नॉन टचिंग लूप आपके कहलाएंगे ओके सो आप क्या बोल सकते हैं नो कॉमन नोट ओके तो आपके वो लूब्स कहलाएंगे नॉन टचिंग लूब्स ओके सो ये आपकी कुछ डेफिनेशन है सिंगल फ्लोग्राफ के अंदर जो पॉइंट आपको यूज करने हैं जो टर्म आपको यूज करने हैं आई होप आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होंगी यहां पर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑन सिग्नल फ्लोग्राफे और जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बोला जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को भी एक बार खोल लीजिएगा साथ साथ में और आप कंपेयर करिएगा जो टर्म्स हमने यहां पर पढ़े हैं उनको न्यूमेरिकल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करिएगा उससे आपके जो टर्म्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी अबाउट ओके एंड वी ओके नाउ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सम बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं कोई भी टफ न्यूमेरिकल नहीं लूंगा यहां पर बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स लूंगा टफ न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में लूंगा ओके तो बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं क्यों ले रहा हूं यहां पर ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में सिग्नल फ्लोग्राफ के बारे में जो थ्योरी पढ़ी है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम मेजोन के यूज कर सकते हैं कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हम यहां कंसिडर करने वाले हैं सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका यहां पर आपको सिक्स नोट गिवन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री x4 x5 एंड x6 सिक्स okay? ओके और यहां पे जो गेंस है a b c d e एंड x4 में आपका एक सेल्फ लूप है f मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज सेल्फ लूप ओके और यहां पर आपका x3 से x5 तक एक और फॉरवर्ड पाथ है x3 टू x5 ओके okay? सो so, एफ के बाद आप क्या ले लेंगे आगे जी ओके तो ये आपका कंप्लीट सिग्नल फ्लोग्राफ यहां पर बना हुआ है ओके और आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है एक्स थ्री अपॉन एक्स वन एंड थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री ओके सो यहां पर हमारे पास थ्री क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं हमें थ्री टाइप्स के रिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं ओके सो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन सो क्वेश्चन नंबर वन नाउ आप क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कंप्लीट आप यहां पर जितने भी फॉरवर्ड पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आप गेंस लिख लीजिए तो यहां पर आपको फॉरवर्ड पाथ की मीनिंग क्या है मैं फिर से रिविजन करा रहा हूं आपको फॉरवर्ड पाथ पाथ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट नोट तो यहां पर आपका जो आउटपुट नोड है वो क्या है x6 और इनपुट नोड क्या है x1 तभी तो आपसे पूछा गया है x6 अपॉन x1 आउटपुट अपॉन इनपुट तो एक पाथ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहां पर x1 से स्टार्ट करते हुए डायरेक्टली x6 तक आप जा रहे हैं तो उसका गेन क्या होगा a b c d e सो so, एक फॉरवर्ड पाथ का गेन आपका निकल गया a b c d e ओके okay? नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है क्या कोई और रास्ता है जिससे हम एक्स वन से एक्स सिक्स तक पहुंच सके यस आप देख सकते हैं अगर आप यहां से स्टार्ट करें और अगर आप वाया जी होकर जाए तो फिर भी आप पहुंच सकते हैं ओके सो so, जो पी टू है वो कितना हो जाएगा आपका ए बी जी एंड ओके। सो यहां पर आपके दो फॉरवर्ड पाथ है ओके नाउ नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लूप्स कितने हैं ओके okay. सो so, आप देखिए यहां यहां पर यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप आपको दिख रहा होगा विच इज कॉल्ड सेल्फ लूप यहां पर आपका और कोई लूप बना ही नहीं है ओके okay? so, यहां पर आपका जो self -loop है, जो सेल्फ लूप है है स्टार्टिंग फ्रॉम द और एंडिंग एट द एक्स फोर ही है तो सेल्फ लूप जो है आपका क्या है एल वन वो कितना है आपका एफ है ओके okay? सो so, आप देख सकते हैं यहां पर आपका और कोई लूप नहीं है अवेलेबल क्लियर है पॉइंट यहां तक नाउ मैं पर बहुत इजी एग्जांपल कंसीडर किया हूं देखिए आप सिर्फ एक ही लूप है आपका तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है बेसिकली हमें समझना क्या है पर कंसेप्ट ओके ना अगर मैं यहां लूप गेन्स समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स तो कितना तो हो जाएगा आपका वन माइनस एफ ओके और आगे क्या था आपका प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स जब यहां पर दो लूप है ही नहीं सो टू नॉन टचिंग का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका यहां पर ओके सो यहां पर आपका जो डेल होगा वो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ वन माइनस एफ हो जाएगा ओके नाउ डेल के हमें फाइंड आउट करना है तो हमें डेल डेल फाइंड फाइंड आउट आउट करना करना होगा और करना होगा और क्योंकि यहां पर आपके दो फॉरवर्ड पाथ है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक फॉरवर्ड पाथ के करस्पॉन्डिंग आपको डेल के फाइंड आउट करना होगा ओके सो डेल वन आपका क्या होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था

सो so, कौन सा लूप गेन है जो टच कर रहा है यस yes, एफ जो है आपका वो टच कर रहा है ठीक है जो एल वन है वो टच कर रहा है ओके okay? सो so, आपका क्या होगा आपको उसे डेल में से एक्सक्लूड कर देना है इसका मीनिंग क्या है कि आपका डेल वन क्या होगा सिर्फ और सिर्फ वन हो दैट आपने सिंपली एफ को जीरो पुट कर दिया यहां पर ओके okay? जो टच कर रहा है उसे आप जीरो पुट कर दीजिए नाउ वॉट इज डेल टू अगर आप डेल्टू को यहां पर ध्यान से देखें तो डेल्टू के लिए आपको पी टू फॉरवर्ड पाथ को देखना होगा जो आपका P2 फॉरवर्ड पाथ है वो यहां से यहां तक है एक्स वन से लेकर वाया जी होते हुए आप X6 तक जा रहे नहीं करेंगे तो जो आपका डेल टू है वो सेम एस क्या हो जाएगा आपका डेल हो जाएगा ओके क्योंकि हमें उस लूप गेन को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लूप गेन जो है आपका वो टच नहीं कर रहा है के एथ फॉरवर्ड पाथ को ओके सो हमारे यहाँ पर डेल वन डेल टू कैलकुलेट हो गए ओके नाउ okay. हमारा जो मेजोन गेन फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सिग्मा पी के डेल के अपॉन डेल ओके सो यहां पर आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू कहां से कहां तक है आपकी वन टू टू है सिर्फ दो ही है आपकी वन एंड टू तो आपका क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन आपका यहां पर पी वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल ओके सो आपको यहां पर देखिए आपको यहां पर पी वन की वैल्यू पता है यस पी टू की वैल्यू पता है यस yes. डेल की वैल्यू पता है डेल वन की वैल्यू पता है डेल टू की वैल्यू पता है आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा यहां पर ओके okay? क्लियर है नाउ सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पर जो था आपका एक्स थ्री अपॉन एक्स वन ओके So, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो x3 है आपका वो है आपका आउटपुट और x1 जो है आपका वो है इनपुट ओके नाउ मैं यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो जो आपका x3 और x1 नोड है उनके बीच में सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है x1 से स्टार्ट करते हुए अगर मैं जाऊं x3 तक तो गेन कितना हो जाएगा आपका ए इंटू बी हो जाएगा ओके सो यहां पर जो आपका फॉरवर्ड पाथ है पी वन वो कितना हो जाएगा ए बी और कोई पाथ तो अवेलेबल है नहीं सिंगल फॉरवर्ड पाथ ही होगा आपका ओके नाउ यहां पर अगर हम ध्यान से अब देखें लूप्स कितने हैं पूरे सिस्टम में ठीक है तो लूप आपका सिर्फ एक ही है एफ ही है अब इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है कि आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कैलकुलेट करें इस बात से सिस्टम के डेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीन्स सिस्टम का डेल इज ऑलवेज कांस्टेंट सिस्टम का डिटरमिनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर ऑफ लूप्स किसी भी सिस्टम में हमेशा सेम रहेंगे चाहे आप किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए ठीक है ना कि सिस्टम का डेल किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा ठीक है ना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर किया है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन के लिए भी सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर टू के लिए भी सेम रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा ओके okay? सो so, जो आपका डेल है यहां पर वो आपका बिल्कुल सेम है डेल इज वन माइनस एफ ओके चेंज क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ डेल वन ओके डेल वन मीन्स क्योंकि डेल वन जो है आपका वो फॉरवर्ड पाथ पर डिपेंड करता है आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया है तो अगर मैं डेल डेलवन की बात करूं तो डेल डेलवन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द पी वन फॉरवर्ड पाथ तो क्या जो मेरा पी वन फॉरवर्ड पाथ है उसमें लूप जो है वो टच हो रहा है नहीं हो रहा क्योंकि पी वन फॉरवर्ड पाथ तो आपका एक्स थ्री पर एंड हो जाए और जो आपका लूप है वो तो एक्सोर पर फॉर्म हो रहा है ओके सो so, पर जो आपका 1 है वो कितना हो जाएगा आपका डेल वन आपका वन माइनस एफ का वन माइनस एफ ही रहेगा ओके सो so, आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं फिर से आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना हो जाएगा पी वन डेल वन अपॉन डेल ओके So, आपको यह बात समझनी होगी कि हर एक क्वेश्चन में पी वन डेल वन या पी टू डेल टू वो तो चेंज होगा बट जो आपका डेल है जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट होगा लॉजिक क्लियर है यहां तक नाउ अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है x6 सिक्स अपॉन एक्स थ्री ओके आप थर्ड क्वेश्चन को बिल्कुल वन और टू से अभी कंपेयर मत करिएगा अभी आप थर्ड क्वेश्चन को एज अ इंडिविजुअली लेके चलिए आप सोचिए आपको यहां पर एक फिगर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन नंबर थ्री बस पूछा हुआ है एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री मतलब आपने अभी तक वन और टू कैलकुलेट नहीं किया है तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे यहां पर एक्स सिक्स और एक्स थ्री को तो आप देखेंगे एक्स सिक्स क्या है आपका आउटपुट है और एक्स थ्री क्या है आपका इनपुट है ओके सो एक्स थ्री से एक्स सिक्स तक फॉरवर्ड पाथ आप कैलकुलेट करेंगे जो मेथड अभी तक आपने पढ़ा है तो क्या होगा फॉरवर्ड पाथ सी डी ओके फॉरवर्ड पाथ होता क्या है फॉरवर्ड पाथ होता है आपका अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोट टू आउटपुट नोट और एक और फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है आपका जो कि है जी ई ओके सो अभी आप इस तरह से कैलकुलेट करने की सोचेंगे लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है ठीक है ना क्यों रॉन्ग है अगर आप लास्ट वीडियो को देखें जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बेसिक न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप लास्ट वीडियो को ओपन रखिएगा आप लास्ट वीडियो को अगर देखें तो मैंने वहां पर आपको इनपुट नोट की डेफिनेशन बताई थी और वहां आपको ब्रैकेट में लिखाया था स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसको तो इनपुट नोड इज अ नोड ठीक है इनपुट नोड इज अ नोड हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर x3 में जो है वो x2 से एक ब्रांच इनकमिंग है ठीक है ना तो x3 जो है आपका वो इनपुट नोड नहीं हो सकता है क्योंकि में में आपकी एक incoming branch है input node में सिर्फ और सिर्फ आउट था वो आपका input node था क्योंकि X1 में कोई incoming branch नहीं थी ठीक है ना मैंने दो क्वेश्चन टू सॉल्व करते आपको ये बात नहीं बोली ठीक है ना मैं चाहता था कि हम थ्री पे जब सॉल्व करें तब तो इस बात पे फोकस करें कि इनपुट नोड की रियल डेफिनेशन क्या है तो आपको जब आप जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें सिग्नल फ्लोग्राफ का तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो नोड आप इनपुट नोड सोच रहे हो वो इनपुट नोड है भी कि नहीं है ओके okay? जैसे यहां पर जो आपका एक्स थ्री है वो इनपुट नोड नहीं है बिकॉज इट हैविंग द इनकमिंग ब्रांच ओके सो अब हम क्या करेंगे अब हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का वो हमेशा क्या होना चाहिए इनपुट नोड ही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू में वो एक्स वन था और एक्स वन आप चेक कर सकते हैं यहां पर इनपुट है क्यों फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए इनपुट नहीं है वो इसलिए इनपुट है क्योंकि यहां पर कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है तो और ऐसा यहां पर कोई भी नोड नहीं है जिसको आप इनपुट नोट की तरह ट्रीट कर सके तो आपको करना क्या होगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इस तरह से कर सकते हैं देखिए आप यहां पर कर सकते थे एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री ओके आपको सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स थ्री अपॉन एक्स वन ओके सो ये आपका हो जाएगा आप देख सकते हैं आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री ओके क्लियर पॉइंट तो आप देखेंगे लास्ट टू क्वेश्चन में दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट किया था यहां पर एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन और सेकेंड क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था एक्स थ्री अपॉन एक्स वन बस दोनों को आपको डिवाइड कर देना है तो आपका सेकेंड क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया है उके? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते कि आपने किया हुआ है तो आप सोचते डायरेक्ट में डिवाइड करके आंसर लिख दूं पर आप इसके पीछे के रीजन को नहीं समझ पाते कि हमने ऐसा क्यों कहा कि हमें डिवाइड करके आंसर लिखना पड़ेगा यहां पर क्यों हम यहां पर डायरेक्टली मेजोन गेन फॉर्मुला का जो रूल्स है वो अप्लाई करके आंसर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि X3 जो है आपका वो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम पॉइंट से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके आई होप आपको लॉजिक पूरा क्लियर होगा नाउ अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाता हूं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं मैं ठीक है सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम लोग का वहां पर मैं फिर से एक्स वन से एक्स सिक्स तक नोट कंसिडर कर रहा हूं ओके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स ओके, फिर से मैं सेम ले रहा ए, बी, सी, डी, गी ओके, और एक्स फोर पर मैं फिर से एक सेल्फ लूप ले रहा हूं एफ और एक्स थ्री से एक्स फाइव तक मैं ले रहा हूं जी ओके बट यहां पर मैं एक और पाथ ले रहा हूं फीडबैक पाथ ले रहा हूं फ्रॉम एक्स फोर टू एक्स थ्री ओके इसको मैं ले रहा हूं एच ओके सो लास्ट क्वेश्चन से बस ये एक पाथ एक्स्ट्रा आ गया ओके okay? तो अब हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की हम समझते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए मैं आप सिर्फ एक ही ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर देना चाहूंगा वो है एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन ओके तो ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में ठीक है ना अगर आप सॉल्यूशन पार्ट इसका देखें तो सबसे पहले हमें यहां पर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करने होंगे तो P1 कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन से आपको याद होगा X1 से X6 तक ये आपका डायरेक्ट एक फॉरवर्ड पाथ है तो कितना हो जाएगा A B C D E ओके okay? ना P2 आप देखें P2 क्या है अगेन सेम है आपका ए बी जी और ईके e. okay? क्या जो हमने एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक एक पाथ ऐड किया है वो फॉरवर्ड पाथ की तरह वर्क करेगा हम चेक कर लेते हैं अगर हम एक्स वन से स्टार्ट करें तो ए बी नो यहां पर आपका अपोज है डायरेक्शन आपका अपोजिट है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आपके दो ही फॉरवर्ड पाथ होने वाले यहां पर फिर से ओके नाउ अब अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स की बात करूं तो एल वन जो है वो तो आपको क्लियर है एफ ही होगा पर जो एल टू है क्या वो पॉसिबल है यहां पर लास्ट क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था आपका एल टू अब आप देखिए यहां पर अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक्स से तो एक्स से स्टार्ट करिए एक्स तक आप गए फिर x4 से वापस आप x3 तक आप आ पा रहे हैं यस आ पा रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा c इन टू तो ये आपका लूप टू भी हो गया क्या और कोई लूप पॉसिबल है आप चेक कर सकते हैं नहीं सिर्फ आपके दो ही लूप यहां पर पॉसिबल होंगे ओके okay? नाउ अब आप डेल लिख सकते हैं यहां पर डेल क्या होता है आपका वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेंस तो आप लिख सकते हैं यहां पर वन माइनस सी एच माइनस एफ ओके आगे आप लिखते हैं टू नॉन टचिंग लूप गेन्स ठीक है ना क्या नॉन टचिंग लूप गेन्स है यहां पर नहीं जो एल वन और एल टू है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं नोड एक्स फोर पर आप देख सकते हैं एल वन क्या है आपका सी एच और एल टू क्या है एफ है दोनों ही एक्स फोर क्या है कॉमन नोड है दोनों के लिए ही आपका ओके okay. सो so यहां पर आपका टू या थ्री नॉन टचिंग लूप्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे नाउ अब आप डेल वन और डेल डेल्टू का फॉर्मुला लिख लीजिए जो डेल डेलवन का फॉर्मुला होगा आपका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जहां स्टूडेंट गलत करते हैं क्वेश्चन डेल क्या होगा डेल डेलवन इज सेम एज डेल बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ तो आप फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को पहले देखिए जो कि ये था आपका तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को दोनों ही लूप टच कर रहे हैं ये लूप भी टच हो रहा है और ये एफ वाला लूप भी आपका टच हो रहा है तो आपको दोनों के दोनों गेंद्स को एक्सक्लूड कर देना है मतलब दोनों के दोनों गेंस को जीरो कर देना है तो सी एच बी जीरो हो जाएगा एफ भी जीरो हो जाएगा। तो डेल वन क्या होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ वन होगा ओके ना डेल टू को देखिए आप डेल टू इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेंस विच आर टचिंग द सेकंड फॉरवर्ड पाथ सो तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को आप देखिए ये रहा इस पे आपका सिर्फ और सिर्फ सी एच जो है वो टच हो रहा है क्योंकि एक्स थ्री नोट तक आप जा रहे हैं ना देखिए आप ए बी देन आप एक्स थ्री तक गए देन आप यहां से गए ओके सो जो आपका एक्स थ्री नोड है वो आपका कॉमन है ठीक है ना फॉरवर्ड पाथ और सी एच वाले पे तो जो आपका एल टू लूप है वो टच हो गया बट एफ वाला लूप आपका टच नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ सी एच को जीरो पुट करेंगे एफ को एज इट इज रहने देंगे ओके तो डेल टू क्या हो जाएगा वन माइनस एफ फिर से जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल ओके, okay, so आप आराम से वैल्यूज पुट करके अपना ट्रांसफर यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थ्री मैं अगेन आपके सिक्स नोट कंसीडर कर रहा हूं टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स ओके मैं फिर से आपके गेन्स जो है वो सेम ले रहा हूं ए बी सी डी एंड ई मैं अगेन एक्स फोर पर एक सेल्फ लूप ले रहा हूं एफ ओके बट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं अब जो है आपके, मैं फिर से, ले रहा हूं पर, x3 से X5 तक, okay? जो कि आपका क्या था g था नाउ अब मैं नंबर ऑफ लूप्स थोड़ा इंक्रीज करता हूं यहां पर पहला मैं ले रहा हूं एक्स थ्री से एक्स तक ओके okay? एक मैं ले रहा हूं x4 से x3 तक और एक ले रहा हूं x5 से x4 तक ओके सो यहां पर हम लोग इसके गेन दे देते हैं H I एंड J, ओके सो so यहां पर आपके जो लूप्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे अब ओके नाउ सॉल्यूशन पार्ट में मैं फिर से फॉरवर्ड पाथ पहले आइडेंटिफाई करूंगा सो पी वन सेम रहेगा आपका ए बी सी डी ई पी टू भी आपका सेम रहेगा ए बी जी एंड ओके क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है आप देख सकते हैं अगर आप यहां से स्टार्ट करें एक्स वन से तो यहां पर अपोज है नो no. यहां पर भी अपोज हो जाएगा डायरेक्शन का और अगेन यहां पर भी अपोज है क्योंकि ये जो मैंने तीन लूप्स लिए हैं ठीक है ना उनमें फीडबैक पाथ है ठीक है क्लियर है लॉजिक तो आपका डायरेक्शन हमेशा अपोज होगा आप x1 से x6 तक नहीं पहुंच सकते वाया दिस लूप्स ओके okay? सो तो आपके दो ही फॉरवर्ड पाथ होंगे नो no, अब अगर मैं L1 की बात करूं वो तो फिक्स है एफ एल टू की बात करिए आप देख सकते हैं आप अगर, अगर, अगर X2 से स्टार्ट करते हैं तो बी एच ओके नाउ अगर एल थ्री कितना बात करूं यहां पर, पर तो एल फोर कितना हो जाएगा आपका डी जे ओके सो ये आपके तीन लूप आपको क्लियरली दिख रहे थे और एक आपका सेल्फ लूप था तो आपके टोटल फोर लूप्स हो गए यहां पर ओके okay? क्या और कोई लूप पॉसिबल है यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए ओके सो यस अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो आप देखिए अगर आप एक्स थ्री से स्टार्ट करते हैं ओके okay? अगर आप इस तरह से मूव करें तो आप वापस से एक्स थ्री पर आ रहे हैं लेकिन नो ये आपका लूप नहीं होगा क्यों अगर आप लास्ट वीडियो को ध्यान से देखें फिर से तो मैंने बताया था लूप इज अ क्लोज पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम नोड विथ नो नोड रिपीटेड इन बिटवीन अगर आप ऐसे मूव करेंगे x3 से तो आप देख सकते हैं x4 जो दो नोड है आपका वो दो बार आ गया है एक बार जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और एक बार जब आप फीडबैक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ओके सो so ये आपका लूप नहीं होगा चलो एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग अगर हम लोग x3 से स्टार्ट करके इस तरह से मूव करें ओके okay, तो इस बार x4 नहीं आया अब एक्स फोर आ रहा है लेकिन एक्स फोर सिर्फ एक बार आया आपका ओके सो so, ये आपका लूप पॉसिबल होगा क्योंकि आपका कोई भी नोड रिपीट नहीं हुआ और आप एक्स थ्री से स्टार्ट किए और एक्स थ्री पर ही क्या कर लिए एंड कर लिए ओके ओके so, सो कितना हो जाएगा आपका क्लियर ए पॉइंट तो इस तरह से आपको लूप्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे आ, टफ एग्जाम्पल लूंगा जहां पर आपको लूप्स आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर आप उनमें लूप आइडेंटिफाई कर पाए तो समझ लीजिए कि आपका सिंगल फ्लोग्राफ टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ओके नाउ यहां पर अगर मैं नॉन टचिंग लूप्स की बात करूं तो आप देखिए जो एफ है जो एल वन था और जो आपका बी एच है बी एच था हमारा एल टू वो दोनों क्या है आपस में नॉन टचिंग है उनमें कोई भी नोट कॉमन नहीं है तो एक आप कह सकते हैं एल वन एल टू नॉन टचिंग है ओके नाउ नेक्स्ट देखिए और कोई नॉन टचिंग है क्या ये जो आपका एल टू था बी एच वो आप देख सकते हैं कि ये जो डी जे है आपका जो कि एल फोर था उसके साथ भी क्या है नॉन टचिंग है सो ओके नाउ जो आपका L2 है वो सी आई के साथ टच है तो एल टू एल थ्री आपके टचिंग है ओके okay. ना और कोई लूप देखिए कोई नॉन टचिंग दिख रहा हो आपको ये जो आपका एल वन है एफ वाला है वो आपका एल थ्री और एल फोर दोनों के साथ टचिंग है तो और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि जो एल फाइव है जो ये था वो देखिए आप सबके साथ टचिंग हो रहा है यहां पर ठीक है ना तो ये आपके दो नॉन टचिंग लूप है क्या यहां पर थ्री नॉन टचिंग लूप पॉसिबल होंगे क्योंकि यहां पर टोटल फाइव लूप है ना तो थ्री नॉन टचिंग की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आप चेक कर लीजिए अगर आप देखिए यहां पर एल टू को जो कि बी एच है आपका वो इसके साथ नॉन टचिंग है डीजे के साथ और एफ के साथ लेकिन डीजे और एफ आपस में टचिंग है तो यहां पर थ्री नॉन टचिंग की कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन पाएगी ओके सो आपके इतने लूप्स हैं टोटल इंडिविजुअल uh, भी और टू नॉन टचिंग भी ना अब अगर मैं डेल लिखने के लिए जाऊं तो डेल का फॉर्मूला क्या था आपका वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो हमने यहां पे लिख लिया एल फाइव तक प्लस क्या था आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स, मतलब हमें इन दोनों को सम कर देना है एल वन एल टू प्लस एल टू एल फोर तो कितना हो जाएगा आपका एल वन एल टू प्लस एल टू एल फोर ठीक है थ्री नॉन टचिंग हमारे पास है नहीं तो ये हमारा डेल क्या हो गया कंप्लीट हो गया ओके नाउ अब अगर मैं बात करूं डेल वन और डेल टू की क्योंकि हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ है तो डेल वन क्या होगा सेम एज डेल एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द केथ फॉरवर्ड पाथ आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है ये आपका पाथ रहा x1 से x6 तक तो आप देख सकते हैं इस पाथ में आपके सारे के सारे लूप्स जो है वो टच कर गए तो आपका जो डेल वन है वो क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा क्योंकि आप एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव सबकी वैल्यूज क्या पुट कर देंगे जीरो जब आप इंडिविजुअल जीरो पुट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे ओके okay? नाउ अगर आप बात करें डेल टू की तो डेल टू क्या होगा सेब एस्ट डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेद विच आर टचिंग द सेकंड फॉरवर्ड पाथ तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है ये रहा आपका तो आप देख सकते हैं ये ये टच हो गया बी एच ओके अब आगे जाइए तो आप देख सकते हैं डीजे भी टच हो गया और आपका सी आई भी टच हो गया था क्योंकि तो एक्स थ्री आपका टच हो रहा था ना तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया यहां पर एफ ही रहा जो नॉन टचिंग है ठीक है ना जो आपका ग्रेटर लूप था वो भी टच हो जाएगा देख सकते हैं आप यहां पर तो आपका जो एफ है वो नॉन टचिंग है एफ क्या था आपका एल वन था ठीक है ना अब आपको एल वन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू जीरो पुट कर देनी है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा वन माइनस एल वन जहां तक क्वेश्चन है आपका कि ये जो टू नॉन टचिंग लूप्स थे यहां पर देखिए एल टू और एल फोर प्रेजेंट थे ना तो आपको एल वन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू जीरो पुट करनी है तो जब यहां पर आप एल टू जीरो पुट करेंगे तो यहां पर भी तो एल टू जीरो पुट होगा और यहां पर जब आप एल फोर जीरो पुट करेंगे तो यहां पर भी एल फोर जीरो, तो जीरो पुट होगा तो इनके जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे तो सिर्फ आंसर क्या आएगा वन माइनस एल वन आ जाएगा ओके सो so, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है यहां पर वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिड बाई डेल ओके क्लियर पॉइंट तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे आपको ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मेजॉन्स गेंद फॉर्मुले को यूज कैसे करना है ठीक है अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि गेट में इतने इजी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे लेकिन हाँ आई एस के ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे थोड़े टफर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या कंसेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि हमें डेल वन डेल टू कैसे लेना है कि हमें नॉन टचिंग लूप्स कैसे लेने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ओके गुड बाय हेलो फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द सिग्नल फ्लो ग्राफ And we have also solved some basic numericals to understand the theory of signal flow graph. In this video, we will solve some complicated numericals okay, to understand the more concept behind the signal flow graph. Okay. So, first numerical is depends upon multiple input and multiple output system. Okay. So, there are two inputs R1 and R2, and there are two outputs C1 and C2. Okay. So, there are R1, R2 inputs and C1, C2 outputs. The gain is 1 here. Then there is another node. The gain is G1. There is another node. Okay. The gain is G2. Then there is another node and gain is 1. Similarly, below side, the gain is 1 node. Then gain is G3. Then there is another node. Then gain is G4. Then there is a node. Then gain is 1. Okay. Now, similarly here there's a feedback path in the upper side with gain minus h2 okay here also there is a feedback path with gain minus h4 and there is another feedback path with gain minus h3 okay now there is a connection from this node to this node okay and the gain is g5 okay now there is a one more connection from this node to this node and the gain is g6 okay so this is my complete question now in this question we want to determine four things first is c1 upon r1 second thing c2 upon r2 third thing c1 upon r2 and fourth one is C2 upon R1. Okay, so this four questions we need to solve. Okay, so यहाँ पर हमें चार questions solve करने हैं. First is C1 upon R1. Now, what is C1 upon R1? So C1 upon R1 के लिए same concept होगा जो हमने last video में देखा हुआ है. आपको R1 से C1 के बीच पहले आपको forward path choose करने होंगे. Forward path identify करने होंगे. अगर, अगर आप forward path identify करने के लिए जाते हैं तो so, एक फॉरवर्ड पाथ आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहां पर फ्रॉम आर वन टू सी वन कितना है आपका G1, जी टू ओके सो पी वन इज जी वन जी टू ओके नाउ क्या कोई दूसरा फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल होगा अगर आप इस सर ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लॉक डायग्राम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड कनेक्शन है ओके okay? सो so, हो सकता है कि यहां दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो तो आपको एक एक पॉइंट पर जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी ओके okay? सो so, अगर मैं आर वन से स्टार्ट करता हूं सो so, ये एक पाथ है ओके नाउ यस पाथ मुझे मिल रहा है आगे जाने के लिए अगेन दिस इज द पाथ एंड लास्ट दिस इज द पाथ एंड वी विल रीच टू सी वन ओके यस तो हमारे पास पाथ अवेलेबल है हम फिर से देख सकते हैं यहां पर वन जी सिक्स माइनस एच फोर माइनस एच थ्री जी फाइव एंड वन ओके सो पार्थ क्या हो जाएगा आपका जी सिक्स एच फोर एच थ्री जी फाइव ओके सो हो जाएगा आपका जी फाइव जी सिक्स एच थ्री एच फोर यह आपका क्या हो जाएगा पी टू ओके सो हमारे पास टू फॉरवर्ड पार्थ्स है यहां पर ओके okay? नाउ अब हमें लूप ढूंढे होंगे तो लूप्स यहां पर देखिए हम लोग तो एक लूप तो डायरेक्ट दिख रहा है माइनस जी टू एच टू सिमिलरली अगर आप बिलो साइड देखें तो आपके दो लूप्स है जी थ्री एच थ्री एंड जी फोर एच फोर ओके ये हमें ध्यान रखना होगा कि एच टू एच थ्री एच फोर तीनों में आपका क्या है माइनस है ओके okay? सो so, आपके थ्री लूप्स दिख रहे हैं आपको एल वन जी टू एच टू माइनस साइन एल टू माइनस जी थ्री एच थ्री एंड सिमिलरली आपका है एल थ्री माइनस जी फोर एच फोर ओके कोई और लूप है क्या अगर हम देखें अगर हम जीवन से स्टार्ट करते हैं ओके okay, सो so क्या हम वापस आ सकते हैं नो no. यहां पर आपका अपोज हो गया ओके okay, अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो तो क्या आप वापस आ सकते हैं नो no. तो क्योंकि यहां से अपोज हो जाएगा सो so कोई पाथ नहीं है हमारे पास ठीक है ना तो सिर्फ आपके पास थ्री लूप ही हो पाएंगे यहां पर ओके okay, सो so, हमें अब ये चेक करना है क्या यहां पर नॉन टचिंग लूप्स है क्या तो आप देख सकते हैं जो g3h3 वाला लूप है आपका वो g2h2 वाले लूप से क्या है नॉन टचिंग है सिमिलरली जो g4h4 वाला लूप है वो g2h2 वाले लूप से क्या है आपका नॉन टचिंग है ओके सो देर आर टू नॉन टचिंग लूप्स ओके सो नॉन टचिंग लूप्स आपके क्या-क्या हो जाएंगे यहां पर l1 l2 एंड l1 l3 ओके okay? नाउ अब अगर हम यहां पर डेल कैलकुलेट करें तो डेल क्या होगा वन माइनस एल वन माइनस एल टू माइनस एल थ्री प्लस एल वन एल टू प्लस एल वन एल थ्री ना अगर हम करें, तो Del 1. Del 1 क्या होगा आपका डेल वन अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने लास्ट वीडियो में भी थ्री टू फोर टाइम्स रिपीट किया इस चीज को डेल वन इज सेम एज डेल बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ तो आप देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है फ्रॉम आर वन टू सी वन दिस पर आपका कौन कौन सा लूप टच हो रहा है जी टू एच टू वाला सिर्फ टच हो रहा है जी थ्री एच थ्री वाला एंड जी फोर एच फोर वाला टच नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जी टू एच टू जो कि एल वन था वो जीरो हो जाएगा बाकी एज इट इज रहेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस एल टू माइनस एल थ्री अब आप कह रहे हैं कि एल वन जीरो हो रहा है, तो दोनों के दोनों नॉन टचिंग लूब है तो ये दोनों जीरो ना वॉट इज डेल टू अगर आप डेल टू को लूप गेंस विच आर टचिंग पाथ यानी सेकंड फॉरवर्ड पाथ तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ आपका क्या था ये था आपका फॉरवर्ड पाथ ओके तो इसमें आपका जी फोर एस फोर टच हो गया जी थ्री एस थ्री भी टच हो गया एंड लास्ट जी टू एस टू भी टच हो गया तो एल वन एल टू एल थ्री सारे लुप्स आपके टच हो गए इस फॉरवर्ड पाथ में तो डेल टू क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ वन हो जाएगा ओके ना सी वन अपॉन आर वन क्या हो जाएगा आपका मेजॉन्स गेन फॉर्मूला से पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल तो ये आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा ओके okay? ना एक और क्वेश्चन हम यहां ले सकते हैं देर आर फोर क्वेश्चन ना सिमिलर टाइप के ही है हम एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कर लेते हैं सी वन अपॉन आर टू मींस थर्ड क्वेश्चन ओके ध्यान से देखें C1 आपका आउटपुट है और R2 आपका इनपुट है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए एक पॉइंट कहा हुआ है कि डेल ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम ठीक है ना आप कोई भी इनपुट कंसिडर करिए आप कोई भी आउटपुट कंसिडर करिए डिटरमिनेंट ऑफ द सिस्टम हमेशा सेम रहेगा चेंजेस कहां आएंगे सिर्फ और सिर्फ पी में फॉरवर्ड पाथ में एंड डेल के में ओके okay? ना अगर हम आर टू से सी वन तक फॉरवर्ड पाथ चूज करें तो एक फॉरवर्ड पाथ आपको डायरेक्टली दिख रहा है ठीक है ना दैट इज जी फाइव तो हमें एक फॉरवर्ड पाथ तो यहां पे मिल गया पी वन इज इक्वल टू जी फाइव नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है यहां पर हमारा हम देखते हैं यहां से अगर हम R2 से स्टार्ट करें और G3 G4 से होकर जाएं तो यह पाथ नहीं हो पाएगा क्योंकि G6 साइड से एरो क्या है आपका अपोजिट है ओके okay. और कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं है ओके okay. सो so, एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा आपका दैट इज G5 नाउ उस फॉरवर्ड पाथ के रेस्पेक्ट में डेल वन कितना होगा हम जानते हैं डेल वन इज सेम एज डेल फॉरवर्ड पाथ तो आप देख सकते हैं जी फाइव वाले फॉरवर्ड पाथ में ये जो G3, लूप है, वो भी आपका टच हो गया ठीक है ना तो सिर्फ कौन सा लूप रह जाएगा आपका जी फोर एच फोर वाला जिसको आपने क्या नेम दिया हुआ है एल थ्री सो सिर्फ और सिर्फ आपका एल थ्री रह जाएगा ओके okay, तो डेल वन कितना हो जाएगा वन माइनस एल थ्री ठीक है ना क्योंकि आपका एल वन भी जीरो हो रहा है और एल टू भी जीरो हो रहा है ठीक है तो नाउ आपका जो सी वन अपॉन आर टू होगा वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन अपॉन डेल सारी वैल्यूज हमारे पास है ओके सो तो इस तरह से आप ऑल फोर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सेकेंड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी सॉल्व नहीं किया है आप लोग इसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिए ओके और अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ओके Now, next numerical. In the next numerical, we need to determine y upon x. Okay. And this is my signal flow graph. Your x is the input and y is the output. Okay. In the x, there is a loop, self loop with gain a. In the y, there is also the self loop with the gain b. Okay. And we need to determine y by x. Okay. So, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ओके okay, और यहां पर आपका जो गेन है वो वन है ठीक है अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको y बाई एक्स कैलकुलेट करना है जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनपुट वेरिएबल होता है तो x यहां पर इनपुट वेरिएबल है लेकिन आप अगर यहां पर देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ में x में एक इनकमिंग ब्रांच है ओके okay? मैं आपको लास्ट टू वीडियो से इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि इनपुट नोड इज अ अच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांच तो ये जो आपका x है वो इनपुट नोड नहीं हो सकता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से क्योंकि हमने जब लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था जहां पर आपका एक नोड इनपुट नोड नहीं था तो हमने क्या किया था कि इनपुट नोड के रेस्पेक्ट में हमने दो डिफरेंट कैलकुलेशन किए थे लेकिन इस क्वेश्चन में आपका और कोई नोड अवेलेबल ही नहीं है तो आप किसे इनपुट नोड कंसिडर करेंगे एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई इनपुट नोड है ही नहीं ठीक है ना क्योंकि एक्स और वाई दोनों नोट्स में ही इनकमिंग ब्रांचेस है तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं एक डमी नोट क्रिएट करते हैं सो सपोज करिए हम एक डमी नोट क्रिएट कर रहे हैं ओके okay? और ये आपका नोड एक्स है तो आर और एक्स के बीच हम गेन देते हैं वन ठीक है ना वन गेन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा ओके okay? सो so इस तरह से डमी नोट क्रिएट किया जाता है तो एक्स आपका वही का वही रहेगा गेन गेंद ओके यहां पर अगेन गेन वन और आपका वाई में क्या हो जाएगा गेन बी हो जाएगा ओके okay? तो अब आप क्या करने वाले हैं अब आप कैलकुलेट करेंगे वाई अपॉन आर एंड एक्स अपॉन आर ओके तो इससे क्या होगा आप देख सकते हैं आर आर कैंसिल हो जाएगा और वाई बाय एक्स कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है लेकिन जब हम वाई बाय आर कैलकुलेट करते हैं एंड एक्स बाय आर कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा आर इनपुट नोड होता है और अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से यहां पर चेक करते हैं तो आर जो है वो इनपुट नोट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है क्यों क्योंकि आर में कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है ओके okay? सो so, अगर हम यहां पर सबसे पहले वाई बाय आर कैलकुलेट करें तो वाई बाय आर मीन्स फ्रॉम फर्स्ट नोट टू लास्ट नोट ओके फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा वन इंटू वन वन ओके एंड लूप्स क्या हो जाएंगे आपके एल वन कितना हो जाएगा ए l2 क्या हो जाएगा b और आप क्लियरली देख सकते हैं कि l1 l2 आपके क्या है नॉन टचिंग है बहुत इजीली दिख रहा है फिगर में ठीक है तो एक पेयर हो जाएगा आपका नॉन टचिंग लूप्स का नाउ अगर आप del1 कैलकुलेट करें यहां से तो यहां पर एक फॉरवर्ड पाथ है तो एक ही del होगा del k होगा ओके okay, सो so del1 क्या है del1 इज सेम एज del बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेंस व्हिच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ तो आप देखिए यहां पर दोनों ही लूप एल वन एल टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं तो आपको दोनों को ही क्या करना होगा एक्सक्लूड करना होगा तो डेल वन कितना हो जाएगा आपका वन आ जाएगा ओके क्लियर है पॉइंट हम चाहें तो साइड में डेल भी लिख सकते थे यहां पर डेल क्या हो जाएगा आपका वन माइनस एल वन माइनस एल टू प्लस एल वन एल टू ओके सो डेल आपका क्लियरली जब आप एल वन एल टू को जीरो पुट करेंगे तो डेल कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा ओके okay. नाउ y by R, अगर हम यहां पे लिखे तो y बाय आर हो जाएगा p1 p1 वन इज वॉट वन ओके सो p1 वन डेल वन वन क्रॉस वन वन हो जाएगा अपॉन डेल ओके नाउ ये हो गया आपका वन बाय डेल नाउ अब अगर मैं यहां पर x बाय आर कैलकुलेट करूं सो so x बाय आर में सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ क्या होगा डायरेक्ट है यहां से वन हो जाएगा ओके सो पी वन इज वन नाउ डेल क्या हो जाएगा आपका हमें पता है डेल वन इज सेम एज डेल बाई एक्सक्लूडिंग में कौन सा लूप ए गेन वाला टच हो रहा है आपका तो ए वाला क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा दैट मीन्स आप एल वन की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा वन माइनस एल टू हो जाएगा ओके okay, आप चाहे तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर वन माइनस बी हो जाएगा ओके तो आपका आंसर क्या हो गया एक्स बाय आर का आपका आंसर हो जाएगा पी वन डेल वन दैट इज वन माइनस बी अपॉन डेल क्योंकि हम जानते हैं डेल तो सिस्टम के लिए सेम रहता है तो चाहे आप y बाय आर कैलकुलेट करिए चाहे आप x बाय आर कैलकुलेट करिए आपका जो डेल है वो क्या रहेगा सेम रहेगा ओके सो so, हमारा जो फाइनल आंसर है जो कि है हमारा y बाय एक्स वो क्या हो जाएगा दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा ओके सो so, क्या होगा वन बाय डेल डिवाइडेड बाय वन माइनस बी अपॉन डेल तो आंसर क्या हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस बी हो जाएगा आंसर आपका ओके क्लियर है क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था और आज भी कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है कि इनपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस तो आप एक्चुअली हर एक क्वेश्चन में ये पॉइंट चेक करिए अगर किसी नोड में इनकमिंग ब्रांच है तो वो इनपुट नोड नहीं हो सकता आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास एंड लूप आइडेंटिफाई करने हैं ओके सो हमें एक फिगर दिया हुआ है यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका ओके लाइक दैट नाउ देर इज वन मोर ट्राइंगल ईयर ओके लाइक दैट ओके नाउ देर इज वन मोर ट्राइंगल ओके सो यह ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन आपका ओके okay?

डी एफ जी एच आई जे एंड के ओके सो अब हमें फॉरवर्ड पार्थ एंड लूब गिफाई करने फॉरवर्ड पार्थ गेंडेंटिफाई करते हैं तो पी वन मीन्स हमें एक्स टू वाई तक फॉरवर्ड पार्थ चूज करने हैं एक्स हमारा क्या है इनपुट है वाई हमारा क्या है आउटपुट है ओके okay? तो आप देखिए यहां पर एक्स टू वाई फर्स्ट पार्थ इस तरह से हो सकता है आपका ए सी एफ के ओके सो ए सी एफ के हो जाएगा यहां से ए सी एफ के ओके नाउ नेक्स्ट पाथ ए डी जी के ओके ए डी जी के नाउ नेक्स्ट पाथ आप देखिए फिर से आप यहां से स्टार्ट करेंगे एक्स ए डी के आई एच के तो क्या हो जाएगा आपका ए डी आई एच के नाउ क्या और कोई पाथ आपका पॉसिबल है यहां पर क्या P4 पॉसिबल होगा तो आप ध्यान से देखिए फिगर को फिर से हम X से स्टार्ट करते हैं तो A ओके okay. C एस yes, E I H K ओके okay. तो क्या हो जाएगा A C E I H K ओके okay. क्या और कोई पाथ पॉसिबल होगा P5 आप फिर से चेक कर सकते हैं ए सी ई तक आने के बाद आप जी और के को फॉलो कर सकते थे तो कितना हो जाएगा आपका ए सी ई जी के ओके क्या और कोई पाथ आपका पॉसिबल होगा यहां पर आप फिर से चेक कर सकते हैं ए सी ई के बाद आने के बाद आपने जी के थ्रू आप चले गए ओके okay. आप आई के थ्रू चले गए और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है ई e के थ्रू भी ओके okay. आपने सबसे पहले क्या किया था आप ए के बाद आप डी के थ्रू आए थे डी के थ्रू आप जी के थ्रू चले गए और आई के थ्रू चले गए थे ये दोनों आपके हो चुके हैं पी टू और पी थ्री जो पी वन था वो क्या था आपका ए फिर सी और वाया सी ओनली एक ही ऑप्शन था वाया एफ ओके ओके तो ये भी हो गया फिर आप ई e के थ्रू जब आए थे तो ई e के थ्रू जी के थ्रू जा सकते थे और आई के थ्रू जा सकते थे वो भी हो गया और कोई पाथ यहां पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है ओके सो टोटल आपके फाइव पार्थ होंगे फाइव फॉरवर्ड पार्थ ओके okay. ना अब अगर मैं लूप गेंस की बात करूं ठीक है तो लूप आप देखिए एल वन एल वन आपका कहां पर हो सकता है ये क्लियर दिख रहा है आपको ये आपका बी सी है ठीक है एल टू एल टू भी क्लियर दिख रहा है हमें जे ठीक है क्या और कोई लूप आपका पॉसिबल है अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो सी E, नहीं आप वापस नहीं जा सकते ओके और कोई अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ई e, जी नहीं अगेन आपके लिए पॉसिबल नहीं है ओके सो so, इतने ही आपके लूप्स पॉसिबल होंगे ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं अगर और कोई लूप्स मिलता है आपको ठीक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए इसे ओके हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो we have solved some numericals on signal flow graph in today's video we will study how to convert any block diagram into signal flow graph okay so for that we will consider simple block diagram okay input is rs and there is a forward path gain g output is cs and there is a feedback gain h and we will consider negative feedback okay सो दिस इज माई ब्लॉक डायग्राम अब हमें इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है ओके okay? सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो इनपुट दिख रहा है आपका उसे हम आर एस से शो कर देंगे एक नोट के थ्रू जो आपका एडर है उसे भी हम एक नोट के थ्रू इंडिकेट करेंगे जो आपका गेन है वो आपका एरो के थ्रू इंडिकेट होगा उसके बाद जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है वो भी आपका एक नोट के थ्रू इंडिकेट होगा देन जो आपका आउटपुट सी है वो भी आपका एक नोट के थ्रू इंडिकेट हो जाएगा ओके okay? नाउ आप देख सकते हैं टेक ऑफ पॉइंट से एक फीडबैक जा रहा है आपका नेगेटिव फीडबैक एडर की तरफ और उस फीडबैक की वैल्यू क्या है आपकी माइनस एच ओके सो ये इस तरह से आपका लूप जो है वो क्रिएट होगा ओके okay? सो so, हमने यहां पर ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लोग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है सो फॉर ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है कि सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने होंगे सो फॉरवर्ड पाथ यहां पर एक ही है आपका फ्रॉम आर एस टू सी एस कितना है आपका जी ओके okay. उसके बाद हमें लूप्स कैलकुलेट करने होंगे इज़ अ सिंगल लूप वैल्यू क्या है आपकी माइनस जी एच ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डेल इज वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा सो वन प्लस जीएच ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल के यहां पर क्या हो जाएगा आपका डेल वन तो डेल वन इज सेम एस डेल बाय एक्सक्लूडिंग फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ तो आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है उसमें आपका ये जो लूप है माइनस जीएच वो टच हो रहा है तो उसे आपको क्या कर देना है एक्सक्लूड कर देना है तो जो आपका डेल वन है वो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा सो so, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन अपॉन डेल कितना हो जाएगा आंसर जी अपॉन वन प्लस जी अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो कंट्रोल सिस्टम का तो उसमें हम लोगों ने इसी ब्लॉक डायग्राम का इसी स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था फॉर द नेगेटिव फीडबैक और हमारा आंसर आया था जी अपॉन वन प्लस जी तो आंसर यहां पर भी हमारा जी अपॉन वन प्लस ही आया है तो अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है इस ब्लॉक डायग्राम में आपको इतनी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी ठीक है बट जब आप बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम कंसिडर करते हैं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत ईजी होता है ओके okay? जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लू सपोज करिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम मुझे गिवन है दिस इज माई एडर ओके द गेन इज जी वन देन अनदर एडर

आपका लास्ट एडर के बाद से एक लाइन गई है अगेन फीडबैक है आपका ये और फीडबैक गेन जो है आपका वो है एच टू ओके एंड ये आपकी फर्स्ट एडर पे गई है अगेन नेगेटिव फीडबैक ओके नाउ आपका एक फॉरवर्ड पाथ गया है जी टू और जी थ्री के बीच से विथ गेन जी फाइव ओके और ये आपकी गई है लास्ट एडर पे विथ पॉजिटिव साइन ओके सो ये आपका इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम क्रिएट हुआ है नाउ अब हमें इस ब्लॉक डायग्राम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक सॉल्व करने पड़ेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अब अगर इसकी जगह मैं इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेजोन का ही यूज करना पड़ेगा और कन्वर्ट okay? so, करेंगे सो नाउ फर्स्ट नोड इज आर एस विच इज इनपुट नोड सो हमने यहां पर एक नोड बना दिया इनपुट नोड के लिए उसके बाद आपका एक और नोड है जो कि किसके है आपका एडर के करस्पोंडिंग है ओके okay? नाउ उसके बाद आपका गेन क्या है g1 है ओके okay? नाउ आपका उसके बाद एक और एडर है जिसको आप क्या कर देंगे एक और नोट से रिप्रेजेंट कर देंगे ओके okay? और उस एडर के बाद आपका गेन क्या है g2 है तो आप यहां पर गेन शो कर दीजिए g2 ओके okay? नाउ g2 गेन के बाद आपका क्या है टेक ऑफ पॉइंट है तो टेक ऑफ पॉइंट को फिर से हमें एक नोड से शो करना है ठीक है उसके बाद आपका गेन क्या है जी थ्री है ओके okay? उस जी थ्री के बाद फिर से आपका क्या है एक ऑफ पॉइंट है ओके सो ऑफ पॉइंट को आप फिर से शो कर देंगे एक नोट से उसके बाद आपका गेन क्या है जी फोर है ओके okay? और जी फोर के बाद आपका क्या है एक एडर है सो so आप एडर को भी एक नोट से शो कर देंगे यहां पर ओके नाउ आफ्टर एडर आपका डायरेक्टली क्या है CS है तो आप सीएस को विद गेन वन लिख सकते हैं यहां पर जब कोई भी गेन रिप्रेजेंट ना हो तो यू कैन शो गेन ओके सो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर लास्ट एडर एडर से फर्स्ट तक इज अ फीडबैक विथ माइनस एच टू गेन बिकॉज फीडबैक इज नेगेटिव सो आप लोग गेन क्या शो करेंगे माइनस ओके सो आप यहां पर शो कर सकते हैं लास्ट एडर टू फर्स्ट एडर ओके यहां पर सिग्नल फ्लोग्राफ में क्या हो जाएगा लास्ट नोट टू फर्स्ट नोट ओके एक्सक्लूड द इनपुट एंड आउटपुट नोट ओके सो माइनस एच टू गेम ना आपका नेक्स्ट फीडबैक आपको कहां दिख रहा कहा जी फोर के बीच में है ओके एंड माइनस एच वन के थ्रू आपका एडर पे जा रहा है ओके okay? सो so, यहां पर आपका क्या हो जाएगा हम लोग यहां पर देख सकते हैं जी थ्री एंड जी फोर के बीच से स्टार्ट होगा फीडबैक गेन क्या है आपका माइनस एच वन ओके और ये कहां पर एंड हो रहा है आपका इस पॉइंट पर एंड हो जाएगा okay? so ये भी है, जो G2 और G3 के बीच से स्टार्ट हो रहा है और गेन क्या है आपका G5 और वो भी आपका लास्ट एडर पे एंड हो रहा है ओके okay? सो so हम क्या करेंगे जी टू और जी थ्री के बीच से स्टार्ट करेंगे ओके okay? और लास्ट एडर पे इसे एंड कर देंगे गेन आपका क्या है यहां पर गेन है आपका G5 ओके okay, यहां पर सो so, आपका इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा सिग्नल फ्लो ग्राफ नाउ अब इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन सो फॉर ट्रांसफर फंक्शन वी नीड टू कैलकुलेट फॉरवर्ड पाथ गेन एंड फीडबैक गेन्स और आप कह सकते हैं लूप गेन्स ओके सो अगर मैं फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने के लिए जाऊं यहां पर सो फॉरवर्ड पाथ आपको फर्स्ट यहां पर डायरेक्टली दिख रहा है G1, जी टू जी थ्री जी फोर सो पी वन इज जी वन जी टू जी थ्री एंड जी फोर नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है यहां पर यस yes? अगर आप ध्यान से देखें G1, जी टू एंड वाया जी फाइव आप फिर से सी एस तक पहुंच सकते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका जीवन जी टू एंड जी फाइव सो दिस आर टू फॉरवर्ड पार्थ ओके क्योंकि यह जो बिलो में जो आपकी टू लाइन गिवन है यह दोनों जो है वो फीडबैक पार्थ को इंडिकेट कर रही है ठीक है तो यहां से कोई फॉरवर्ड पार्थ आपका पॉसिबल नहीं होगा नाउ अब अगर मैं लूप गेन्स की बात करूं तो फर्स्ट लूप गेन क्या हो जाएगा आपका आप यहां पर देखिए जी टू जी थ्री माइनस एच वन ओके So, ये हो जाएगा माइनस जी टू जी थ्री एच वन क्या और कोई लूप पॉसिबल है यहां पर यस yes, हम देख सकते हैं अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो जी वन जी टू जी थ्री जी फोर एंड माइनस एच टू तो कितना हो जाएगा माइनस जी वन जी टू जी थ्री जी फोर एंड एच टू ओके नाउ क्या और कोई लूप पॉसिबल होगा यहां पर हम फिर से चेक कर लेते हैं तो अगर आप देखिए अब यहां से स्टार्ट करें अगर जी वन जी टू और अगर आप वाया जी फाइव जाए ओके देन माइनस एच टू अगर आप बैक करें तो फिर से आप यहां पर पहुंच जाएंगे यस yes, तो एक और लूप पॉसिबल है आपका एल थ्री कितना हो जाएगा जी वन जी टू जी फाइव एंड माइनस एच टू सो माइनस जी वन जी टू जी फाइव एंड एच टू ओके सो यहां पर आपके थ्री लूप्स पॉसिबल होंगे एंड दो आपके फॉरवर्ड पाथ होंगे ओके okay? नाउ अब अगर हम यहां पर डेल की वैल्यू लिख लें तो डेल क्या हो जाएगा वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, ओके प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स तो क्या कोई भी दो लूप आपके नॉन टचिंग हैं इस फिगर में तो हम चेक कर लेते हैं अगर आप देखिए दिस लूप तो ये आपका टच कर रहा है जी फाइव वाले लूप से तो ये आपका टचिंग है ओके okay? और अगर आप इस बिगर लूप को देखें तो ये भी आपका सारे लूप को टच कर रहा है तो एल वन एल टू एल थ्री ऑल आर टचिंग कोई भी दो नॉन टचिंग लूप आपके अवेलेबल नहीं है इस में, okay? so, आपका इतना ही रह जाएगा सिर्फ वन माइनस एल वन माइनस एल टू माइनस एल थ्री ओके ना वी हैव टू फॉरवर्ड पाथ्स तो हमारे पास डेल वन एंड डेल टू भी अवेलेबल होंगे सो डेल वन क्या है डेल वन इज सेम एज डेल

को भी सारे के सारे लूप आपके क्या करेंगे टच कर जाएंगे यहां पर तो डेल टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी वन हो जाएगी ओके तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल ओके सो इस सिंपल प्रोसेस से आप यहां पर ट्रांसफर फंक्शन जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट तो यहां पर बेसिकली अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टू टू थ्री स्टेप्स आने चाहिए फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन्स सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ लूप गेन्स एंड थर्ड इज यूज ऑफ मैसोन्स गेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल अप्रोच हो जाएगी व्हेन यू कन्वर्ट ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके हम यहां पर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं सपोज करिए मुझे यहां पर एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है विथ इनपुट आर एस देर इज अडर Okay. now gain is g1 there is another adder now gain is g2 okay and the finally output is cs okay now there is a feedback with feedback gain h2 and this is negative feedback for the first adder and again there is a feedback gain h1 and again the negative feedback for second adder okay सो दिस इज माई कंप्लीट डायग्राम अब मुझे इस ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में ओके okay? सो so, अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए जाऊं यहां पर तो हमें फिर से वही पॉइंट करना है कि फर्स्ट आपका क्या होगा नोड आर एस ओके देन एडर के लिए आप फिर से एक नोड जनरेट करेंगे फिर गेन जी को एरो के थ्रू शो करेंगे देन अगेन एडर फिर से एक नोड देन गेन जी टू एरो के थ्रू शो हो गया हमारा देन आपका टेक ऑफ पॉइंट फिर से डॉट एंड फाइनली आउटपुट सी एस ओके ना अब आप यहां पर देख सकते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट से आपका जो ये वाला एडर है आप यहां पर देख सकते हैं फिगर में फॉर दिस एडर देर इज अ नेगेटिव फीडबैक गेन इज माइनस एच टू ओके तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं माइनस एच टू ओके आप फिर से यहां पर देखिए जो ये आपका फीडबैक स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअल में पूरा का पूरा फर्स्ट एडर जो स्टार्टिंग एडर है एट दिस पॉइंट ओके सो इस एडर okay? so, के लिए जो गेन है वो तो माइनस एच टू है बट इस एडर के लिए जो गेन होगा वो होगा माइनस एच वन इंटू एच टू ओके तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए ओके okay? सो so, यहां पर आपका एक और पाथ जनरेट होगा जो कि यहां तक जाएगा आपका और गेन क्या होगा माइनस एच वन एच टू ओके सो नाउ अब आप सिंपली यहां पर नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं और आप सिंपली सी एस अपॉन आर एस कैलकुलेट कर सकते हैं अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फॉरवर्ड पाथ जो होगा वो सिर्फ सिंगल होगा आपका जी वन जी टू ओके एक ही फॉरवर्ड पाथ है फ्रॉम आर एस टू सी एस नाउ अगर आप लूप गेन्स की बात करें तो एल वन क्या हो जाएगा आपका सिंपली माइनस जी टू एच टू ठीक है नाउ क्या कोई और लूप पॉसिबल होगा यस yes. आप देखिए अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जी वन जी टू देन माइनस एच वन एच टू ओके सो माइनस जी वन जी टू एच वन एच टू तो यहां पर आपके दो लूप्स क्रिएट हो गए क्या ये दोनों लूप आपके नॉन टचिंग है नहीं ये दोनों लूप्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं तो डेल क्या हो जाएगा सिंपली आपका डेल हो जाएगा एल वन माइनस एल टू ओके नाउ आफ्टर डेल व्हाट इज डेल वन डेल वन सेम आपका फिर से वही रिपीटेशन कर रहा हूं मैं डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ओके अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुने तो इस लाइन को मैंने लास्ट थ्री कम से कम टेन टू फिफ्टीन टाइम्स रिपीट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है ना तो इस को आप ध्यान से समझिएगा और अगर इस कंसेप्ट में कोई डाउट हो डेल के वाले में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट भी कर सकते हैं ओके सो so यहां पर आप देखिए क्या कोई लूप फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है तो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को आपके सारे के सारे लूप्स टच कर रहे हैं तो जो आपका डेल वन है वो क्या हो जाएगा सिंपली वन हो जाएगा ओके नाउ ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा पी वन डेल वन अपॉन डेल ओके सो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया वाया सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके सो ये वीडियो जो मैंने आपको समझाई है ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ ये बहुत यूजफुल है जब भी आपका क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में हो तो आप उसे डायरेक्टली सिग्नल फ्लोग्राफ में कन्वर्ट करिए और अपना कैलकुलेशन कर लीजिए ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड हाउ टू कन्वर्ट एनी ब्लॉक डायग्राम इन सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके इन टूडे वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू कन्वर्ट एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सिग्नल फ्लो ग्राफ ओके सो इस वीडियो में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट नेटवर्क थ्योरी का भी चाहिए होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट से डील करना है तो हमें यहां पर केवीएल केसीएल का कंसेप्ट भी यूज होगा ओके सो मैं यहां पर आपका फर्स्ट नेटवर्क सर्किट कंसीडर कर रहा हूं ओके okay? और इस नेटवर्क सर्किट के लिए हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरेट करना है ओके सो दिस इज माय नेटवर्क सर्किट रजिस्टर इज R1 ओके देयर इज वन कैपेसिटर C एंड देयर इज वन अदर रेजिस्टर R2 एंड देयर इज अ इंडक्टर L ओके okay? नाउ इस इंडक्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट कंसीडर करना है वी नॉट एंड यहां पर हमारा इनपुट है वी आई ओके सो फॉर दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट वी नीड टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ नाउ अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर भी अवेलेबल है अलोंग विद द रजिस्टर्स और हमें पता है कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट हो तो हमें सबसे पहले

एंटायर सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे जिससे इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर सब की यूनिट आपकी ओम में कन्वर्ट हो जाएगी ओके okay? सो so, अगर मैं इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करूं सो इनपुट विल बी वी आई एस रेजिस्टर का आपका सेम ही होता है सो आर वन कैपेसिटर का आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी एस देन आर2 देन क्या हो जाएगा आपका एल एस ओके नाउ दिस इज प्लस माइनस वी जीरो एस ओके सो ये हमारा यहां पर सर्किट क्रिएट हो गया जहां पर रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर सबके यूनिट्स आपकी क्या है सेम नाउ इस सर्किट के लिए हम लोग आप सिग्नल फ्लोग्राफ जनरेट कर सकते हैं ओके सो सिग्नल फ्लोग्राफ जनरेट करने का मेथड क्या है आपको सबसे पहले देखना है कि आपका इनपुट नोड क्या है तो इनपुट नोड आपका क्या है यहां पर वी आई एस ओके देन आपका आउटपुट नोड क्या है आउटपुट नोड है आपका v0s ओके नाउ इन बिटवीन नोड आपके क्या-क्या होंगे ये हमें अब आइडेंटिफाई करना है ओके सो इन बिटवीन नोड्स के लिए हमें क्या करना होता है हमें सर्किट में जितने लूप्स दिख रहे हैं उतने आपको लूप्स करंट कंसीडर करने होंगे तो यहां आपके दो लूप दिख रहे हैं तो फर्स्ट लूप करंट कितना हो जाएगा i1s एंड सेकंड लूप करंट क्या हो जाएगा आपका i2s ओके okay? नाउ इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़कर कोई अगर और कोई नोड आपको दिख रहा हो तो उसमें आपको नोड वोल्टेज कंसीडर करना होगा तो दिस इज द नोड एंड नोड वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका वी एस ओके दिस वोल्टेज इज अक्रॉस द कैपेसिटर तो हमने क्या नाम दे दिया वीसीएस अ पॉइंट ये आपका था इनपुट नोड दिस इज द डिफरेंट नोड सो वी हैव गिवन द नेम वी एस एंड दिस इज योर आउटपुट नोड ओके और ये आपका क्या है ग्राउंड है नाउ अब हमें आई वन I2, VC एंड V0 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इनके इक्वेशंस जनरेट करने हैं ओके okay? क्योंकि आपको पता है जो VI आई है उसमें कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं हो सकती तो आपको VI का इक्वेशन यहां पर क्रिएट नहीं करना है VI इज द इनपुट ओके मेनली आपको क्रिएट करना है आई वन आई टू एंड वी नॉट के इक्वेशन तो अगर मैं आई का इक्वेशन यहां ध्यान से देखू तो आप देखिए आई जो करंट है वो आर से फ्लो हो रही है तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा वी आई माइनस वी सी और डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर तो डिवाइडेड बाय आर वन ओके सो आई वन हो जाएगा आपका वी आई माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर वन सिमिलरली आई टू जो है आपका आई टू क्या हो जाएगा आपका आप देखिए जो आई टू है आपकी वो आर टू से फ्लो हो रही है सो वी सी माइनस वी जीरो ठीक है ना वोल्टेज डिफरेंस जिस से वोल्टेज से जिस वोल्टेज तक फ्लो हो रही हो तो क्या हो जाएगा Vc माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर टू तो कितना हो जाएगा वी सी माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर टू ओके नाउ Vc की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी आप Vc देखिए टोटल वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर तो वोल्टेज क्या होगा आपका करंट इनटू इंपडेंस ओके सो इस ब्रांच के थ्रू करंट कितनी है आपकी आई वन माइनस आई टू ओके सो कितना हो जाएगा आपका वीसी आई वन माइनस आई टू इंटू टोटल इंपर्टेंस टोटल इंपोर्टेंस क्या है नॉट okay? कितना हो जाएगा आप देखिए नॉट जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है आपकी आई टू है तो आई टू इंटू इंपर्टेंस ऑफ इंडक्टर तो कितना हो जाएगा आपका आई टू इंटू एल एस ओके सो so, ये जो कंसेप्ट है आपके जो हमने आई वन आई टू वी सी एंड कैलकुलेट किए हैं ये आपके नेटवर्क थ्योरी पर डिपेंड करते हैं ओके अगर आपको इन में थोड़ा भी डाउट हो तो आप मेरी नेटवर्क थ्योरी की जो वीडियोस हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं बेसिक जो केवीएल केसीएल की वीडियोस हैं, ओके उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमने इस सर्किट को किस तरह से सॉल्व किया है ओके और अगर आप कंट्रोल सिस्टम को पहले पढ़ रहे हैं और नेटवर्क थ्योरी को आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस केवीएल केसीएल के एनालिसिस को अभी लीव भी कर सकते हैं अभी आप ये सोच सकते हैं कि आपको यह इक्वेशन पता है और अब आप इसे सिग्नल फ्लोग्राफ में ड्रॉ करना है ओके सो so, अगर मैं नेक्स्ट नोड ले यहां पर I1 और नेक्स्ट नोड ले लू VC एंड नेक्स्ट नोड इज I2, तो यहां पर मेरे सारे के सारे नोड कवर हो गए ओके यहां पर आपको एक और पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो नोड का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ओनली इनपुट नोट एंड आउटपुट नोट फिक्स रखने हैं आपको बाकी के जो इन बिटवीन नोट्स हैं आपके वो आप किन्नी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं ओके सो व्हाट इज आई वन आई वन जो है वी आई अपॉन आर वन मतलब वी आई से कितना आ रहा है आपका वन अपॉन आर वन ओके वी सी माइनस वी सी अपॉन आर वन मीन्स वी से कितना आ रहा है माइनस अपॉन आर वन ये फीडबैक हो जाएगा आपका माइनस अपॉन आर ओके नाउ अगर आप Vc का इक्वेशन देखें तो क्या है I1 वन इंटू वन बाई मतलब I1 से कितना आ रहा है आपका वन बाय सी एस माइनस आई टू इंटू वन मतलब I2 से कितना आ रहा है आपका माइनस वन बाय सी ओके ना जो लास्ट आपका V नॉट है वो कितना है I2 टू इंटू एल सो आई से कितना आ रहा है आपका एल आ रहा है ओके okay? हमने पहले भी सिग्नल फ्रोग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं हमें पता है कि जिसका इक्वेशन होता है उसमें सारी चीजें इनकमिंग होंगी उस नोड में आपको इनकमिंग डायरेक्शन शो करने हैं ओके है पॉइंट okay? तो इस तरह से हम लोग किसी भी नेटवर्क सर्किट को सिग्नल फ्लोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मेन पॉइंट है आपके वो ये है कि पहले आपको इनपुट एंड आउटपुट नोट आइडेंटिफाई कर लेने हैं उसके बाद के जो आपके इन बिटवीन नोट हैं आपके वो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं तो बहुत ही सिंपल है जितने लूप्स दिख रहे हैं उतने लूप्स करंट होंगे और जो लूप्स करंट होंगे वो भी एज अ नोड बिहेव करेंगे सिग्नल ग्राफ में उसके बाद इनपुट नोड नोड और कर, और आउटपुट को छोड़कर जितने होंगे उन पे आप नोड वोल्टेज कंसीडर करिए और जो नोड वोल्टेज है वो भी आपके सिग्नल फ्लोग्राफ में एज अ नोड बिहेव करेंगे ओके ना उसके बाद आपको सिंपल नेटवर्क का केवीएल केसीएल का कंसेप्ट आना चाहिए ठीक है तो आप आराम से नेटवर्क सर्किट से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ओके okay? नाउ अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर कंसीडर करूं इस एग्जांपल में हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दिया हुआ है और नेटवर्क सर्किट भी दिया हुआ है ओके okay? और हमें कुछ अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ओके सो सपोज करिए आपको ये नेटवर्क सर्किट दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम ओके देयर इज अ रजिस्टर ऑफ 3 ओम एंड लास्ट रजिस्टर इज ऑफ 4 ओम ओके okay? और इस लास्ट रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है नाउ हमें जो इनपुट दिया है वो इस पॉइंट पर दिया है प्लस माइनस वी आई ना लूप वन में हमें करंट दी हुई है एंड लूप में जो करंट दी है वो दी हुई है आई टू ओके नाउ जो सिग्नल फ्लोग्राफ हमें दिया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फोर नोट है इनपुट नोट वी आई आउटपुट नोट वी जीरो एंड इन बिटवीन नोट्स आर आई वन एंड आई टू ओके एंड कुछ आपको गेन्स गिवन है यहां पर दिस गेन इज जी वन दिस गेन इज जी टू दिस गेन इज जी थ्री और आई टू से आई वन तक आपको नाउ okay? हमें बोला गया है कि इन दोनों सिग्नल ग्राफ्स को हमें कंपेयर करना है एंड जी वन जी टू जी थ्री एंड एच की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ओके okay? अब अगर आप इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आपने लास्ट क्वेश्चन में यह देखा था कि मैंने आपको कहा था कि जितने लूप्स होंगे उतने आपको करंट लेने हैं एंड इनपुट नोड 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 और आउटपुट को छोड़कर जितने होंगे उतने आपको वोल्टेज भी लेने हैं जो कि आपके सिग्नल फ्लोग्राफ में शो होंगे ओके okay? बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मुझे गिवन है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ लूप करंट्स लिए गए हैं नोड वोल्टेज जो है इनपुट और आउटपुट नोड को छोड़कर वो कंसिडर नहीं किए गए हैं ठीक है, है ना तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है अब हमें उसी तरीके से डील करना होगा जब हम खुद से बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से सिग्नल फ्लोग्राफ तो हम कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करेंगे लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया होगा मतलब आपको नेटवर्क सर्किट भी दिया है और सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दिया हुआ है तो अब आपको उसके करस्पॉन्डिंग ही सॉल्व करना होगा ओके तो अब हमारा टारगेट क्या है हमें यहां पर जीवन की वैल्यू क्रिएट करनी है जी की जी की एंड एच की तो हम फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था सबसे पहले हम लोग I1 और I2 का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो I1 के लिए आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप यहां पर लगा सकते हैं फर्स्ट लूप में ओके okay? सो so अगर मैं फर्स्ट लूप में केवीएल लगाऊं तो पहला साइन वोल्टेज का क्या है माइनस सो माइनस वी आई ओके देन इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या है I1 सो so क्या लिखेंगे आप प्लस वन इंटू आई वन ओके नाउ टू ओम के अक्रॉस आपका क्या करंट है आई वन माइनस आई टू सो आप क्या लिख लेंगे प्लस टू आई वन माइनस टू आई टू इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्रिएट हो गया है नाउ अगर मैं इक्वेशन की बात करूं सो so क्या हो जाएगा टू ओम के अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका नाउ आपकी मेन करंट क्या है आपकी आई टू है तो so, आप क्या लिखेंगे टू आई टू माइनस टू आई वन ओके सो टू आई टू माइनस टू आई वन प्लस थ्री ओम के अक्रॉस करंट क्या है आपकी आई टू है सो so, आप क्या लिखेंगे प्लस थ्री आई टू सिमिलरली फोर ओम के अक्रॉस भी करंट क्या है आई टू है सो फोर आई टू इक्वल टू जीरो ओके ना लास्ट अगर आप वी जीरो का इक्वेशन लिखने जाए तो सिंपली आपकी करंट क्या है आई टू है जो कि फोर ओम से फ्लो हो रही है तो वी जीरो क्या हो जाएगा आपका फोर आई टू ओके सो ये आपके थ्री इक्वेशंस क्रिएट हो गए इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री ओके नाउ अब हमें क्या करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी इक्वेशन क्रिएट करने हैं ओके सो सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए आई वन का इक्वेशन क्या होगा आई वन में वी आई से क्या आ रहा है जीवन तो आई वन की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं वी आई इंटू जीवन और क्या आई वन में कुछ आ रहा है यस आई वन में आई टू से आ रहा है आपका एच तो क्या लिखेंगे आप प्लस आई टू इंटू एच ओके दिस इज इक्वेशन नंबर फोर नाउ आप देखिए आई टू का इक्वेशन आई टू में सिर्फ और सिर्फ आई वन से आ रहा है जी टू तो आप क्या लिख लेंगे आई टू इज इक्वल टू आई वन इंटू जी टू इक्वेशन नंबर फाइव नाउ लास्ट इक्वेशन फॉर वी जीरो वी जीरो में कहा से आ रहा है आई टू से आ रहा है क्या आ रहा है आपका जी थ्री तो आप क्या करेंगे वी जीरो

तो फर्स्ट साइन आपका क्या है वोल्टेज का माइनस तो माइनस वी आई देन वन ओम के अक्रॉस क्या, क्या होगा जो आपकी मेन करंट है ना सेकेंड लूप के लिए आपके क्या हो जाएगा टू ओम के अक्रॉस फिर से आई वन और आई टू दोनों का इफेक्ट है तो आपकी मेन करंट कौन सी है आपकी आई टू है तो टू आई टू माइनस टू आई वन ओके प्लस थ्री ओम और फोर ओम दोनों के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ आई टू का इफेक्ट है तो थ्री आई टू प्लस फोर आई टू ओके सिमिलरली वी जीरो को अगर आप देखे वी ओम के अक्रॉस वोल्टेज है फोर ओम के अक्रॉस करंट क्या है आपकी आई टू है सो वी जीरो क्या हो जाएगा फोर आई टू हो जाएगा सिंपली ओके नाउ सिग्नल फ्लोग्राफ को हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं तो हम जानते हैं जो भी नोट्स है ठीक है ना उसका इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमें देखना होता है उस नोड में कहां कहां से इनकमिंग ब्रांचेस आ रही हैं तो आप देखिए आई वन में इनकमिंग ब्रांच कहां 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 से 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 आ आ आ आ रही 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 है 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 और बस आप उन्हें गेन से मल्टीप्लाई करके एड करके लिख लीजिए तो आई वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा वी आई इंटू जी वन प्लस आई टू इंटू एच सिमिलरली आप आई टू और वी जीरो का इक्वेशन भी लिख सकते हैं ओके okay? सो so, यहां पर हमारे पास टोटल सिक्स इक्वेशन है अब हमें इन इक्वेशन को कंपेयर करना है और उसके बाद g1, g2, g3 एंड h की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ओके? Okay? सो so, बहुत इजी आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर थ्री में और इक्वेशन नंबर सिक्स में आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन v0 जीरो इक्वल टू है ओके okay? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा यहां पर आपका है फोर आई यहां पर है आई टू इसकी मीनिंग क्या है कि G3 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी डायरेक्टली फोर हो जाएगी ओके ना नेक्स्ट वैल्यूज हम देख लेते हैं क्या हमें और कोई डायरेक्टली दिख रहा है क्या यस yes, आप देखिए ये जो इक्वेशन नंबर है वो इक्वेशन है आपका आई का इक्वेशन नंबर जो टू है उसमें भी आपको आई अवेलेबल है इक्वेशन नंबर फाइव में अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आई है और इक्वेशन नंबर टू में भी आई अवेलेबल है तो इक्वेशन नंबर टू एंड फाइव दोनों ही आपके आई और आई के फॉर्म में है तो यहां से आप फिर से कंपेरिजन कर सकते हैं अगर आप इक्वेशन नंबर टू को आई टू के फॉर्म में लिख दें तो आपका कंपेरिजन हो जाएगा बहुत ईजी ओके सो इक्वेशन नंबर टू में आप देखिए टू आई टू प्लस थ्री आई टू फाइव आई टू प्लस फोर आई टू नाइन आई टू ओके सो इक्वेशन नंबर टू से आपका क्या हो जाएगा नाइन आई टू इज इक्वल टू आई वन काफिशियंट है आपका टू सो टू आई वन सो कितना हो जाएगा आई टू आपका टू बाई नाइन वन ओके okay. ये कहां से था आपका इक्वेशन नंबर टू से था तो अब अगर आप कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फाइव से so G2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी जी टू की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई आपकी टू बाई नाइन ओके सेम अब हमारे पास रह गया G1 एंड एच ओके सो आप देखिए यहां पर जो आपका जीवन और एच है दोनों ही आपका इक्वेशन नंबर फोर में है ओके okay. तो, था। था। yeah, तो आप हमारे पास नेटवर्क सर्किट के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर वन रह गया है तो आप देखिए इक्वेशन फॉर्म में लिख लू तो मेरे वन और फोर दोनों इक्वल हो जाएंगे और मैं बहुत कंपेयर कर पाऊंगा तो इक्वेशन नंबर वन से अगर हम देखें यहां पर फ्रॉम वन ई वन इक्वल टू ओके सो आप देखिए आई वन के कॉफिशियंट आपके थ्री ओके okay? तो क्या हो जाएगा क्या था आपका थ्री था तो यह क्या हो जाएगा वन बाई थ्री दिस इज ऑल्सो वन बाय थ्री ओके सो आई वन इक्वल टू वी आई प्लस टू आई टू होल डिवाइडेड बाई थ्री ओके सो जो का ट है वो क्या है आपका जीवन तो हम यहां पर जीवन की वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर जीवन हो जाएगा आपका वन बाय थ्री एंड जो आई टू का एच है, है, है तो एच क्या हो जाएगा आपका टू बाई थ्री ओके सो यहां से हमारी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई जीवन जी टू जी थ्री एंड एच ओके सो इस तरह से अगर हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड नेटवर्क सर्किट दिया हो तो हम अननोन कांस्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बस हमें क्या करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ से इक्वेशंस लिखने हैं और नेटवर्क सर्किट से इक्वेशंस लिखने हैं और दोनों इक्वेशंस को हमें बस कंपेयर कर देना है ओके ओके सो ये आपकी जो वीडियो थी हाउ टू कन्वर्ट नेटवर्क सर्किट इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ आई होप आपको क्लियर होगी अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंप्लीट वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द सिग्नल फ्लो ग्राफ Okay. in today's video we will start with the time response analysis okay now in time response analysis we have to study two things first is first order system and second is second order system okay but before studying the first order system and second order system we need to study what is system okay we have discussed about the system in the first video बट वी विल डिस्कस इट अगेन ओके सो वॉट इज सिस्टम सिस्टम क्या होता है ओके सो सिस्टम इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर वेन यू प्रोवाइड द इनपुट टू दिस्टम यू विल रिसीव द आउटपुट ओके नाउ अब अगर मैं सिस्टम के इनपुट को एक्स टी से डिनोट करूं एंड सिस्टम को अगर मैं टी टी से डिनोट करूं एंड सिस्टम के आउटपुट को अगर वाई टी से डिनोट करूं तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में दैट वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वर्ड विथ टी टी ओके जो सिस्टम का आउटपुट होता है आपका वो सिस्टम के इनपुट और सिस्टम का कॉन्वल्यूशन होता है ओके फिर हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था तो वाई एस इज इक्वल टू एक्सेस इन टू टी एस सो टी एस इज वाई एस अपॉन एक्सेस एंड टी एस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म विथ ऑल द इनिशियल सिस्टम के आउटपुट को फिर से एनालाइज करू डिटेल में एनालाइज करूं सो so जो सिस्टम का आउटपुट है सिस्टम का रिस्पॉन्स है एक्चुअल में उसके दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका ट्रांजियन पार्ट जो कि टाइम के साथ वेरी करता है और एक होता है आपका स्टडी स्टेट पार्ट जो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट होता है बेसिकली हमें टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में ट्रांजिएंट पार्ट एंड स्टडी स्टेट पार्ट का ही डिटेल में एनालिसिस करना है ओके, okay? तो पार्ट आपका क्या है वेरिएबल वेरी करेगा आपका टाइम के साथ ओके वेरीज विथ टाइम एंड स्टडी स्टेट पार्ट क्या है आपका कॉन्स्टेंट है इट विल नॉट वेरीज टाइम ओके मीन्स अगर एक बार आपने स्टडी स्टेट अचीव कर लिया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ओके okay? नाउ अब अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं वाई टी इज इक्वल टू ए पावर माइनस बी टी यू टी तो यहां पर जो आपका रिस्पॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पर डिपेंड कर रहा है दैट इज ए पावर माइनस बी टी यू टी नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर वॉट इज स्टडी स्टेट पार्ट एंड वॉट इज

स्टडी स्टेट पार्ट एंड ट्रांजिएंट पार्ट का एडिशन होता है ओके? Okay? अगर स्टडी स्टेट पार्ट जीरो है, तो वाई टी पूरा पावर माइनस बी टी यू टी ओके सो यहां से जो कंक्लूजन है वो क्या है अगर आप इक्वेशन को फिर से आइडेंटिफाई करें तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म था मतलब कोई और दूसरा टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं था तो आप देखेंगे अगर सिर्फ एक टर्म है और वो एक टर्म जो है आपका वो टी पर डिपेंड कर रहा है आप देखिए पर क्या है e की पावर बी टी। मिंस आपका टर्म जो है है वो टी के साथ चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने डेफिनेशन अभी, अभी अभी देखी है लास्ट स्लाइड में कि अगर आपका कोई टर्म टी के साथ चेंज हो रहा हो टाइम के साथ वेरिएबल हो तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पार्ट ओके सो यहां पर आपका स्टडी स्टेट पार्ट क्या था जीरो था ओके एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं यहां पर सपोज करिए आपका जो आउटपुट है आपका जो रिस्पॉन्स माइनस माइनस बी टी यू टी ओके नाउ अगर मैं फिर से अब वाई एस एस करूं दैट मींस वाई टी एट टू इंफिनिटी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ये e की पावर माइनस बीटी वाला जो टर्म है e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है Zero, तो आंसर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका a बचेगा ऑब्वियस सी बात होता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका a ही हो जाएगा ओके okay. नाउ अब अगर मैं बात करूं ट्रांजियंट पार्ट की तो ट्रांजियंट पार्ट क्या होगा आपका माइनस एवर माइनस बी टी यू टी ओके सो so, इस तरह से आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर ओके okay? सो so, आप क्लियरली देख सकते हैं स्टडी स्टेट पार्ट में टी e का कोई टर्म नहीं है बट ट्रांजिएंट पार्ट में टी का टर्म आपका है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है आपको जो भी वाई टी का इक्वेशन गिवन है उस उसमें आप देख लीजिए कौन सा टर्म आपका कांस्टेंट है वो आपका स्टडी स्टेट होगा जैसे यहां पर क्या था वन इन ए और कौन सा टर्म आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा ट्रांजिएंट हो जाएगा

नाउ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वी कैन रिलाईज विद द लो पास फिल्टर ओके सपोज आई कंसीडर द वन लो पास फिल्टर सर्किट आर सी दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ओके इनपुट इज वी आई एंड आउटपुट अक्रॉस सी इज वी नॉट ओके सो ये हमारा लो पास फिल्टर का सर्किट है अगर हम इस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर ले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का

तो क्या हो जाएगा आपका VI का लाप्लास VIS ओके okay? R का लाप्लास आपको पता है सेम रहता है R ही होता है C का लाप्लास क्या हो जाएगा आपका 1 CS एंड C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा आपका V नॉट S ठीक है और V नॉट S ही आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज है नाउ आपकी R एंड 1 CS दोनों की जो यूनिट्स है वो आपकी क्या है सेम है तो अब अगर मैं वोल्टेज डिविजन रूल अप्लाई करूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वी नॉट तो आपका वी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा आपका जो वी आई वोल्टेज है वो वन बाई सी एस एन आर में डिवाइड होगा तो जो वी आई वोल्टेज है जो वन बाई सी एस के अक्रॉस डिवाइड होगा वही क्या होगा आपका वी नॉट होगा तो क्या हो जाएगा वन बाई सी एस इंटू वी आई डिवाइडेड बाय वन बाई सी एस प्लस आर ठीक है ना जिसके अक्रॉस डिवाइड होने वाला है उस इंपर्डेंस से मल्टीप्लाई करेंगे आप डिवाइडेड बाय टोटल इंपर्डेंस तो अगर हम इसे सॉल्व कर ले वी जीरो अपॉन वी आई दैट इज आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन तो आंसर क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस आर सी एस ओके तो ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है और यही ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का भी है अब आप, आप यहां ध्यान से समझिएगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता क्या है बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकल डिफाइन करूं तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पोल दिखाई देगा दैट इज जो denominator का, जो डिनोमिनेटर का पावर एस है वो कितना होगा सिर्फ और सिर्फ वन ही होगा ठीक है ना डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वन ही होगा तो लो पास फिल्टर इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके और जो हमने यहां पर लो पास फिल्टर का सर्किट कंसीडर किया है फर्स्ट ऑर्डर का इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट है ये बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत जगह यूज होता है तो आपको लो पास एंड हाई पास दोनों फिल्टर्स का ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए दोनों फिल्टर्स के जो सर्किट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ओके okay? सो so ये हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया है इज अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके अब अगर मैं इसे कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में डिनोट uh, करूं तो क्या हो जाएगा टीएस इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस आर सी आर सी आपका क्या होता है हमें पता है लो पास फिल्टर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है आर सी ऑल दो अभी तक हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं किया है कंट्रोल सिस्टम में मैं अगली वीडियो में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा तब आपको इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी लेकिन फिलहाल के लिए मैथमेटिकली जो लो पास फिल्टर का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो होता है आर इंटू सी तो अगर मैं आर इंटू सी को टाइम कॉन्स्टेंट टाउ से डिनोट कर दू तो लो पास फिल्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आएगा या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आएगा वो क्या आएगा सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके अब अगर मैं इसे कंट्रोल के फॉर्म में शो करूं कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में शो करूं तो क्या हो जाएगा आप देखिए स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इनपुट इज आर एस ओके देन फॉरवर्ड पाथ गेन अब अगर मैं इसे यहां पर दे दू वन अपॉन टाउ एस देन आउटपुट इज सी एस एंड यूनिटी फीडबैक तो फीडबैक आपका क्या है वन है और मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं नेगेटिव फीडबैक ओके सो अब अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन वापस से कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा आपको आपको पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मुला क्या होता है जी अपॉन वन प्लस जी एच फॉर नेगेटिव फीडबैक तो यहां पर जो एच है वो क्या है आपका वन है तो आंसर क्या हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी तो जी क्या है आपका वन अपॉन टाउ एस वन प्लस वन अपॉन टाउ एस इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा आपका ओके okay? तो हमने बेसिकली क्या किया इस ट्रांसफर फंक्शन को स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और हमने सारी की सारी स्टैंडर्ड चीजें ही कंसीडर की है यहां पर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक जो हमारा स्टैंडर्ड है जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम की नाउ अब अगर मैं इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट इनपुट अप्लाई करूं तो हमारा जो रिस्पॉन्स किस तरह का होगा ये हम एनालिसिस करते हैं सो सपोज करिए अगर मैं फर्स्ट यहां पर इंपल्स इनपुट अप्लाई करता हूं इंपल्स इनपुट तो हमें पता है इंपल्स मीन्स डेल्टा टी और डेल्टा टी का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है आपका वन होता है तो जो आपका आर एस है वो क्या हो जाएगा वन हमें पता है जो टी एस होता है वो क्या होता है आपका सी एस अपॉन आर एस दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट तो ये आपका क्या है वन अपॉन वन प्लस एसटाउ ओके नाउ अगर हम लोग आर एस को वन ले ले तो सी एस जो है वो आपका क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एसटाउ ओके सो यहां पर अगर हमें अब सी टी कैलकुलेट करना है तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास कंसीडर करना होगा तो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं सपोज करिए अगर मैं टाउ यहां से कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टाउ प्लस एस ओके तो एस प्लस अपॉन तो अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास कंसीडर करूं तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टाउ जो है आपका कॉमन है और हमें पता है मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मुला कि वन अपॉन एस प्लस ए का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो क्या होता है ई e की पावर माइनस ए टी यू टी ओके ऑल दो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा है कि आपको लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा सिस्टम का वेन यू प्रोवाइड द इंपल्स इनपुट ओके दैट मीनस वेन आर एस इज वन सो ये आपका इंपल्स okay? okay? so, रिस्पॉन्स है अब अगर मैं इसे ड्रॉ कर लू तो सी टी वर्से टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊ यहां पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्या होगा? होगा. हम इसे तो उसका नेगेटिव पार्ट जीरो होता है क्योंकि अगर हम यूटी का डायग्राम याद करने की कोशिश करें तो यूटी जो होता है वो जीरो से लेकर टाइम जीरो से लेकर इंफिनिटी तक होता है

टीक्वल टू जीरो पर नाउ दिस इज योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर आप टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करें तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका जीरो होता है दैट ये आपका क्या होगा डिक्रीजिंग होगा ओके टी टेंस टू इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा ये आपका जीरो हो जाएगा ओके तो ये आपका डायग्राम होता है सी टी का वर्सेस टी ओके नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इंपल्स रिस्पॉन्स से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज स्टेबिलिटी क्या मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टेबल है ये हम लोग इंपल्स रिस्पॉन्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे देखिए अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जो है दैट इज सीटी जो हमने यहां कैलकुलेट किया है वो अगर आपका टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर जीरो है ठीक है ना जीरो है अगर एब्सोल्युटली जीरो वैल्यू ही होनी चाहिए देन आप कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो स्टेबल है तो हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं टी टेंस टू इंफिनिटी पर आप देखिए ये जीरो है हमने यहां कैलकुलेट भी किया था इक्वेशन से और टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर नेगेटिव साइड तो प्रेजेंट ही नहीं है इसका मतलब नेगेटिव साइड तो जीरो ही है तो टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों में ही क्या है ये जीरो है सीटी आपका जीरो आ रहा है तो सिस्टम क्या है आपका स्टेबल है ओके okay? तो इंपल्स रिस्पॉन्स का एक बहुत बड़ा यूज है किसी भी सिस्टम के लिए इफ इंपल्स एट टी टू प्लस माइनस इंफिनिटी इज देन सिस्टम इज स्टेबल और इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इसे कहा जाता है कि इंपल्स रिस्पॉन्स अगर आपका अपसोल्यूटली इंटीग्रेबल है इंटीग्रेबल देन सिस्टम विल बी स्टेबल ओके क्लियर है पॉइंट तो ये था हमारा इंपल्स रिस्पांस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नाउ अब अगर मैं स्टेप रिस्पांस कंसीडर करूं दैट इज मेरा जो इनपुट है वो स्टेप होगा अब अगर इनपुट स्टेप होगा तो आर एस क्या हो जाएगा आपका वन बाई एस ठीक है ना इनपुट आपका यूटी है तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा वन बाई एस होता है ओके okay? सो so, अब अगर मैं इसका फिर से ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू एनालिसिस स्टार्ट करूं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा सी एस अपॉन आर एस जो कि आपका इक्वल होता है वन अपॉन वन प्लस की वैल्यू क्या है आपकी वन है सो सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन अपॉन एस वन प्लस एस टाउ ओके अब हमें यहां पर सी टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ओके okay. सो so, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं यहां पर अगर मैं यहां से टाउ कॉमन ले लू फिर से तो वन अपॉन टाउ एस एस प्लस वन अपॉन ओके नाउ वन बाई टाउ आपका कॉमन आ जाएगा तो हमें पता है सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन टाउ ओके अब अगर हम पार्शल फ्रैक्शन परफॉर्म करें फॉर एस तो सिंपल तरीका क्या होता है पार्शल फ्रैक्शन का अगर आप यहां पर एस की वैल्यू जीरो पुट कर दे रिमेनिंग टर्म में ओके सो रिमेनिंग टर्म क्या है आपका वन अपॉन एस प्लस वन बाई टाउ तो क्या आ जाएगा अपॉन तो क्या आ जाएगा आपका टाउ आ जाएगा ओके okay. तो हमें क्या करना है हमें पहले 1 को कॉमन ले लेना है ये आपका, हो गया. इसका हो गया आपका. क्या बचा आपका वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन बाई टाउ तो अगर आप एस के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे एस को छोड़कर बाकी रिमेनिंग टर्म में एस की जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है जो पोल की वैल्यू है क्या है जीरो है ना आपकी तो आप जीरो पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फिर अगर आप अगले टर्म के लिए कैलकुलेट करें जो कि है है अपॉन अपॉन ओके तो यहां पर क्या करना है? आपको S 1 को छोड़कर जो बचा हुआ टर्म है दैट इज वन बाई एस उसमें जो एस की वैल्यू है वो क्या है माइनस वन अपॉन टाउ ओके सो तो क्या आ जाएगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन टाउ तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस टाउ ओके तो यहां पर टाउ टाउ आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा वन बाई एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन टाउ ओके सो योर सी टी विल बी वन बाई एस का क्या हो जाएगा यूटी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके सो यह आपका आ जाएगा सी टी रिस्पॉन्स और यू कैन से स्टेप रिस्पॉन्स ओके So, आप सी को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं यहां पर सी टी इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके नाउ जो आपका सी आया है आप चाहे तो सबसे पहले उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं तो अगर आप उसे ड्रॉ करते हैं सी टी वर्सेस टी तो क्या हो जाएगा यहां पर आप देखिए यहां से टी इक्वल टू जीरो पर कितना आएगा ई e की पावर जीरो क्या होता है आपका वन तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो टी इक्वल टू जीरो पर जीरो है और टी लेस जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि भी क्या है आपका? है। Now, t पर आप ई e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है जीरो तो क्या बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ वन तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनकर रेडी होगा ओके okay, जो फाइनल वैल्यू होगी जो स्टडी स्टेट वैल्यू होगी जो कि पर कैलकुलेट होती है वो क्या होगी होगी, आपकी? One हो और जब ये ये हो जाएगी, तो फिर फिर क्या रहेगी रहेगी, आपकी? आपकी बिल्कुल constant फिर आपकी value, okay? so, ये हमारा graph है ओके नाउ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स रैम्प रिस्पॉन्स एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट इज स्टडी स्टेट एरर ओके स्टडी स्टेट एरर आपकी क्या होती है ये आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था स्टडी स्टेट एरर होती है आपकी इनपुट कमांड माइनस रिस्पॉन्स या आउटपुट मीनस रिस्पॉन्स क्या है आपका जो आपने अचीव किया है और जो इनपुट या कमांड था वो क्या थी जो आपने टारगेट सेट किया था तो टारगेट माइनस जो आपने अचीव किया है एट द स्टडी स्टेट वही होगी आपकी स्टडी स्टेट एरर ओके सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलू आपको तो स्टडी स्टेट एरर होगी आर टी मीनस इनपुट माइनस सी टी मीन्स आउटपुट एट टी टू इनफिनिटी ओके सो अब अगर मैं पहले सिंपल एरर कैलकुलेट कर लू यहां से ओके okay? तो एरर क्या हो जाएगी आपकी सिंपल हो जाएगी इनपुट माइनस सी टी ओके इनपुट क्या है आपका यूटी है और जो सी टी है वो आपका ऊपर लिखा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपन टाउ यूटी ओके सो सिंपली जो आपकी एरर है ये क्या हो जाएगी यूटी और यूटी कैंसिल हो जाएगा आपका एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो एरर आ जाएगी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यूटी ओके पर हमें पता है हमें एरर नहीं कैलकुलेट करनी हमें स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी है स्टडी स्टेट मीनस टी टेंस टू इंफिनिटी ओके सो so, हम लोग अब क्या करेंगे टी टू पुट करेंगे जिससे हमें स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट हो जाएगी तो हम देख सकते हैं टी टेंस टू पुट करने पर ई e की पावर जो माइनस है है वो क्या होता जीरो तो यहां पर आपकी जो स्टडी स्टेट एरर है वो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं इन केस ऑफ स्टेप इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज जीरो इसकी क्या मीनिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट बेस्ट इनपुट है क्यों जब जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं तभी तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है यहां पर जीरो आ रही है ओके okay? सो so, जितने भी टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर्स है वो हम स्टेप इनपुट के लिए ही कैलकुलेट करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सो फर्स्ट टाइम डोमेन पैरामीटर इज टाइम कॉन्स्टेंट ओके सो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका अब इसे हम डिफाइन कर देते हैं टाइम कॉन्स्टेंट इज द टाइम एट विच सिस्टम रीचेस टू टू हंड्रेड परसेंट ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू ठीक है ना टाइम वो टाइम है जिस पर सिस्टम का जो है, वो हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाता है आइडियली ठीक है ना ये आपको समझना होगा यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइडली तो आइडली का क्या मतलब है पहुंच जाना चाहिए पर क्या रियल में पहुंच जाता है यह आपको चेक करना है अभी ओके तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहां पर टाइम कांस्टेंट हमें पता है कि जो हमारा सी है वो क्या है आपका वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इन टू यू टी ओके सो टाइम कांस्टेंट यहां पर क्या है टाउ है ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर टी इक्वल टू टाउ पुट करूं तो आपका क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस वन यू टाउ ओके जो UT है आपका वो टाइम की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वन ही होगा तो उसका एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है बट अगर आप ध्यान से देखें यहां पर आपका क्या जनरेट हो रहा है इक्वेशन की पावर ओके अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो यहां पर ये यह जो e की पावर माइनस वन है उसकी वैल्यू जो अप्रोक्स पॉइंट थ्री सिक्स आती है तो वन माइनस ई की पावर माइनस वन जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्स आपकी पॉइंट सिक्स थ्री एट समथिंग अराउंड आपकी क्रिएट होती है ओके सो यहां पर मैं यहां पर अगर समझू अगर मैं इसको कर लू, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू थी या जो हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू थी फिगर से आप चेक कर सकते हैं वो वन थी ओके सी इनफिनिटी आपको क्या मिल रहा था वन मिल रहा था दैट मीन स्टडी स्टेट वैल्यू इज वन नाउ अगर आप यहां पर चेक करें तो आपकी जो वैल्यू अचीव हुई है टी इक्वल टू टाउ परसेंट स्टडी नहीं रीच कर पा रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी फोर परसेंट अप्रोक्स रीच कर पा रहे हो इसकी क्या मीनिंग है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है आपका वो वेरी वेरी स्लो रिस्पॉन्स आपको दे रहा है ओके सो so, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू बट मैंने क्या लिखा है यहां पर आईडीली पहुंच जाना चाहिए लेकिन पहुंचता नहीं है वो ओके क्लियर है पॉइंट नाउ नेक्स्ट जो हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है या जो डेफिनेशन हमें देखनी है वो है आपकी डिले टाइम तो डिले टाइम आपका क्या होता है डिले टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेस टू द फिफ्टी परसेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू ठीक है तो आपको फिफ्टी परसेंट के लिए यहां पर अब कैलकुलेट करना है ओके okay? सो so, हमें पता है फिर से सी क्या है आपका वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके अब अगर हमें फिफ्टी परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू देखना है तो वो टाइम आपका क्या होगा डिले टाइम होगा तो सी ऑफ टी डी

ओके okay, यहां पर कितना आ जाएगा आपका इक्वेशन देख सकते हैं आप ये कितना जीरो पॉइंट फाइव नाउ हमें अगर इसे सॉल्व करना है ई e की पावर को अगर रिमूव करना है तो हमें राइट हैंड साइड में एल लेना होगा लॉग ई e लेना होगा तो टी डी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा आपका एल एन जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा ओके माइनस साइन यहां आपका प्रेजेंट रहेगा नाउ अगर हम इसे सॉल्व कर लें, 0.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और TD की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टी डी की वैल्यू जो आपकी निकल कर आती है वो आती है tau. Okay? So this is your delay time. Tau. आप देख सकते हैं जो डिले टाइम है वो आपका टाउ पर डिपेंड कर रहा है किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको टाउ की वैल्यू नोन है तो यू कैन ईजली डिटरमाइन द डिले टाइम ओके नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जो कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है राइस टाइम राइस टाइम आपका क्या होता है राइस टाइम इज विच रिस्पॉन्स रीचेस टू टेन परसेंट टू नाइनटी परसेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू ओके इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है सपोज करिए मैं टेन परसेंट रीच कर रहा हूं नाइन ओ क्लॉक पे 90 रीच कर रहा हूं 9:30 पर ठीक है ना तो, तो टोटल डिफरेंस क्या हो गया 30 का हो गया ना? तो यही है कब पहुंच रहा है और 90 परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू दैट इज जीरो पर कब पहुंच रहा है आप दोनों का सब्रेक्शन कर दीजिए दोनों टाइम्स का आपकी कैलकुलेट हो जाएगा राइस टाइम ओके सो so, यहां पर अगर मैं 10% के लिए कैलकुलेट करूं और उसको नाम दे दूं T1 तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा 10% ऑफ फाइनल वैल्यू 1 का 10% क्या होता है 0.1 होता है 1 माइनस e की पावर माइनस T1 अपऑन टाउ नाउ अब अगर मैं 90% के लिए देखूं तो T2 नाम दे रहा हूं टाइम को मैं तो 0.9 1 माइनस e की पावर म तो अब हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीजों को ठीक है ना अगर हम इक्वेशन नंबर वन को यहां पे सॉल्व करें सिमिलरली जैसे हमने डिले टाइम के लिए सॉल्व किया था हम पहले क्या करेंगे ई uh, e की पावर को रिमूव करने के लिए LN ले लेंगे देन वी कैन कैलकुलेट ओके सो हम दोनों काम कर लेने के बाद जब हम लोग राइस टाइम कैलकुलेट करेंगे सो राइस टाइम क्या होगा आपका टी टू माइनस टी वन नाइनटी परसेंट पे जब रीच हुआ था और टेन परसेंट पे जब रीच हुआ था ठीक है आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 पॉइंट टू टाउ अप्रोक्सीमेटली ठीक है ना ये आपके लिए टास्क है आपको अपने आप से कैलकुलेशन करना है एल लेना है दोनों इक्वेशंस में और आपको टी वन एंड टी टू सेपरेटली कैलकुलेट करना है देन टी टू माइनस टी वन की वैल्यू आपको निकाल लेनी है अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी 2.2 पॉइंट टाउ ओके आप चाहें तो सेपरेटली T1 वन एंड टी की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हैं ओके okay? और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके okay? सो so ये होता है आपका राइस टाइम नाउ आप यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिएगा हम लोग यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसे हमने रियलाइज कैसे किया है वाया यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ओके और हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है उसके लिए जो टाउ की वैल्यू है वो कितनी है आपकी RC है ओके okay? एंड एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप एनोलॉग सर्किट या नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर तो उसकी बैंडविज जो होती है वो होती है वन अपॉन टू पाई आर सी इन हर्ट्स, ओके तो आपको ये कंसेप्ट मे भी अभी पता ना हो आप डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे लेकिन हम इस कंसेप्ट को यहां पर यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया हुआ है कंट्रोल सिस्टम पे ओके तो हम लोग यहां ध्यान से देखते हैं इज इक्वल टू अपॉन अपॉन पाई पाई इसको आप देख सकते हैं ओके अब हमें पता है राइज टाइम क्या होता है टू पॉइंट टू इंटू टाउ होता है ओके सो so, अगर मैं राइज टाइम के फॉर्मूले में टाउ की वैल्यू यहां पर पुट कर दू तो आप देख सकते हैं टाओ की वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ आपका इस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगी वन अपॉन टू पाई ओके तो यह आ जाएगा टू पाई इन टू बैंडविथ हो जाएगा आपका नाउ अब अगर आप कैलकुलेटर से टू पॉइंट करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी आती है जीरो पॉइंट थ्री फाइव सो राइस टाइम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव अपॉन बैंडविथ नेक्स्ट पैरामीटर इज सेटलिंग टाइम सो सेटलिंग टाइम टी एस क्या होती है डेफिनेशन आपकी सेटलिंग टाइम की सेटलिंग टाइम इज द टाइम एट विच रिस्पॉन्स रीचेज टू हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू और रिस्पॉन्स रीचेज टू स्टडी स्टेट वैल्यू एक्चुअली हमने टाउ में क्या कहा था आइडली यहां पर एक्चुअली रिस्पॉन्स रीचेज टू द स्टडी स्टेट वैल्यू इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम ओके सो हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू ओके यू कैन से स्टडी स्टेट वैल्यू ओके सो हम लोगों को सी का फॉर्मूला पता है सी टी इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके सो वेन यू पुट टी इज इक्वल टू टी एस देन सी टी एस विल बी वन हंड्रेड परसेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू सो वन माइनस ई की पावर माइनस टी एस अपॉन टाउ सो हियर वन वन विल कैंसल एंड ई की पावर माइनस टीएस अपॉन टाउ इक्वल टू जीरो पावर हम लोग क्या पुट करें कि आंसर आ जाए तो ऑब्वियस बात है आपकी जो ts की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी इंफिनिटी हो जाएगी ओके सो सेटलिंग टाइम यहां पर आपका अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो इंफिनिटी आता है ओके बट एक्चुअल में आप सोचिए सेटलिंग टाइम है क्या मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप स्टडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं आप स्टेबल हो जाते हैं, ओके? Okay? इसका कोशिश करेंगे तो आप कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे आपका सिस्टम हमेशा क्या रहेगा अनस्टेबल ही रहेगा तो ये कैलकुलेशन अगर आप थ्योरिकली बोले तो बिल्कुल गलत है ठीक है ना तो इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास ये हम देखते हैं ओके सो so, हम एक एनालिसिस यहां पर कंसिडर करते हैं सपोज करिए आपका जो है है आपको पता माइनस माइनस टी टी जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी के लिए वन रहेगा तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर रहा हूं हमने यहां पर सी ऑफ टाउ कैलकुलेट कर लिया है अप्रोक्स आपका पॉइंट सिक्स फोर आया था ओके जब हम टाउ की डेफिनेशन देख रहे थे नाउ अब अगर हम यहां पर सी ऑफ थ्री टाउ कैलकुलेट करें ओके थ्री टाउ पे थ्री टाउ की मीनिंग क्या होगी वन माइनस e की पावर माइनस थ्री ये अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली वो आता है जीरो पॉइंट नाइन फाइव ओके इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप थ्री टाउ जितना टाइम आप पास कर लेते हैं या थ्री टाउ जितना टाइम अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप नाइन ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारी करूं, C of 4 तो क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस फोर अगेन वाया कैलकुलेटर आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा जीरो पॉइंट नाइन एट ट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू नाउ एक और कैलकुलेशन अगर मैं करूं सी ऑफ फाइव टाउ विच इज वन माइनस ई की पावर माइनस फाइव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन नाइन यू कैन से नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू ओके सो इस एनालिसिस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हमने यहां पर मेजर थ्री कैलकुलेशन किए हैं

इक्वल टू थ्री टाउ पर वैल्यू क्या मिल रही है, .95, 95 4 पे क्या मिल रही है? 98 और यह समझना है कि जब आप हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू अचीव करने की कोशिश करते हैं तो सेटलिंग टाइम जो है वो इंफिनिटी आ जाता है लेकिन अगर आप वन परसेंट टू परसेंट या फाइव परसेंट

क्योंकि इंफिनिटी का मतलब यही है कि आप कभी स्टेबल होंगे ही नहीं तो इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए ओके सपोज करिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी जब वन लैख पर मंथ की जॉब लगेगी तभी आप जॉब एक्सेप्ट करेंगे ओके okay? तो क्या अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है साल दर साल तो क्या आप उस चीज का इंतजार करते रहेंगे कि अगर आपको कोई नाइनटी फाइव थाउजेंड पर मंथ की जॉब लग जाए तो उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे

टाइम कंसीडर करते हैं तो एरर क्या है कॉम्प्रोमाइज कितना करना पड़ेगा सिर्फ 5% और 2% और 1% से ओके okay? सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर इसलिए जो सेटलिंग टाइम की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है टीएस इज इक्वल टू 3 टाऊ विद 5% टॉलरेंस और एरर 4 टाऊ विद 2% टॉलरेंस और एरर और 5 टाऊ विद टॉलरेंस और ओके सो एग्जाम में सेटलिंग टाइम का कोई भी आपसे पूछ सकता है. करो आपको बोलेगा करो मतलब आपको कौन सा करना है थ्री टाउ वाला सो इस तरह से आप सेटलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप हंड्रेड परसेंट ऑफ फाइनल वैल्यू तक गए तो आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे सो so, ये होता है आपका सेटलिंग टाइम का कैलकुलेशन ओके सो इतने होते हैं हमारे टाइम डोमेन रिलेटेड पैरामीटर्स के कैलकुलेशन लाइक सेटलिंग टाइम लाइक टाइम लाइक डिले टाइम लाइक टाइम ओके और ये सारे पैरामीटर हमने किस इनपुट के लिए कैलकुलेट किए हैं ये आपको ध्यान रखना होगा हमने किए हैं स्टेप इनपुट के लिए कल को अगर क्वेश्चन में रैम्प इनपुट आ जाए तो आप ये फॉर्मले यूज नहीं कर सकते हैं ओके सो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं स्टेप इनपुट के लिए हमने ये पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं और क्यों किए हैं क्योंकि हमने देखा था कि स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर जो थी आपकी वो क्या आई थी जीरो आई थी जीरो आई थी इसका मतलब हमने जो टारगेट सोचा था वो हमने अचीव कर लिया था दट्स वाई स्टेप इनपुट इज द बेस्ट इनपुट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके सो ये हमारा एनालिसिस था आज स्टेप इनपुट के ऊपर नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे रैम्प इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट के ऊपर ओके okay? और हम लोग यह भी कंपेयर करेंगे कि किस तरह से स्टेप इनपुट इनसे सुपीरियर है ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेप रिस्पॉन्स एंड द इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रैम्प रिस्पॉन्स एंड पैराबोलिक रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके सो फर्स्ट वी विल स्टडी रैम्प सो वॉट इज रैम्प रिस्पॉन्स रैम्प रिस्पॉन्स मींस रैम विल बी द इनपुट ओके एंड वी नीड टू कैलकुलेट ओके? सो रैंप इनपुट आपका क्या होता है इनपुट इज इक्वल टू टीय रैम्प सिग्नल आपका आर एस है टी यू टी का लाप्लास क्या होता है आपका वन अपॉन एस स्क्वायर रैम का लाप्लास हमें पता है रैम सिग्नल होता है आपका वन अपॉन एस स्क्वायर ओके ना हमें क्या करना है अब हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एस टाउ ओके नाउ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी अपॉन आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ओके नाउ आर की वैल्यू आपकी क्या है वन अपॉन एस स्क्वायर सो जो आपका सी है वो हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर वन प्लस एस ओके नाउ अब हमें सी एस का सी टी कैलकुलेट करना है मीन इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि बिफोर कैलकुलेटिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करना होगा ठीक है यहां पर आपके एक टर्म है एस स्क्वायर का और एक टर्म है वन प्लस एस टाउ का ओके सो so, मैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली लिख रहा हूं ठीक है आप लोगों के लिए होमवर्क है आप लोग घर में अपने आप से पार्शल फ्रैक्शन को ट्राई करेंगे ओके और कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट भी कर सकते हैं ओके सो so, इसका जो पार्शल फ्रैक्शन आपका निकल कर आता है वो होता है माइनस टाउ अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टाउ अपॉन एस प्लस वन अपॉन टाउ ओके सो ये इसका पार्शल फ्रैक्शन होता है आप आराम से कर भी सकते हैं आप ले लीजिए ए बाई एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन वन प्लस आ जाएगा ओके सो यह आपके लिए होमवर्क है ना अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूट इज कॉल्ड सी टी तो हमें आपका यूटी होता है तो माइनस टाउ यू टी ओके प्लस वन बाई एस स्क्वायर आप देखिए अभी अभी आपने इस टर्म को देखा हुआ है यस yes, आपने इनपुट में देखा हुआ है आर जो था आपका वो वन बाई एस स्क्वायर था मीन्स इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा आपका टी यू होगा ओके सो टी यू नाउ प्लस टाउ वन अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास क्या होता है ई e की पावर माइनस ए टी तो यहां पर क्या है एस प्लस वन बाई टाउ है तो ए की वैल्यू क्या है वन बाई टाउ तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस अपॉन टाउ यू ओके इनवर्स लाप्लास हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए मैंने आपको हर एक वीडियो में ये बात कही है ओके okay? नाउ ये हमारा कैलकुलेट हो गया सी अब आफ्टर कैलकुलेटिंग द सीटी हमने स्टेप रिस्पॉन्स में क्या किया था हमने एरर कैलकुलेट की थी फर्स्ट ऑफ ऑल एरर एरर हमें पता है एरर क्या है इनपुट माइनस सी टी दैट मीन्स इनपुट मीन्स क्या था आपका टारगेट टारगेट और सीटी क्या है आपका जो आपने अचीव किया है तो आपने टारगेट माइनस जब जो अचीव किया है जब आप करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी यहां पर एरन मिल जाएगी ओके okay? तो यहाँ पर जो आपका इनपुट है वो क्या है आपका टी यू टी है ओके okay? माइनस जो आपने अचीव किया है वो क्या है आपका प्लस टाउय माइनस टी यू टी ओके एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा अगेन माइनस टाउ ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके सो ये आपका यहां पर एरर का फॉर्मूला जनरेट हो गया नाव हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर मीन्स स्टडी स्टेट पर जाकर इनपुट माइनस जो हमने अचीव किया है उसमें डिफरेंस क्या है वही क्या कहलाएगी आपकी स्टडी स्टेट एरर तो अगर आप यहां पर एरर के इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर टी टी एंड टी टी का टर्म आपका कैंसिल हो रहा है ओके, okay? अगर आप स्टेट एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा टी टेंस टू पुट करना होगा एरर के इक्वेशन में okay? so, आपका तो e जीरो होता है ओके okay? और यू इन्फिनिटी कितना होता है हमारा वन होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपका टाउ ओके okay? तो यहां पर जो स्टडी स्टेट एरर आपकी कैलकुलेट हुई है देखा था वहां पर जो स्टडी स्टेट एरर थी वो जीरो थी इसलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि इस फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके और इसीलिए हमने फॉर स्टेप इनपुट सारे के सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए थे लाइक राइस टाइम सेटलिंग टाइम डिले टाइम ओके क्योंकि वहां पर आपकी स्टडी स्टेट एरर जीरो थी बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टडी स्टेट एरर जो है आपकी वो नॉन जीरो है फाइनाइट वैल्यू है ठीक है तो इसके लिए हम कोई पैरामीटर कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पूरा फोकस जो है वो स्टेप पर ही रखना है ओके लॉजिक क्लियर है तो यहां पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट एरर जो है आपकी वो टाउ है ओके okay? नाउ जो आपका नेक्स्ट रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक रिस्पॉन्स ओके सो पैराबोलिक रिस्पॉन्स मीन्स इनपुट विल बी पैराबोलिक तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा पैराबोलिक का इक्वेशन आपको आज से पता होना चाहिए टी पैराबोलिक इनपुट के लिए हम ये इक्वेशन हमेशा यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में भी टी स्क् तो जो आपका आर एस है वो क्या हो जाता है वन अपॉन एस क्यूब ठीक है जिनको फॉर्मुला नहीं पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर टी की पावर एन का जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन ओके जब यहां पर आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टी जाएगा फैक्टोरियल टू अपॉन एस क्यूब ठीक है जब आप टू को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी का वन अपॉन एस क्यूब ओके सो आप सिंपली ये फॉर्मुला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन टू यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओके नाउ हमें पता है अगेन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एस टाउ राइट नाउ सी विल बी इक्वल टू वन अपॉन एस क्यूब वन प्लस एस टाउ अब हम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यहां पर बट पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए फिर से होमवर्क होगा आप इसे ट्राई करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं यहां पर फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूं CS to, आपका हो जाएगा टाउ स्क्वायर अपॉन एस माइनस टाउ अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस क्यूब माइनस टाउ स्क्वायर अपॉन एस प्लस वन अपॉन टाउ ठीक है आपको यही पॉइंट समझना होगा कि हम यहां कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर वो आपका मैथमेटिकल कल कंसेप्ट है हमारे लिए जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि स्टडी स्टेट एरर कितनी आ रही है किस इनपुट के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ओके नाउ नेक्स्ट सी जो आपका हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ये आपका क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका क्या है टाउ स्क्वायर अपॉन एस That means one by S का क्या होता है आपका ut होता है ओके नेक्स्ट हम आपका क्या है माइनस टाउ टी यू टी ओके नेक्स्ट हम आपका क्या है वन अपॉन एस क्यूब ये भी आपने अभी अभी देखा है इसी स्लाइड में देखा है क्या होता है आपका टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी ओके सो ये हो जाएगा आपका साइन कौन सा था आपका प्लस तो प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी ओके एंड लास्ट क्या है आपका माइनस टाउ एस प्लस वन बाई टाउ ये हमें पता है अब हम कई बार देख चुके हैं तो कितना हो जाएगा आपका माइनस टाउ स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके सो so, ये आपका रिस्पॉन्स का इक्वेशन जनरेट हो गया अब हमारा टारगेट फिर से क्या है हमें चेक करना है कि एरर कितनी आ रही है आपकी एरर मींस अगेन इनपुट माइनस रिस्पॉन्स इनपुट आप क्लियरली देख सकते हैं इनपुट आपका कितना है टी इनपुट okay? तो की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां पर टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी माइनस जो आपका रिस्पॉन्स आया है उसकी वैल्यू आप देख लीजिए माइनस टाउ स्क्वायर यू टी प्लस टाउ टी यू टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी प्लस टाउ स्क् की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यू टी ओके सो ये हमारी एरर की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो गई है अगर आप ध्यान से देखें इस एरर के इक्वेशन को तो टी स्क्वायर बाई टू यू टी एंड टी स्क्वायर बाय टू यू टी आपके कैंसल आउट हो जाएंगे जैसा आपका रैम रिस्पॉन्स में भी कैंसिल हुआ था जो इनपुट था वो कैंसिल हो गया था नाउ जो आपकी स्टडी स्टेट एरर होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी आपकी जस्ट आपको क्या करना है एरर के फॉर्मुले में टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करना है ओके okay? सो so, अगर आप यहां पर टी टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो यू इंफिनिटी कितना होता है? होता है है वन तो सिर्फ कितना रह जाएगा माइनस स्क्वायर ओके यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यू इंफिनिटी कितना होता है वन होता है लेकिन यहां पर आपका एक टी का टर्म भी मल्टीप्लाइड है जब आप टी टेंस टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा अब हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग या इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग ऑलवेज क्या होता है आपका इन्फिटी होता है ओके okay? सो so, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टडी स्टेट एरर पैराबोलिक रिस्पॉन्स के लिए कैलकुलेट हो रही है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज इन्फिनिटी दैट मीनस वेरी वेरी ह्यूज एरर ओके सो हम पैराबोलिक रिस्पांस यूज नहीं करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ठीक है ना क्योंकि जो हमने टारगेट सोचा होगा उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी एरर आएगी आपकी ओके okay? सो so, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन दू आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का सो इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वी विल यूज स्टेप इनपुट ओके स्टेप रिस्पॉन्स वी विल यूज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर हमने पूरी थ्योरी यहां पर पढ़ ली है ओके okay? इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे आफ्टर स्टडिंग द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके सो गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन टूडे वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एनालिसिस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को रिलाइज कैसे कर सकते हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को बाय यूजिंग आरसी सर्किट रिलाइज किया था उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम रिलाइज करते हैं बाय यूजिंग आर एल सी सर्किट ओके सो दिस इज सीरीज आर एल सी सर्किट ओके अगर मैं यहां पर एक इनपुट ले लू दैट इज वी आई एंड सी के अक्रॉस अगर मैं एक आउटपुट कंसिडर करूं दैट इज वी नॉट हम फिर से देख रहे हैं जैसा हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है कि यहां पर आपके आर के अलावा एल और सी भी प्रेजेंट है एल की यूनिट क्या होती है आपकी हेनरी सी की क्या होती है फेरेड और आर की होती है ओम सबकी यूनिट आपकी अलग अलग है तो हमें फिर से सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा जिससे क्या होगा कि आर की यूनिट l के इंपीडेंस की यूनिट दैट इज ls एंड c के इंपीडेंस की यूनिट दैट इज 1 अपॉन cs सब की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम हो जाएगी ओके सो अगर मैं इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पर कंसीडर करूं सो प्लस माइनस vi s r का क्या हो जाएगा आपका r ही हो जाएगा l का ls एंड c का 1 अपॉन cs ओके okay? सो so,

इज इक्वल टू वी आई एस जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड बाय टोटल सो आर इमेंस एल एस प्लस इट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके ये आपका क्या हो जाएगा वन अपॉन सी एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एल एस प्लस वन अपॉन सी एस ओके अब अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं सो वन अपॉन सी एस और यहां पर क्या हो जाएगा आर सी एस प्लस एल सी एस स्क्वायर प्लस वन ओके अब अगर मैं यहां पर डिवाइड बाय सी एस लिखूं तो ये सी एस और ये सी एस आपका क्या हो जाएगा कैंसल ओके okay? तो अगर आप इक्वेशन अप को अपने इस तरह से अरेंज करें कि डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज एस स्क्वायर उसका कॉफिशियंट वन हो जाए तो आप किस तरह से लिख सकते हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन एल सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस आप देखिए आगे यहां पर जो एस का है वो क्या हो जाएगा आर सी अपॉन एल सी ओके सो ये आपका कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका आर बाई एल ओके सो आर बाई एल एस प्लस नेक्स्ट आपका क्या है वन है तो वन का क्या बन जाएगा आपका वन अपॉन ओके, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके तो यही ट्रांसफर फंक्शन हमें यूज करना है बट ये ट्रांसफर फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है वो आर एल एंड सी के टर्म्स में कैलकुलेट किया है अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से कुछ लिखा जाता है टी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके सो यहां पर हमें यह समझना होगा कि आपका जीटा क्या है ओमेगा एन क्या है तो ओमेगा एन जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओके सो ओमेगा एन आपको दिमाग में रखना है इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओके नाउ व्हाट इज जीटा जीटा जो होता है आपका इट इज डैम्पिंग रेशियो रेशियो इन वर्ड से आपको फैमिलियर होना है okay? अब, अब हम बात करें, Gita है क्या जीटा का रोल क्या है ओके जीटा एक्चुअली करता क्या है जीटा के कारण जो आपका ऑक्सीलेशन है या प्रोपोगेशन है वो रिड्यूस होता है और आप कह सकते हैं जीटा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है

यहां पर अगर मैं सिंपल आर सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करूं अपने के वो है आपकी आर अपॉन एल इससे जो आपका जीटा कैलकुलेट हो रहा है वो कितना कैलकुलेट हो रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां से ये यह टू आपका इधर आ जाएगा और आप ओमेगा एन भी इधर आ जाएगा ओमेगा एन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो जीटा जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है आर बाई टू अंडर रूट सी बाय ओके सो ये आपकी ओमेगा एन एन जीटा की वैल्यूज है जब आप अपने कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को नेटवर्क सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं ओके okay? सो so आपको जो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीशन इनकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए ओके नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं हम अपना ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके तो ये हमारा एक एडर हो जाएगा इनपुट क्या होता है आपका आर एस फॉरवर्ड पास जो गेन है आपका ये कितना हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस ना आउटपुट विल बी सी एस अगेन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक ओके हम स्टैंडर्ड ही लेके चलेंगे तो नेगेटिव फीडबैक हम यहां पर दे देते हैं ओके okay. अब आप देखिए यहां पर अगर आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते तो हमें पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मुला फॉर नेगेटिव फीडबैक जी अपॉन वन प्लस जी एच क्योंकि यहां पर यूनिटी फीडबैक है तो एच क्या हो जाएगा वन तो आंसर क्या हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी ओके सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस डिवाइडेड बाय वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस ओके अब अगर यहां पर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस एन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस बोथ साइड से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो आपको सेम स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा ऑफ ऑर्डर सिस्टम ओके तो इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू बेसिकली हमने ब्लॉक डायग्राम जनरेट किया विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक ओके तो ये आपका स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम होता है फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके नाउ अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को फिर से देखू यहां पर तो ये जो आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है हम कोई भी ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर करें हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको पोल्स देता है ठीक है और किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो उसके पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो सिस्टम क्या होता है आपका स्टेबल ये बेसिक लगभग सबको पता होता है ठीक है ना कि अगर आपके पोल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा ओके इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही हमें पोल्स देता है और उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेने के बाद हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है ओके सो so, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ओके सो कंट्रोल सिस्टम में ये वर्ड आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो अभी से आप फैमिलियर हो जाइए कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है तो अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखू यहां पर तो ये हो जाता है आपका एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके और जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आपको पोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप इक्वल टू जीरो कर सकते हैं क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जब आप इक्वल टू जीरो करते हैं तभी तो उसके रूट्स कैलकुलेट होते हैं ओके नाउ हम लोग क्या करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस रेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन देंगे दैट इज क्यू एस ओके मैं स्टैंडर्ड बुक का नोटेशन ले रहा हूं यहां पर क्यू एस से डिनोट करेंगे हम किसी भी सिस्टम के इक्वेशन को चाहे वो फिर थर्ड ऑर्डर का हो चाहे फोर्थ ऑर्डर का हो चाहे सिक्स ऑर्डर का हो ओके okay? यहां पर हमने स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कंसिडर किया है ओके okay? तो अब हम क्या करने वाले हैं वन बाई वन जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए

अब अगर मैं जीटा को जीरो के इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर रूट्स कैलकुलेट करूं तो एस जाएगा आपका माइनस ओमेगा एन जानते हैं स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता ओके okay? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन ओके जब भी आपका स्क्वायर नेगेटिव है दैट मींस वो टर्म क्या है आपका इमेजनरी है ओके सो यहां पर आपके दो इमेजनरी रूट्स कैलकुलेट हो गए s इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन इस सिचुएशन को जीटा इक्वल टू जीरो को हम बोलते हैं अन डैम्पिंग या अनडैम्प्ड सिस्टम ओके तो ये है आपका अनडैम्प्ड सिस्टम या अनडैम्पिंग के okay? मतलब आप डैम्पिंग नहीं कर रहे हैं यहां पर ओके okay? सो so, जो आपके रूट्स की जो लोकेशन होगी वो क्या क्या हो जाएगी अगर आप यहां पर बनाएं सिग्मा एंड जे ओमेगा तो रूट्स की लोकेशन हो जाएगी एक यहां पर और एक यहां पर देख लीजिए एक आपका प्लस जे ओमेगा है 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 और एक आपका माइनस माइनस जे ओमेगा 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 ठीक ना तो एंड चूंकि आप इमेजिन एक्सिस में ही शो कर रहे हैं तो जे की वैल्यू शो करने की जरूरत नहीं है बाई वो जे ओमेगा एन एंड माइनस जे ओमेगा एन है ठीक है ना अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दू जो आपका एस के लिए जो आप लोग ग्राफ बनाते हैं उस पर जो रियल होता है वो क्या होता है सिग्मा और इमेजनरी पार्ट क्या होता है उमेगा ठीक है तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ओके नाउ सेकेंड सेकेंड अगर मैं कंसीडर करूं जीटा की वैल्यू जीरो वन के बीच में ठीक है ना आप यहां पर ध्यान रखिएगा जीटा जीरो के इक्वल नहीं है जीरो से ग्रेटर है सेम जीटा जो है वो वन के इक्वल नहीं है वन से लेस है तो जीरो और वन की बीच की वैल्यूज ऑफ जीटा के लिए मैं यहां पर अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एनालिसिस करने वाला हूं ओके okay? सो so, क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए आप देखिए कि यहां पर जो केस है आपका जीटा की एक फिक्स वैल्यू नहीं है जीटा की वैल्यू जीरो से वन के बीच इंफनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है जबकि जो लास्ट केस था उस पे जीटा की एक फिक्स वैल्यू थी जिसे आपने इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपका इक्वेशन जो था वो बहुत इजी हो गया था बट यहां पर जीटा की फिक्स वैल्यू है नहीं तो आप कोई वैल्यू पुट कर नहीं सकते तो आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए यहां पर टू रूट्स होंगे एस के और क्या होता है माइनस बी मतलब माइनस टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर एन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी सो फोर इंटू वन इंटू ओमेगा सो अब अगर मैं यहां पर टू से डिवाइड कर दू तो आपका इक्वेशन कैसा आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस यहां पर देखिए आप अंदर क्या हो जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर ओके okay? अगेन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस देखिए यहां से ओमेगा एन का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके okay? अब आप बोलेंगे आपके रूट्स यहां पर रियल आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है आपकी आपको यहां पर क्या देखना है आपको यहां पर ये देखना है कि जो जीटा की वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में है ओके okay? तो जो जीटा का स्क्वायर होगा वो भी जीरो से वन के बीच में ही होगा ठीक है तो जो जीटा का स्क्वायर है वो वन से क्या होगा लेस होगा ठीक है तो अंडर रूट के अंदर आपका कौन सा साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है ओके सो तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अगर आप यहां पर माइनस वन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका वन माइनस जीटा का स्क्वायर ओके सो ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन और हमें पता है अंडर रूट माइनस वन क्या होता है आपका जे होता है तो आप जे बाहर कर देंगे और वन माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अब आप अगर कंपेयर करें तो जीटा स्क्वायर जो है वो लेस देन वन होगा तो अंडर रूट के अंदर आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा बिल्कुल करेक्ट है यहां पर ओके okay? सो so, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेके जे के फॉर्म में लिखिए अंडर रूट माइनस वन होता है आपका जे ओके okay? नाउ अब अगर मैं इन रूट्स को शो करूं इन सिग्मा एंड जे ओमेगा एक्सेस तो क्या हो जाएगा सिग्मा जे ओमेगा? आप देख सकते हैं आपके दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं ओके सो रियल पार्ट क्या है आपका माइनस जीटा ओमेगा एंड तो नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो प्लस ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर है मींस यहां आ जाएगा ये होगा आपका एक और एक पोजीशन आपकी ये हो जाएगी क्योंकि माइनस में है तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे इस लोकेशन पे एन इस लोकेशन पे ओके okay? सो so ये आपके है कॉम्प्लेक्स रूट ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपका

वो ट होगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा तो आप बोलेंगे damping frequency of oscillation. Okay? एक और point आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आप S की value calculate करेंगे, जैसे आपने केस नंबर वन में कैलकुलेट किया था एस की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस जे ओमेगा एन तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी ओमेगा एन थी ठीक है इसकी मीनिंग क्या है एस के इक्वेशन में जो भी जे का कॉफिशियंट होगा वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर जो जे काफिशियंट है वो ओमेगा एन है मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आप केस को देखिए की वैल्यू में जो J का है वो है आपका ओमेगा एन अंडर रूट माइनस जीटा का स्क्वायर दैट इज ओमेगा डी तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें जीटा का इफेक्ट है तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है ओके नाउ केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में एक और पॉइंट है केस नंबर थ्री के पहले इस तरह के केस को जहां जो जीटा आपका जीरो से वन के बीच में है उसे हम अंडर डैम्ड या अंडर डैम्ड सिस्टम कहते हैं अंडर डैम्पिंग और अंडर डैम्ड सिस्टम ओके नाउ वी कैन स्टार्ट विथ केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग ओके या क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम ओके okay, मैंने पहले ही आपको नाम दे दिया है इस बार ये होता है जीटा इज इक्वल टू वन ओके सो क्रिटिकल डैम सिस्टम जीटा इज इक्वल टू वन तो यहां पर अगर मैं देखू एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का इक्वल टू जीरो सो so, अब अगर मैं यहां पर जीटा की वैल्यू वन पुट करूं सो एस स्क्वायर प्लस टू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो ये आप देखिए क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सो यह आपका ए प्लस बी का होल स्क् माइनस ओमेगा एन एन माइनस ओमेगा एन तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके दोनों रूट्स इक्वल आए हैं ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आप भले ही ओमेगा एन देख रहे हैं ओमेगा एन देख के आपको लग रहा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट नो मैंने क्या कहा है आपको एस में जो भी जे का कॉफिशियंट होगा वही फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर जे का टर्म है ही नहीं दोनों के दोनों क्या है आपके रियल रूट्स है इसकी मीनिंग क्या है यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है आपकी प्रेजेंट नहीं है यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डैम्पिंग हो रही है ओके तो क्रिटिकल डैम्पिंग की मीनिंग ये है जहां पर जो आपका ऑक्सीलेशन है वो जस्ट किल हुआ है अभी क्रिटिकली जस्ट किल हो गया आपका ऑक्सीलेशन और आपको दोनों रियल रूट्स मिल गए हैं यहां पर ओके okay? सो so, जो आपकी रूट्स की लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन दोनों के दोनों आपके रियल रूट्स होंगे यहां पर ओके क्लियर ए पॉइंट नाउ जो लास्ट केस होगा हमारा दैट इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम या ओवर डैम्पिंग ओके तो ये क्या होता है आपका जीटा ग्रेटर देन वन ओके अभी तक हमने जीटा इक्वल टू जीरो देख लिया है। जीटा की वैल्यू जीरो से वन के बीच देख ली है जीटा की वैल्यू वन भी देख ली है नाउ जीटा ग्रेटर देन वन. ये क्या होगा आपका यहां पर आप फिर से समझिएगा यहां पर हमें जीटा की कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं है जीटा की वैल्यू वन से बड़ी कुछ भी हो सकती है तो हमें यहां पर इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ओके तो अगर मैं फिर से इक्वेशन को सॉल्व करूं तो हमने लास्ट केस में इक्वेशन को सॉल्व किया था जो आपका केस था अंडर डैम सिस्टम हमारा इक्वेशन आया था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके सो ये जो आपका अंडर डैम सिस्टम था आपका उसके इक्वेशन को मैं अगर फिर से यहां पर लिख लू तो क्या है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके सो so, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका जीटा है वो आपका ग्रेटर देन वन है ओवर डैम सिस्टम में तो ये जो जीटा स्क्वायर होगा वो भी आपका ग्रेटर देन होगा ओके okay? इसकी मीनिंग क्या है कि अंडर रूट के अंदर आपका पॉजिटिव टर्म ही जनरेट होगा इसकी मीनिंग ये है कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर डैम सिस्टम में अंडर रूट के अंदर आपका नेगेटिव टर्म जनरेट हो रहा था ओके बट यहां पर आपका

और जो माइनस प्लस है वो कंपेरिटिवली आपका नियर टू इमेजनरी एक्सिस होगा ओके सो कितना हो जाएगा आपका रूट आपका रूट हो जाएगा यहां पर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन और जो ये रूट है फर्स्ट वाला वो हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके okay? सो so, ये आपके दो रूट्स निकल कर आ जाएंगे फॉर ओवर सिस्टम ओके सो so, यहां पर हमारी ऑल फोर डैम्पिंग जो है उसका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है ओके okay? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अगर रिवाइज करूं तो अंड सिस्टम के लिए आपने क्या देखा कि दोनों के दोनों रूट्स आपके जो थे वो इमेजनरी एक्सिस पर थे ओके अंडर डैम के लिए आपने क्या देखा रूट्स आपके जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे क्रिटिकल डैम के लिए आपने देखा दोनों के दोनों रूट्स आपके रियल एक्सिस पर थे एंड दोनों के दोनों सेम पोजीशन पर थे मींस दोनों के दोनों रूट्स आपके इक्वल थे और लास्ट आपने ओवर डैम्पिंग के लिए क्या देखा दोनों के दोनों रूट्स आपके रियल थे बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर थे एक और पॉइंट है यहां पर जो आपका ओवर डैम्पिंग सिस्टम है उसमें आप ध्यान से देखिए यहां पर भी कोई जे का टर्म नहीं है दैट मीन्स यहां पर भी आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन प्रेजेंट नहीं है यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका डैम्पिंग का ही इफेक्ट है ओके लॉजिक क्लियर है आपको यहां तक नाउ अब अगर मैं इन सारे रूट्स को एक ग्राफ में शो करूं, so किस तरह के होंगे ये ग्राफ आप देखिए ध्यान से सपोज करिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर ओके दिस इज माई सिग्मा एंड दिस इज माई जे ओमेगा ओके अगर आप इस ग्राफ को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो अन डेम सिस्टम के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके वो होते हैं आपके ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन बट कहां पर होते हैं आपके इमेजनरी एक्सिस में रूट्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी आप पिछली स्लाइड्स को फॉलो कर सकते हैं जे ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन ओके नाउ जो आपके अंडर डैम सिस्टम के रूट्स थे उनकी वैल्यूज क्या थी रियल पार्ट भी प्रेजेंट था और इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट था रियल पार्ट क्या था आपका आप चेक कर लीजिए रियल पार्ट था आपका जीटा ओमेगा एन ओके एंड जो इमेजिन्री पार्ट था वो था आपका ओमेगा डी ओके नाउ यहां पर एक डाउट आपके सामने क्रिएट हो सकता है कि ओमेगा एन बड़ा होगा कि ओमेगा डी बड़ा होगा क्योंकि दोनों ही इमेजनरी एक्सिस के पॉइंट्स हैं आपके ओके सो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार अगर आप देखें यहां पर अंडर डेम सिस्टम के रूट्स को तो ये जो आपका ओमेगा डी का इक्वेशन है जो कि इमेजिन्री पार्ट है उसको अगर आप समझिए तो जीटा जो है आपका वो लेस देन क्या है वन है ओके okay, तो जीटा का स्क्वायर भी आपका लेस देन वन होगा बट होगा क्या जब आप वन माइनस समथिंग करेंगे माइनस जीटा का स्क्वायर करेंगे ओके okay, तो ये वैल्यू आपकी लेस देन हो जाएगी और इसका अंडर रूट भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन हो जाएगा ओके okay, तो जब ओमेगा एन लेस देन वन से मल्टीप्लाई होगा ओके okay, तो ओमेगा डी जो है वो ओमेगा एन से क्या हो जाएगी आपकी लेस हो जाएगी ओके okay, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ओके सो यहां पर इस ग्राफ में जो ओमेगा डी है वो पॉइंट आपका ओमेगा एन से नीचे आएगा ओके सो सिमेट्रिकल है तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा डी ओके सो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पोल की लोकेशन अंडर डैम सिस्टम के पोल्स की लोकेशन नाउ फिर से बात करते हैं हम क्रिटिकल डैम की क्रिटिकल डैम में पता है दोनों रूट्स क्या थे माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन दोनों रूट्स आपके रियल थे ओके सो so, यहां पर जब आपके दोनों रूट्स रियल हैं तो माइनस ओमेगा एन को आपको रियल एक्सिस पे पे शो करना होगा लेकिन रियल एक्सिस एक और पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन तो आपको यह समझना होगा कि माइनस ओमेगा एन की लोकेशन माइनस जीटा ओमेगा एन की लोकेशन के रेस्पेक्ट में कहां पर होगी ओके सो आप ध्यान से समझिएगा कि जो माइनस जीटा ओमेगा एन का जो टर्म है वो अंडर डैम्पिंग के लिए है और अंडर डैम्पिंग में जीटा क्या था आपका लेस देन वन था ओके जब जीटा आपका लेस देन वन था तो ये वैल्यू जो होगी सपोज करिए जीटा आपका करिएट था तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस जीरो माइनस ओमेगा, ओमेगा एन है ओमेगा है 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 उस पे क्या है आपका है, ओके सो ऑब्वियस सी बात है, जो ओमेगा एन है, उसकी लोकेशन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी ओके क्लियर है पॉइंट क्योंकि यहां पर कॉफिशियन क्या है वन है तो और नेगेटिव हो जाएगा यहां पर कॉफिशियन वन से लेस है तो ये लेस नेगेटिव होगा ओके तो ये आपकी शो हो गई पोजीशन ऑफ क्रिटिकल डैम सिस्टम के रूट्स की ओके नाउ लास्ट लोकेशन आपको शो करनी है अब सिस्टम ओके okay? के लिए आपको पता है एक रूट तो आपका इमेजनरी एक्सिस के बिल्कुल पास में था ओके okay? उसकी वैल्यू क्या थी आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू थी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन तो उसे आप शो कर लीजिए माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस ओके और जो आपके एक रूट की लोकेशन थी वो बिल्कुल लास्ट में थी आपके ओके तो वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस जीटा ओमेगा एन ओके माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके आप यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो बाकी रियल एक्सिस की जो पोजिशन है उनके रेस्पेक्ट में ये रूट यहीं पर क्यों आए आपको सिंपली क्या करना है आपको सिंपली जीटा की वैल्यू पुट कर देनी है ग्रेटर देन वन सपोज करिए जब आप इस पोजीशन पे जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये सपोज करिए आप जीटा करिएगा तो कर तो ओमेगा एन ठीक है ना तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और जज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो सबसे नेगेटिव में सबसे लेस होगी ठीक है ना मतलब सबसे पास होगी आपकी बैनरी एक्सिस के ओके और सेम यहां पर आप कंपेयर कर लीजिए दोनों ही आपके नेगेटिव नेगेटिव हैं फिर से आप जीटा की वैल्यू टू लेके कंपेयर कर लीजिए तो आपको आपको माइनस माइनस ओमेगा एन और जीटा ओमेगा एंड जीटा के रेस्पेक्ट में आपको इस रूट की पोजिशन समझ में आ जाएगी अपने आप से ओके सो so, बेसिकली मैंने इस ग्राफ में एक एक वैल्यू आपको कंपेयर क्यों करवाई मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप गेट और आई का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो अपने आप से ना वैल्यूज का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें कि, कि किसकी पोजिशन कहां हो सकती है तो आपसे खुद ब खुद चीजें बनने लगेंगी ओके okay? आपको कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी लोकेशन कहां पर है आप सिंपली जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए आपको पता है ओवर डैम के लिए आपको जीटा ग्रेटर देन वन होगा तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जीटा की वैल्यू आप टू ले लीजिए आपको पता है अंडर डैम के लिए जीटा की वैल्यू क्या होगी लेस देन वन होगी तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जीटा की वैल्यू आप जीरो ले लीजिए इस तरह से हमें डील करना आना चाहिए ओके नाउ ये अब जो हमारा ग्राफ क्रिएट हुआ है यहां पर जहां मैंने चारों के चारों सिस्टम को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो क्या है आप ध्यान से देखिए अगर मैं जीटा की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करूं ओके और अगर मैं वन तक जाऊं तो आपका कुछ ऐसी लोकेशन बनकर रेडी हो जाएगी आप देख सकते हैं ओके जीरो से स्टार्ट हुआ और आपका वन तक गया जिस तरह से पॉजिटिव साइड क्रिएट होगा सेम आपका नेगेटिव साइड भी क्या हो जाएगा यहां पर क्रिएट हो जाएगा ओके okay. सो so, यहां पर आप नेगेटिव साइड भी क्रिएट कर दीजिए ये आपका नेगेटिव साइड क्रिएट हो गया जीरो टू वन जीरो टू वन आपको पता है वन क्या है ये लोकेशन है ना माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन क्रिटिकल डैम की लोकेशन है आपकी जीटा इक्वल टू वन पर ओके okay. नाउ यहां पर हमें एक और पॉइंट समझने की कोशिश करनी है कि ये जो आप देखिए जो आपको कॉम्प्लेक्स रूट दिखाई दे रहा है ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों सेम है आप किसी भी रूट को चूज कर सकते हैं अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स रूट को ओरिजिन से एक लाइन के थ्रू मिला दू, तो ये आपकी लाइन हो गई ओके ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट ओरिजिन से मिल गया ओके अब अगर मैं रियल एक्सिस से एक एंगल बनाऊ फाइव ओके क्लियर है पॉइंट तो ये फाइव की वैल्यू क्या होगी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं पर अगर हमें फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें एक ट्राइंगल कंप्लीट करना होगा राइट एंगल ट्राइंगल सो so, ऑब्वियस बात है मैं ये लाइन को भी मिला देता हूं यहां पर तो so, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया है ओके okay? सो so, आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो कॉस फाइव होता है वो क्या होता है बेस ओके okay? अपॉन हाइपोपोटेनियस ओके okay? सो so, बेस की वैल्यू क्या है जीरो माइनस और माइनस जीटा ओमेगा ये है ना आपका बेस देखिए This is your base. तो difference क्या है आपका डिफरेंस है लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्यों आपको है, पाइथाग्योरस थोरम से कि जो हाइपोपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओके सो so, हमें बेस पता है यहां पर बेस क्या है जीटा ओमेगा एन ओके सो so, हाइपोबोटेनियस हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट बेस का स्क्वायर दैट इज जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप देखिए परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है यहां से आप देख सकते हैं ओमेगा डी ओके दिख रहा है आपको इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा डी तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा डी का स्क्वायर ओके अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लू कॉस फाइव की वैल्यू को तो जो कॉस फाइव की वैल्यू निकल कर आएगी जीटा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर ओमेगा डी हमने अभी अभी देखा है ओमेगा डी होता है आपका ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर तो ओमेगा डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर तो ये जो टर्म है आपके फर्स्ट एंड थर्ड वो कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट ओमेगा एन का स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा एन एन का स्क्वायर क्या क्या हो 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 जाएगा 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 ओमेगा तो आपका आंसर जीटा ओके और आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो फाइव की वैल्यू है दैट इज कॉस इनवर्स जीटा ओके सो यहां पर फाइव की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है

तो वो लाइन जो रियल एक्सिस से एंगल बनाती है उसे हमने फाइव बोला है यहां पर और फाइव की वैल्यू आप बेस अपॉन हाइपरपोटेनियस करके कॉस फाइव कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है और कॉस फाइव की जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद यहां पर आई है वो आई है जीटा ठीक है और जीटा हमारे लिए कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है अभी हम जितने भी पैरामीटर पढ़ेंगे आगे जाकर आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे सारे के सारे पैरामीटर्स आपके जीटा पर डिपेंड करते हैं अगर हमें जीटा पता है तो हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सो so, जीटा निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल टेक्निक है ये जिसे हमें ध्यान रखना है ओके लॉजिक क्लियर है सबको तो यहां पर आपका ये होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ओवरऑल डैम्पिंग का एनालिसिस ओके अब हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का एनालिसिस करना है जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किया था इंपल्स इनपुट स्टेप इनपुट ओके सो इस तरह से हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी करना है ओके ओके कोई कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से जरूर पोस्ट कर सकते हैं ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड विद द विदेंड ऑर्डर सिस्टम एंड इन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम लाइक अंडर डैम सिस्टम क्रिटिकल डैम सिस्टम

स जो आपका आर एस होगा वो क्या होगा आपका वन होगा ये सेम चीजें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओके okay? नाउ हमें पता है स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके नाउ दिस इज इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सो से क्योंकि जो आपका आर एस है वो क्या हो जाएगा यहां पर वन हो जाएगा ओके okay. नाउ हमारा टारगेट क्या है यहां पर हमारा टारगेट फिर से वही है जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में था कि हमें अब इस CS का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कैलकुलेट करना है, 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 जिससे हम CT कर ओके? ओके? सो पर अगर आप ध्यान से इसे, जो ये डिनोमिनेटर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर जीटा ओमेगा ओमेगा तो हम इसका कैसे करेंगे, या हम इसका कैसे करेंगे? यह एक है, okay? तो यहां पर अगर हम कोशिश करें तो हम देख सकते हैं यहां पर स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो क्या हम इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए ओके सो अगर मैं इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकते हैं आप देखिए का स्क्वायर है ओके तो यहां पर अगर हम इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके लिए टू ए बी का तो यहां पर आप देखिए जो टू ए बी का टर्म है वो ये रहा आपका तो यहां पर एस का स्क्वायर तो प्रेजेंट है तो अगर आप देखिए यहां पर एस टू तो पर इसका मतलब ये क्या होगा अगर मैं S को A मान रहा हूं तो ये जीटा ओमेगा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तो हमें किस में कन्वर्ट करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तो ये क्या कर सकता हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर ओके तो इससे क्या क्या टर्म जनरेट हो गया आपके एक टर्म जनरेट हो गया ए स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर ओके एक और क्या होता है टू ए बी मतलब टू इंटू एस इंटू जीटा ओमेगा एन यस yes, ये टर्म भी जनरेट हो गया बट यहां पर एक और टर्म जनरेट हो जाएगा जो कि क्या है आपका बी स्क्वायर है जबकि यहां पर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है आपका जो कि आपका बी स्क्वायर हो जनरेट होने वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन करना पड़ेगा ठीक है ना तभी आपके ये जो दो टर्म है स्टार्टिंग के वो जनरेट हो जाएंगे ठीक है ना क्योंकि जीटा स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा आपका एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा था बट यहां पर एक और टर्म बचा भी हुआ है अभी उसको भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके सो इस तरह की अप्रोच हम क्या कर सकते हैं ये हमें आगे सॉल्व करने पर ही समझ में आएगा ठीक है ना आपको एक बात हमेशा याद रखनी है जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं अप्रोच इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपको ट्राई करके देखना होगा तो एक ट्राई हम करके देख रहे हैं यहां पर क्या पता है इससे सॉल्व हो जाए ओके नाउ अब अगर मैं इसे और सॉल्व करूं फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस आप देखिए यहां पर ये जो आपका टर्म है जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर अगर आप इस टर्म से ओमेगा एन का स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये आपका रह जाएगा वन माइनस जीटा का स्क्वायर अब आपको याद करना होगा क्या आपने ये टर्म कभी पहले कहीं देखा है ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू वन माइनस जीटा का स्क्वायर अगर आप याद करें या आपने अगर प्रीवियस वीडियो पढ़ी हुई है मेरी तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि आपने एक टर्म पढ़ा था ओमेगा डी ओमेगा डी क्या था आपका ओमेगा डी था आपका ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीशन तो ये जो पूरा टर्म है ये कुछ भी नहीं बल्कि ये आपका ओमेगा डी का स्क्वायर ही है ओके सो इट इज ओमेगा डी का स्क्वायर नाउ अब अगर आप इस कंप्लीट फंक्शन को देखें यहां पर तो यहां पर आपको पता है ओमेगा एन का स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट है ओके okay? इसके लिए आपको वरी नहीं करना तो अगर आप देखें वन अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर

ए का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके तो क्या ये इसी फॉर्मेट में है तो आप अगर डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए तो एस का स्क्वायर नहीं है यहां पर एस प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है तो एस की जगह एस प्लस समथिंग कैसे आएगा हमें पता है कि जब भी हम e की पावर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन को तो आपका एस की जगह एस प्लस समथिंग हो जाता है ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पर ये हो जाएगा एज इट इज और एस की जगह आपको क्या पुट करना है एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ओके मीन्स आपने यहां पर ई e की पावर माइनस बी टी से मल्टीप्लाई किया था अपने फंक्शन को टाइम वाले फंक्शन को तो आपको क्या करना है एस वाले फंक्शन में जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां एस प्लस बी कर देना है ओके

तो डिनोमिनेटर में ओमेगा डी का स्क्वायर है जबकि न्यूमरेटर में ओमेगा एन का स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले न्यूमरेटर में ओमेगा डी का टर्म लेके आना पड़ेगा ओके सो so अगेन अगर मैं वन इक्वेशन को वापस कंसिडर करूं तो इक्वेशन नंबर वन जो आपका सी है वो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी इंटू ओमेगा डी डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर

और जो बाकी का टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर तो आपका अब क्या हो जाएगा यहां पर सी टी हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी ओके इसके बाद क्या हो जाएगा ई e की पावर माइनस बी टी मीन ई e की पावर जीटा ओमेगा एन इन टू टी साइन ए टी साइन ओमेगा ओके, okay? so, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा सी टी का इम्पल्स रिस्पॉन्स का इक्वेशन आ जाएगा आपका ओके okay? अगर हम चाहें तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी ओमेगा डी क्या होता है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर तो ओमेगा एन ओमेगा एन ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा एक एक तो क्या बच जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी sin ओमेगा dt ut ओके सो दिस इज योर कंप्लीट इंपल्स रिस्पांस फॉर द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके नाउ हमने जैसा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किया था हम सबसे पहले इस इंपल्स रिस्पांस का डायग्राम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आप देखिए यहां पर अगर आप डायग्राम ड्रा करें इस इंपल्स रिस्पांस का तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है ये कॉम्बिनेशन है आपका एक्सपोनेंशियल एंड साइन टर्म का काट को आप अवॉइड कर दीजिए एक्सपोनेंशियल एंड साइन टर्म का जो कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल कौन सा एक्सपोनेंशियल है आपका डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है ओके सो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मींस क्या होता है आपका डिक्रीज करेगा आपका इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका साइनोसोडल वेव फॉर्म है वो आपकी डिक्रीजिंग होगी दैट्स इट और कुछ भी नहीं है ये जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है उसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है साइनोसोडर वेब का वो लगातार आपका decrease होता चला जाएगा ओके? तो इस तरह पर, इस तरह तरह से से आपकी होगी पर आप देखिए ये ये क्या होते जाएगी आपकी decrease होते चले जाएगी ओके ऊपर साइड भी और आपकी नीचे साइड भी एक्सपोनेंशियली आपकी डिक्रीज होते चले जाएगी ओके सो so ये होता है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स का डायग्राम फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अब हमने लास्ट वीडियो में जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जब हमने इंपल्स की की स्टडी थी वो ये कि जब इंपल्स रिस्पॉन्स आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो अब्सल्यूटी इंटीग्रेबल है कि नहीं का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या आपका इंपल्स रिस्पॉन्स टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो है है कि नहीं अगर जीरो है तो इंटीग्रेबल होगा मतलब सिस्टम आपका स्टेबल होगा अदरवाइज नहीं होगा स्टेबल ओके okay? तो हम चेक कर लेते हैं यहां पर आप वायर डायग्राम देख सकते हैं आप देखिए नेगेटिव साइड में तो पूरा वैल्यू क्या है जीरो है तो माइनस इनफिनिटी पे तो आपका जीरो ही होगा अगर आप पॉजिटिव साइड में देखिए तो अगेन ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो फिर से क्या होगा ये प्लस पे भी जीरो ही होगा आप चाहें, तो आप चाहे तो वाया इक्वेशन भी देख सकते हैं आप देखिए यूटी से मल्टीप्लाइड है तो नेगेटिव साइड तो जीरो ही होगा और ई की पावर माइनस का टर्म है ई की पावर जब आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारा जीरो होता है ओके सो so अगेन आपका पॉजिटिव साइड भी क्या होगा जीरो होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा ओके okay? सो so इस तरह से इंपल्स रिस्पॉन्स का आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ओके नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टेप रिस्पॉन्स ओके स्टेप रिस्पॉन्स की मीनिंग क्या होगी आपकी कि आपका जो इनपुट होगा वो क्या होगा आपका स्टेप होगा That means, जो RS होगा वो क्या होगा आपका 1 by S होगा okay? so basically, अब आपको RS is equal to 1 by S put करना है अपने transfer function के में ओके सो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका स्टैंडर्ड स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके सो ये जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है सी एस अपॉन आर एस ओके तो अगर मैं आर एस की वैल्यू यहां पर वन बाई एस पुट कर दू तो यहां पर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट आपका हो जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके सो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्रिएट हो गया अब हमारे पास फिर से वही चैलेंज है हमारे पास चैलेंज है कि हमें इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है पहले हम ये चेक कर ले क्या यहां फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक टर्म एस है और एक टर्म आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको यहां पर पार्शल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ओके सो so, सबसे पहले हम पार्शल फ्रैक्शन करने की तरफ सोचते हैं ओके तो so, यहां पर अगर हम पार्शल फ्रैक्शन करने के लिए जाए तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं सी एस इज इक्वल टू आप देखिए एक टर्म क्या है एस तो आप लिखेंगे ए बाई एस ओके okay? और अगला टर्म जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या लिख सकते हैं बी एस प्लस सी अपॉर्ड एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके okay? तो यहां पर आप जब ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बोथ साइड कंपेयर करके तो आपका पार्सल फ्रैक्शन हो जाएगा ओके okay? नाउ फिर से पार्सल फ्रैक्शन में आपको होमवर्क दे रहा हूं आपको कैलकुलेट करनी है एबीसी की वैल्यू और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ओके okay? मैं अभी आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं फ्रैक्शन का क्योंकि हमारे लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है ओके सो वन बाई एस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके नाउ अब अगर मैं

माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर ओके okay? अभी अभी हमने ये काम किया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर ओके okay? नाउ अब आप देखिए आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें जब हमने इंपल्स रिस्पॉन्स सॉल्व किया था तब आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी लेकिन यहां पर आपका एस की वैल्यू है तो क्या हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है यस yes, हमें फॉर्मूला पता है जब कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला होता है साइन का जब एस का टर्म होता है तो फॉर्मूला होता है आपका कॉस का तो मैं यहां पर कॉस का फॉर्मूला भी आपके लिए लिख देता हूं तो जो कॉस ए टी यू टी और अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दू यहां पर ई e की पावर माइनस बी टी से तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका वो हो जाता है आपका एस प्लस बी एस की जगह एस प्लस बी

वो है वन बाई एस माइनस अगर आप इस कॉस के फॉर्मुले से कंपेयर करें तो कॉस के फॉर्मुले में ऊपर टर्म होना चाहिए एस प्लस बी लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है यहां पर आपका है एस प्लस टू बी क्योंकि नीचे आपका एस प्लस जीटा ओमेगा स्क्वायर है ना मतलब नीचे क्या है एस प्लस बी का स्क्वायर अब स्क्वायर वाले टर्म को तो आप चेंज करना चाहोगे नहीं तो आप न्यूमरेटर को ही चेंज करना चाहोगे तो आप यहां पर क्या लिखोगे एस प्लस जीटा ओमेगा न? प्लस जीटा ओमेगा एन तो इससे क्या क्रिएट हो जाएगा एस प्लस बी का टर्म क्रिएट हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे प्लस 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 जीटा जीटा ओमेगा 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 का का होल स्क्वायर स्क्वायर ओके माइनस क्या हो जाएगा जीटा ओमेगा एन अगेन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर ओके सो so, यहां पर भी आपका था माइनस जीटा ओमेगा एन और यहां पर भी क्या था माइनस जीटा ओमेगा एन तो फिर से किस पे चेंज हो जाएगा वो टू जीटा ओमेगा एन में ओके नाउ अगर आप सेकेंड टर्म को देखिए यहां पर तो सेकेंड टर्म एग्जैक्टली वही है जो आपने यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मुला लिखा है लेकिन अगर आप थर्ड टर्म को देखिए तो थर्ड टर्म आपका वही है जो आपने अभी अभी से दो तीन स्लाइड पहले जो आपने साइन का फॉर्मुला लिखा था ओके बट साइन के फॉर्मले में फिर से एक पॉइंट था कि जो आपका नीचे ए स्क्वायर है जो कि यहां पर ओमेगा डी का स्क्वायर है ओमेगा डी आपका ऊपर भी प्रेजेंट होना चाहिए था नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ ओमेगा डी से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा ओके सो so जो आपका फुल एंड फाइनल यहां पर हम लिख सकते हैं सी एस की वैल्यू वो क्या हो जाएगी वन बाई एस माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर माइनस अब आप क्या कर सकते हैं जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी ओमेगा डी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इसको आउटसाइड कर दीजिए और आपका क्या बच जाएगा अंदर ओमेगा डी एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर ओके सो ये आपके सारे टर्म्स यहां पर बचेंगे ओके Now, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा अब अगर मैं सारे के सारे टर्म्स का इनवर्स लाप्लास ले लू यहां से तो आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा बाई का इनवर्स क्या होता है टी ये तो बहुत ईजी था हमारे लिए अगला टर्म आप देखिए क्या है आपका एस प्लस बी देख लीजिए एस प्लस बी देन एस प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इसका मतलब ए क्या है आपका ओमेगा डी है बी क्या है आपका जीटा ओमेगा एन है सिंपली आपको ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मुले में पुट कर दी है तो क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट है वो तो आप आउटसाइड लिख देंगे और जो साइन का फॉर्मुला अभी अभी हमने दो से तीन स्लाइड पहले देखा है तो कितना हो जाएगा आपका ये ये हो जाएगा माइनस ओके okay, आउटसाइड क्या है आपका जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका यहां पर ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी यू टी ओके okay? ये आपका आ जाएगा कॉस एंड साइन के फॉर्म में आपका सी टी का इक्वेशन नाउ अब अगर मैं सीटी को फिर से अरेंज करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूटी आप यहां से कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी यू टी यूटी आप कॉमन ले चुके हैं तो आप चाहें तो यूटी को यहां से हटा दीजिए तो हम यूटी को यहां से हटा देते हैं ओके तो आगे जो आपके टर्म्स हैं वो अब क्या रह जाएंगे आपके माइनस जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर E की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा ओके कॉमन है आपका आपका तो ये इक्वेशन रेडी हो गया क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं यस तो हम क्या करते हैं अब यहां से ये जो आपका ब्रैकेट है हम लास्ट में यहां पर यूटी लिख देते हैं और जो आपका ब्रैकेट है अंदर वाला उसे हम देखें यहां पर वन माइनस अगर हम एक और ब्रैकेट ले लें ले यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां से आपका e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंटी भी कॉमन आ जाएगा ओके और आप माइनस साइन को भी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉस ओमेगा dt ओके प्लस जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा dt ओके रैकेट क्लोज कर दीजिए और बाहर क्या लिख दीजिए e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंटी ओके सो हमने क्या किया बेसिकली पहले हमने ओवरऑल से ut कॉमन लिया फिर हमने कॉस और साइन वाले टर्म से ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंटी कॉमन लिया और एक अपना माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो तो अंदर दोनों आपके क्या हो हो गए गए पॉजिटिव ओके अब आप आप इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से तो देखिए जो बड़ा ब्रैकेट है उसके साथ कॉमन क्या था आपका यूटी तो आप लिख दीजिए जो अंदर वाले ब्रैकेट है उनको आप ध्यान से देखिएगा पहले तो आप वन लिख दीजिए ओके उसके बाद आपको पता है ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एंटी आपका कॉमन है ओके नाउ क्या हम और कुछ कॉमन ले सकते हैं यस yes. अगर मैं यहां से अंडरवुड वन माइनस जीटा स्क्वायर जो वन अपॉन में है अगर कॉमन ले लू ओके okay, तो क्या हो जाएगा आपका आप देखिए अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर अब अगर मैं ब्रैकेट यहां पर लिखू तो ब्रैकेट किस तरह से हो जाएगा आप देखिए कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडरवुड वन माइनस जीटा स्क्वायर को क्योंकि आपने कॉमन लिया है वन अपॉन अंडरवुड वन माइनस जीटा स्क्वायर ओके okay, तो क्या हो जाएगा क्या बच गया जीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी ओके और कॉस में जो था वो आपका वन अपॉन अंडरवुड वन माइनस जीटा स्क्वायर का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं था ठीक है ना तो आपने क्या कर लिया यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया ओके okay? अगर आप फिर से इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देखिए वन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर ई e की पावर माइनस जीटा उमेगा एन टी नाउ आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर एंड जीटा जीटा क्या होता है आपका जीटा आपने डिराइव किया था ग्राफ के थ्रू जीटा होता है आपका कॉस फाइव तो रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर That means, under root one minus cos square phi. क्या हो 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 जाएगा आपका? Sin phi हो जाएगा जाएगा ये क्या क्या आपका तो आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा डी टी ओके तो आपका क्या हो जाएगा ये बाहर आपका क्या आ जाएगा यूटी ओके सो अगर आप ध्यान से देखिए अपने सी टी के इक्वेशन को So, क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर ओके okay, ये क्या हो गया आपका आप देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का टर्म आ गया हमें पता है ये क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव हो जाएगा आपका ओके okay, फिर से आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए बाहर क्या जाएगा आ जाएगा आपका यूटी आ जाएगा ओके okay, तो ये आपका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है आपका सी का दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्टेप रिस्पॉन्स सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है आपका? है आपका आपका कॉस जीटा जो आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की ओके okay? नाउ अगर अब मैं इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूं हमने जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने स्टेप रिस्पॉन्स के लिए स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट किया था अगर मैं यहां पर भी स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो हमें पता है पहले हमें एरर कैलकुलेट करनी होगी तो जो एरर होती है आपकी वो क्या होती है इनपुट माइनस जो आपने अचीव किया है इनपुट क्या था आपका टारगेट और सीटी क्या है जो आपने अचीव किया है तो इनपुट क्या था आपका स्टेप इनपुट था यूटी माइनस अगर आप सीटी को लिखें यहां पर तो सीटी का इक्वेशन आप यहां से पूरा लिख सकते हैं ओके okay. कितना हो जाएगा वन माइनस माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर ओके अंदर क्या है आपका साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव तो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव ओके ब्रैकेट क्लोज एंड एट लास्ट इट इज यू टी ओके सो अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो जो आपका यूटी और यूटी है कैंसिल हो जाएगा वन इंटू यू टी क्या होगा आपका यूटी हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो आपका एरर क्या बचेगी e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी वन माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटू यूटी ओके वैसे भी आप जानते हैं टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूटी की वैल्यू क्या होनी है आपकी वन ही होनी है ओके okay? नाउ अगर आप अब ध्यान से देखिए स्टडी स्टेट एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस एरर की इक्वेशन में आपको टी टू पुट करना पड़ेगा अगर आप बहुत इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ई e के टर्म को देखिए जब भी आपको ई e की पावर माइनस का टर्म दिखाई दे दैट मींस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका जीरो होगा आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ओके ये देखिए ई e की पावर माइनस इन्फिनिटी इट विल बी जीरो तो अगर आप यहां पर फिर से देखें जो आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखा था

सो so, ये हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके okay? अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में हमने इंपल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन किए हैं इन डायरेवेशन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट फ्यू वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओके

ठीक है जब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उससे टाइम कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या अगर हमें कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है या कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम टाइम कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है है ये पॉइंट अब हमें इस वीडियो में आज सीखना ओके सो so, मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दोनों को यहां कंबाइन करके चलूंगा मैं कोई भी इक्वेशन क्रिएट करूंगा बस मेरा एम क्या है कि हमें यह समझ में आ जाए कि टाइम कॉन्स्टेंट हमें कैलकुलेट कैसे करना है मैथामेटिकली यहां मैं आपको थ्योरिकल डेफिनेशन नहीं दूंगा दोबारा से ओके नाउ सपोज करिए आपको YT का इक्वेशन दिया हुआ है YT A, e की पावर माइनस बी टी यू टी ओके तो यहां से आप टाइम कॉन्स्टेंट कैसे पता लगाएंगे कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या है सिस्टम का आपको आउटपुट का इक्वेशन दिया हुआ है ओके सो so, आपको करना क्या है आपको जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर उस इक्वेशन में e की पावर माइनस का टर्म प्रेजेंट है ओके okay, तो e की पावर माइनस के टर्म को आप वन बना दीजिए टाइम की जिस वैल्यू के लिए e की पावर माइनस का टर्म वन हो जाएगा दैट इज e की पावर माइनस वन क्रिएट हो जाएगा वही टाइम आपका टाइम कॉन्स्टेंट होगा ओके okay? सो so अगर मैं यहां पर t की वैल्यू वन बाई बी पुट कर दू तो यहां पर ई e की पावर माइनस वन क्रिएट हो जाएगा यही जो वन बाई बी है वही है आपका टाइम कॉन्स्टेंट ओके सो मैथमेटिकली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कॉन्स्टेंट ओके सपोज करिए आपको गिवन होता वाई टी इज इक्वल टू ए वन माइनस ई की पावर माइनस बी टी यू टी इस इक्वेशन में भी आप सोचेंगे आपको एक कॉन्स्टेंट भी दिया हुआ है वन बट आपको उसे नहीं देखना है आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इक्वेशन में ई e की पावर माइनस का कोई टर्म है यस yes, है तो फिर से आपका टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन बी हो जाएगा ओके। okay? so, इस तरह से जब भी कोई टाइम डोमेन इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप जस्ट ई e की पावर माइनस वन क्रिएट कर दीजिए ओके okay? अब सपोज करिए मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन का यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लू तो क्या हो जाएगा वाई एस इज इक्वल टू

तो आप पहले पोल इंडिकेट कर दीजिए माइनस बी ओके सो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या ठीक है? है, है? है. है, है मतलब उसका वन अपॉन लेना है तो नेगेटिव पोल यहां पर क्या है।, है ना? नेगेटिव साइन को आपको एलिमिनेट कर देना है तो क्या हो जाएगा टाउ आपका वन अपॉन बी हो जाएगा ओके सो इससे क्या फायदा हुआ हमें अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है तो भी हम डायरेक्टली यहां पर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हमें इनवर्स लाप्लास देने की जरूरत नहीं है वो हमारा टाइम यहां पर सेव हो गया तो मैंने आपको टाइम डोमेन इक्वेशन दिया है तब भी टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है ये बता दिया और अगर आपको लाप्लास इक्वेशन दिया हुआ है तब भी आपको टाइम कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको ये भी सिखा दिया है ओके अब यहां पर ध्यान से देखिएगा जैसे सपोज करिए आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा यहां पर अगर एक से ज्यादा पोल होते तब क्या होता जैसे देखिए अगर यहां पर एक से ज्यादा पोल होते सपोज एंड ओके आपका इक्वेशन क्या होता डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता एस प्लस टू एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स तब आप कैसे कंसिडर करेंगे टाइम कॉन्स्टेंट तो उसका भी तरीका है आपको ध्यान रखना है जब एक से ज्यादा पोल हो तो पोल नियरेस्ट टू द

अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहां पर दिखा सकूं तो देखिए अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स दिए हुए तो ये सपोज करिए रियल पार्ट है इसका -3, और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो है आपका टू ओके टू एंड माइनस टू एक्चुअल में क्या होगा टू जे एंड माइनस टू जे ओके सिग्मा और दिस इज जे ओमेगा एक्सिस तो यहां पर आप देखिए मैंने आपको बार बार बोला हुआ है रियल पार्ट आपको लेना है तो रियल पार्ट इसका क्या है माइनस थ्री है तो सबसे पहले आप माइनस साइन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा थ्री बचेगा फिर आपको लेना है वन अपॉन थ्री यही आपका हो जाएगा टाइम कॉन्स्टेंट तो बहुत ही सिंपल तरीका है टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने का मैथामेटिकली ओके okay. अब अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को कंसिडर करूं ठीक है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट किया था अंडर डैम की पोल्स की लोकेशन Over की पोल्स की लोकेशन, की पोल्स की लोकेशन, critical की, की के ठीक है? अब अगर मैं चारों पोल्स की लोकेशन पता है तो मैं क्या उनके टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या यस yes, हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमें पोल्स की लोकेशन पता हो तो हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव

एक्सिस तो हमें पता है अभी, अभी हमने पढ़ा है जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, pole, okay? so, यहां पर आपका है ही नहीं जीरो है, नहीं है, मतलब क्या है जीरो है तो टाइम कॉन्स्टेंट यहां पर कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन जीरो और वन अपॉइन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी तो अंडेम सिस्टम के लिए जो आपका टाइम कॉन्स्टेंट है वो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी ओके नाउ जो सेकेंड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अंडर डैम्प्ड, ओके तो अंडर डैम सिस्टम के लिए अगर मैं टाइम कॉस्टेड यहां कंसीडर करूं तो हमें पोल्स की लोकेशन पता है कॉम्प्लेक्स पोल होते थे ओके सिग्मा एंड जे ओमेगा एक्सिस तो रियल पार्ट क्या होता था आपका माइनस जीटा ओमेगा एन ओके एंड इमेजनरी पार्ट क्या होता था आपका ओमेगा डी एंड बिलो में होता था माइनस ओमेगा डी ओके तो वैसे तो हमें इमेजनरी पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है तो जो टाइम कॉन्स्टेंट है आपका वो क्या हो जाएगा आप रियल पार्ट से सबसे पहले नेगेटिव साइन एलिमिनेट करिए और फिर क्या करना है आपको वन अपॉन जीटा ओमेगा एन तो दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर अंडर डैम सिस्टम ओके नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्रिटिकल डैम सिस्टम तो क्रिटिकल डैम में हम लोगों ने देखा था जीटा हम वन कंसीडर किए थे ओके okay. और क्रिटिकल डैम में जो आपकी पोल्स की लोकेशन आई थी वो दोनों आपके रियल पोल्स आए थे और एक ही लोकेशन पे आए थे माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमें पता है रियल पार्ट से सबसे पहले हमें नेगेटिव साइन एलिमिनेट करना है और उसका रेसी लेना है तो सिंपल है आंसर वन अपॉन ओमेगा एन ओके नाउ फोर्थ केस जो था 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 आपका वो क्या सिस्टम के लिए हमें पता था जीटा थे ठीक है अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो करेंगे तो उनके आप इक्वेशंस भी देख सकते हैं मैं आपको दोबारा से लिख के दे रहा हूं दोनों पोल्स की वैल्यू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ये थी आपकी पोल्स की लोकेशन ओके तो हमने यहां पर क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है अगर दो पोल गिवन हो तो आपको नियरेस्ट टू द जे ओमेगा एक्सिस वाला पोल आपको कंसीडर करना है ओके ये रहा आपका रियल एक्सिस और ये रहा जे ओमेगा एक्सिस तो जे ओमेगा एक्सिस के नियर पोल कौन सा है ये वाला आपने नेगेटिव साइन को एलिमिनेट किया था एलिमिनेट करने का मतलब क्या है आप माइनस साइन को पहले कॉमन लीजिए और हटा दीजिए तो यहां पर भी आपको माइनस साइन को कॉमन लेना होगा रियल पार्ट में से और हटा देना होगा क्योंकि यहां पर दो टर्म है ना इससे आपको ध्यान रखना होगा तो कितना हो जाएगा जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन सो दिस इज योर टाइम वैल्यू ओके, नाउ so, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ये जो चारों सिस्टम के हमने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किए हैं इनमें से कौन सा टाइम कांस्टेंट सबसे बड़ा होगा कौन सा सबसे छोटा होगा और अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलू तो इन टाइम कॉन्स्टेंट का ऑर्डर क्या होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके सो हम लोग एक टॉपिक पढ़ सकते हैं अब ऑर्डर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट ओके सो यहां पर मैं जज करूं तो हमें पता है जो हमने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट किया है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए वो किया है हम लोगों ने अन्डम सिस्टम के लिए एंड फॉर अन्डेम सिस्टम हम लोगों ने देखा है टाउ इक्वल टू इंफ्रिटी है तो इसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी फॉर सिस्टम तो ऑफ अनडैम ओके ये आपकी सबसे ग्रेटर होगी ये आप लिख सकते हैं बड़े आराम से नाउ जो बाकी तीन वैल्यूज हैं अब आपकी एक है क्रिटिकल डैम के लिए एक है आपका अंडर के लिए और एक है ओवर के लिए इन तीनों को अगर हम चेक करें यहां पर तो देखिए आप जो अंडर डैम्ड है उसके लिए वैल्यू है अपॉन जीटा ओमेगा नाउ जो आपका क्रिटिकल डैम्प है उसके लिए वैल्यू है अपॉन ओमेगा एंड जो आपका ओवर डैम्प है है उसके लिए वैल्यू आपकी वन अपॉन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन आप देखिए ये जो अंडर डैम्ड है क्रिटिकल डैम्ड है या ओवर डैम्ड है ये तीनों अलग अलग क्यों है किस वजह से तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जीटा डिफ्रेंट डिफ्रेंट है तीनों के लिए बट का कोई रोल नहीं है इसमें तो हम क्या करते हैं तीनों को कंपैरिजन करने के लिए n एन को कोई कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके हम कंपेयर कर लेते हैं तो अगर मैं ओमेगा एन को वन अज्यूम कर लू तीनों के तीनों केस पे ठीक है तो अब से हम ओमेगा एन को वन ले लेंगे तो हमें उसका एनालिसिस नहीं करना तो आप देखिए यहां पर जो आपका अंडर डैम्ड है उसमें जीटा क्या होता है? होता है, तो सपोज करिए फॉर मैं यहां पर जीटा की वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं जीरो पॉइंट फाइव okay? ओके ओमेगा एन तो आपका हमेशा वन रहेगा तीनों के लिए तो टाव की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी टू हो जाएगी ओके okay? ये एनालिसिस हमें मिल गया इस तरह से हमें कॉम्पिटेटिव एनालिसिस करना आना चाहिए हम चीजों को रट नहीं सकते चीजों को याद नहीं रख सकते हमें एनालिसिस के थ्रू ही आंसर कैलकुलेट करने होंगे एग्जाम में भी क्योंकि कोई एंड कोई एंड एंड नहीं नहीं है है टॉपिक्स का का आप जितना भी याद कर लीजिए कोई ना कोई नया कंसेप्ट आ जाएगा तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए ना सेकेंड आप देखिए जो आपका क्रिटिकल डैम्प है आपने ओमेगा को क्या लिया हुआ है वन लिया है तीनों के लिए तो टाव की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो ये तो आप क्लियरली बोल सकते हैं अब कि जो अंडर डैम का जो टाउ होगा वो क्रिटिकल डैम से तो ग्रेटर होगा ये आपका एक कंक्लूजन निकल आया। आयान वन तो सिंपल तो सिटी तो आप क्या कर लीजिए जीटा को आप टू अज्यूम कर लीजिए ओमेगा इनको आपने क्या किया हुआ है वन अज्यूम किया है तीनों केसेस के लिए तो टाउ क्या हो जाएगा देखिए आप वन अपॉन टू माइनस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री हो जाएगा ओके okay. तो अंडर रूट थ्री क्या होता है आपका वन पॉइंट सेवन थ्री टू ओके क्लियर पॉइंट तो टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है अप्रोक्स आपका अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं पॉइंट टू सेवन के आसपास आंसर आएगा ओके okay. तो जो वन अपॉन पॉइंट टू सेवन है वो अप्रोक्सीमेटली आपका फोर के आसपास आंसर आएगा इसकी क्या मीनिंग है आप चाहे तो डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए मतलब तो होगा. मतलब होगा, होगा और आप ये भी चेक कर चुके हैं कि अंडर डैम क्रिटिकल डैम से ग्रेटर होगा तो इसकी मीनिंग क्या हुई जो ऑर्डर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट है वो सबसे पहले होगा अनडैम्प्ड उसके बाद क्या होगा आपका ओवर डैम्ड उसके बाद क्या होगा आपका डैम ओके okay? और लास्ट सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी होगी आपकी क्रिटिकल डैम की ओके okay? सो so, इस तरह से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम का बहुत ईजी था ठीक है ना मेन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए जीटा की वैल्यू सारे सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट थी बट जो आपका ओमेगा एन है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था तो आप ओमेगा वैल्यू को कॉन्स्टेंट लेके यहां पर एनालिसिस कर सकते थे ओके okay? सो so, ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी टाइम कॉन्स्टेंट के एनालिसिस करने की ओके टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की तो टाइम कॉन्स्टेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको क्या करना है जो भी आपको पोल की वैल्यू दी हुई है आपको सबसे पहले देखना है कि इमेजनरी एक्सिस के सबसे पास वाला पोल कौन सा है नेगेटिव साइड में नेगेटिव रियल एक्सिस में उसका आपको क्या करना है सबसे पहले नेगेटिव साइन एलिमिनेट करना है मतलब माइनस साइन कॉमन लेके हटा देना है उसके बाद उसका आपको वन अपॉन ले लेना है

hello students in the last video we have studied the theory part of the second order system okay now we will solve some analysis based some logical problems on second order system okay so first problem is locations of poles are given okay for under dam system for three different systems okay this is the diagram okay now in this diagram this is

सो so, अगर पोल्स आपके कॉम्प्लेक्स है तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि कॉम्प्लेक्स पोल्स सिर्फ और सिर्फ अंडर डेम सिस्टम में ही आते हैं ओके okay? सो so, इस क्वेश्चन में में टू बन सकते हैं आपके एग्जाम आपसे नौ से दस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इस फिगर को देकर हम लोग क्या करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर करेंगे एग्जाम में एक टाइम में तो कोई एक ही आएगा लेकिन जो नाइन टेन पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सारे के सारे यहां पर सॉल्व करने वाले हैं ओके okay? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डील करूं यहां पर तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है जो है यहाँ पर? तो आप देखिए अगर आप सिस्टम नंबर वन को देखें तो एंगल फाइव कुछ ऐसा बनेगा आपका सिस्टम नंबर टू में फाइव ऐसा बन जाएगा एंड सिस्टम नंबर थ्री में फाइव और ग्रेटर हो जाएगा इसकी क्या मीनिंग है आपकी फाइव थ्री

एंड वन के लिए सबसे छोटा होगा एंगल ओके सो दिस इज द रिलेशन फाइव थ्री इज ग्रेटर देन ओके, नाउ, हमें पता है कि और जीटा में क्या रिलेशन था मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं आपके लिए जो फाइ था आपका दिस इज कॉस इनवर्स जीटा ओके okay? या आप जीटा को लिख सकते थे कॉस फाइव ओके सो आप यहां पर देख सकते हैं कि फाई और जीटा के बीच रिलेशनशिप है क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे की वैल्यू इंक्रीज होती है है क्या होता है आपका डिक्रीज मतलब, okay. so आप देख सकते हैं जैसे जैसे फाइव की वैल्यू इंक्रीज होगी कॉस फाइव डिक्रीज होगा तो यहां क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि जीटा थ्री किसी भी क्वेश्चन में अगर जीटा का रिलेशनशिप पूछा गया है तो हमें सबसे पहले फाई का रिलेशनशिप कैलकुलेट करना होगा क्योंकि जो, जो फाई है वो सिर्फ जीटा पर डिपेंड कर रहा है सिमिलरली जो जीटा है सिर्फ फाई पर डिपेंड कर रहा है अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वेल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे लेकिन यहाँ पर वन और वन रिलेशनशिप है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है नाउ थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आपसे पूछ सकता है कि जो आपने जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट कैलकुलेट किया था उस उसमें क्या रिलेशनशिप होगा आपका तीनों सिस्टम में तो हमें पता है जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है आपका वो किस पे डिपेंड करता है अगर आपको फॉर्मुला याद हो तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका जीटा पर ओके सो एमपीओ का जो फॉर्मूला था वो था आपका मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर ई e की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर ओके okay? ये था आपका एमपीओ का फॉर्मुला नाउ इस एमपीओ के फॉर्मुले में अगर आप देखें यहां पर ध्यान से जीटा ही सिर्फ एक वेरिएबल है जिस पर डिपेंड कर रहा है एमपीओ तो यहां पर अगर मैं जज करना चाहता हूं कि जीटा के इंक्रीज होने पे एमपीओ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है जब हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे आप नॉर्मली वैल्यूज पुट करिए आप अपने मन से ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करिए कोई एग्जाम्पल लीजिए लाइक जीरो लाएक लाएक टू जीटा की वैल्यूज जिससे आपको एमपीओ की वैल्यू कैलकुलेट आप कर सके बिना कैलकुलेटर का यूज किए आपको ऐसी वैल्यूज चूज करना आना चाहिए एनालिसिस करना आना चाहिए जैसे अगर आप यहां ध्यान से देखें अगर मैं यहां पर जीटा की वैल्यू जीरो पुट करूं तो हमें पता है ई e की पावर जीरो क्या होता है वन होता है तो जब जीटा आपका जीरो है तो एमपीओ कितना आ रहा है आपका वन आ रहा है बहुत ईजी हो गया हमारे लिए ओके okay. नाउ आप यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे डिनोमिनेटर में आपका जीटा स्क्वायर है एक टर्म और एक टर्म है वन ठीक है दोनों ही हो रहे हैं तो अगर आप यहां पर जीटा की वैल्यू वन पुट कर दें तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वन बाय जीरो क्या होता है इन्फिनिटी तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है आपका जीरो होता है ओके okay. सो so, आपको इस तरह से वैल्यू चूज करनी है जिसका आंसर आपको डायरेक्ट पता हो कैलकुलेशन वाइज ठीक है ना जैसे आपको डायरेक्ट पता था e की पावर वन होता है आपको पता था इन्फिनिटी होता, होता, होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो सो okay. so, आपने जो दो वैल्यूज पुट की है जीरो एंड वन उसके रेस्पेक्ट में जो आपको एमपीओ मिला है वो मिला है वन एंड जीरो मीनिंग क्या है जैसे जैसे आपने जीटा को इंक्रीज किया एमपीओ आपका क्या हुआ डिक्रीज हुआ इसकी क्या मीनिंग है कि जो आपका एमपीओ थ्री होगा ओके okay, वो क्या होगा ग्रेटर होगा एमपीओ टू से ग्रेटर होगा एमपीओ वन से दैट मींस बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप होगा जीटा के रेस्पेक्ट में क्योंकि जीटा का रिलेशनशिप क्या था जीटा थ्री इज लेस देन जीटा टू इज लेस देन जीटा वन ओके सो ये आपका एमपीओ का रिलेशनशिप भी यहां से कैलकुलेट हो गया नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप कोई ऐसी वैल्यू जिसका हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर पाए हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़े हुए हैं ओमेगा yes, है पार्ट आपको याद होगा तो आप देखिए ओमेगा डी को अगर आप ध्यान से देखें तीनों सिस्टम के लिए तो आप देखिए जो फर्स्ट सिस्टम के लिए ओमेगा डी है वो यहां पर होगा सेकेंड सिस्टम के लिए इस पोजिशन पर और थर्ड सिस्टम के लिए इस पोजिशन पर तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो आपका ओमेगा डी थ्री है इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन बाय फिगर आप देख सकते हैं इसके लिए आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं अगर आप देखें यहां पर जो आपका रियल पार्ट है सारे के सारे पोल्स का वो आपका माइनस जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है आप देख सकते हैं रियल पार्ट सबका सेम है पार्ट सबका अलग अलग था बट रियल पार्ट सबका सेम है तो अगर रियल पार्ट सेम सेम है है मतलब माइनस जीटा ओमेगा सबके लिए सेम है. ठीक है अगर आप मेरी लास्ट वीडियो फॉलो करेंगे जो कि टाइम कांस्टेंट पर थी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के तो आप वहां पर देखेंगे कि अंडर डैम सिस्टम के लिए जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी टाउ इज इक्वल टू वन अपॉन जीटा ओमेगा एन ओके इज़ द टाइम कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर अंडर डैम सिस्टम से देता हूं आपके लिए प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था तो रियल पार्ट क्या था आपका माइनस जीटा ओमेगा था. उसका नेगेटिव पार्ट को एलिमिनेट किया तो क्या बचा जीटा ओमेगा एन और वन अपॉन कर दिया तो यही क्या वैल्यू थी आपकी टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी फॉर द अंडर डैम सिस्टम तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो टाउ थ्री है इज इक्वल टू टाउ टू इक्वल टू टाउ वन ओके क्लियर पॉइंट सो टाइम कांस्टेंट हमारा यहां पर कैलकुलेट हो गया नाउ नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं नेक्स्ट अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने सेटलिंग टाइम पीक टाइम राइस टाइम के फॉर्मुले डिराइव किए थे तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं सेटलिंग टाइम का जो फॉर्मुला था आपका वो बिल्कुल टाउ डिपेंड कर रहा था सेटलिंग टाइम का था, जो हमने 2 के लिए डिराइव किया था, 4 okay? आपको पिछली से करने लेकिन का था, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन दैट इज फोर टाउ ओके देस अगर टाउ कॉन्स्टेंट है तो, भी क्या होगा आपका? होगा. तो आप क्या लिख सकते हैं टीएस एस थ्री इज इक्वल टू टी एस टू ज इक्वल टू टी एस वन ओके सो यह आप सिक्स कंक्लूजन भी लिख सकते हैं नाउ सेवें देखें हम पीक टाइम पीक टाइम हम बता सकते हैं पीक टाइम का फॉर्मूला क्या था आपका पीक टाइम का फॉर्मूला था आपका एन पाई अपॉन ओमेगा डी ओके एन तो आपकी एक इंटीजियर वैल्यू थी जो कि पीक पर डिपेंड कर रही थी कि आप फर्स्ट पीक ले रहे हैं सेकेंड पीक ले रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आप बात करें वेरिएबल की तो ओमेगा डी है ओके okay? पाई भी आपका कांस्टेंट है तो ओमेगा डी जो है ओमेगा डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका टीपी इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये पॉइंट है देखिए आप ओमेगा डी थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन है इसका मतलब क्या होगा टीपी इज लेस देन टीपी इज लेस देन टीपी ओके बहुत इजी रिलेशनशिप हो गया हमारे लिए नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप हम राइस टाइम पे रिलेशनशिप दे सकते हैं राइस टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा पाई माइनस फाइव अपॉन ओमेगा डी ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका राइस टाइम है वो फाइव पर भी डिपेंड कर रहा है और ओमेगा डी पर भी डिपेंड कर रहा है ओके सपोज करिए अगर मैं फाइव को इंक्रीज करता हूं तो राइस टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है अगर मैं ओमेगा डी को इंक्रीज करता हूं तब भी राइस टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा आप देख सकते हैं ना ओमेगा डी जो है आपका डिनोमिनेटर में है जैसे जैसे आप ओमेगा डी को इंक्रीज करेंगे राइस टाइम डिक्रीज हो जाएगा सेम आपका है तो में बट माइनस साइन के साथ है तो जैसे जैसे आप को इंक्रीज करेंगे राइस टाइम फिर से क्या होगा डिक्रीज होगा तो फाइ और ओमेगा डी को इंक्रीज करने से राइस टाइम आपका डिक्रीज होगा ये बिल्कुल फिक्स है मतलब फाइव और ओमेगा डी के रेस्पेक्ट में राइस टाइम इनवर्सली बिहेव करता है आपका ठीक है तो हम देख लेते हैं फाइव और ओमेगा डी किस तरह से बिहेव करते हैं तो ओमेगा डी थ्री ग्रेटर देन ओमेगा मीनिंग क्या होगा आपका इसका मीनिंग ये हो जाएगा आपका जो टी आर थ्री है वो लेस होगा टी आर टू से लेस होगा टी आर वन से ओके तो ये हमारा एट्थ कंक्लूजन कंप्लीट होता है नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन नाइन्थ कंक्लूजन हम एक और कंक्लूजन यहां पर दे सकते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा एन ठीक है अगर आप यहां पर ध्यान से समझें ओमेगा एन जो होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है ठीक है तो ओमेगा एन यहां पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी तो आती नहीं है क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी ओमेगा डी होती है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है लेकिन अब आपको यह देखना पड़ेगा कि किस किस फॉर्मले में ओमेगा एन आपका आया था उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ओमेगा एन में क्या रिलेशनशिप होगा ठीक है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला था जिसमें ओमेगा आपका आया था द ऑफ दाऊ आप देखिए का फॉर्मुला था अपॉन जीटा ओमेगा एन भी क्या था आपका कॉन्स्टेंट था ओके okay? अगर जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है ठीक है ना इसका मीनिंग क्या है कि अगर जीटा इंक्रीज हो रहा हो तो ओमेगा एन को क्या होना होगा डिक्रीज होना होगा क्योंकि अगर दोनों एक साथ इंक्रीज हो गए तब तो जीटा ओमेगा इन ओमेगाट नहीं हो सकता ना एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा उसी रेशियो में तभी क्या होगा आपका जीटा ओमेगा इन होगा मीनिंग समझ में आ रही है इसका मीनिंग क्या है कि अगर जीटा आपका इंक्रीज हो रहा हो so, <-s1> हो तो, है तो ओमेगा इन को हर हाल में क्या होना पड़ेगा डिक्रीज हो रहा होगा अगर जीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा इन को हर हाल में क्या होना पड़ेगा इंक्रीज होना पड़ेगा ओके सो आप जीटा का रिलेशनशिप यहां पर देखिए जीटा जो है जीटा थ्री इज लेस देन जीटा टू इज लेस देन जीटा है इसकी मीनिंग क्या होगी ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन ओके okay? सो so ये आपके टोटल नाइन कंक्लूजन है ओके okay? मींस किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो ये नाइन में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपसे सारे के सारे नाइन क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ओके okay? तो जैसे सपोज करिए आपसे पूछा कि तीनों सिस्टम के लिए एमपीओ में क्या रिलेशनशिप होगा तो आपको चार ऑप्शन क्रिएट कर देगा एक ऑप्शन आपको दे सकता है ठीक है। है एक ऑप्शन दे सकता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एक ऑप्शन आपको थर्ड दे सकता था is less than 2, is less than 1, okay? ये नॉट बी डिटरमाइंड मीन आप रिलेशनशिप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं बाई गिवन इंफॉर्मेशन ठीक है तो इस तरह से आपके सामने चार इंफॉर्मेशन या चार ऑप्शन आपके सामने देगा आपको राइट right इंफॉर्मेशन या राइट ऑप्शन चूज करनी होगी ओके लॉजिक क्लियर हो पा रहा है तो ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है कोई कैलकुलेशन नहीं है ठीक है बट फिर भी अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा ओके okay? सो so ऐसे क्वेश्चन भी गेट और ये yes में काफी आते हैं ठीक है मैं अब सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पैटर्न पे आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू सपोज करिए अगेन मुझे अंडर डैम सिस्टम के पोल्स दिए गए हैं फॉर द थ्री सिस्टम ओके सो मैं इस तरह से ले लेता हूं इस बार लाइक दिस ओके कॉम्प्लेक्स पोल है तो जो ऊपर होंगे सेम नीचे होंगे हम किसी का भी एनालिसिस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता या तो आप ऊपर वालों का कर लीजिए या तो नीचे वालों का कर लीजिए सपोज करिए दिस इज वन वन डैश टू टू डैश दिस इज थ्री थ्री डैश ओके सो ये आपके जो पोल्स है कॉम्प्लेक्स पोल ये सिस्टम वन के हैं ये कॉम्प्लेक्स पोल आपके सिस्टम टू के हैं ये कॉम्प्लेक्स पोल आपके सिस्टम थ्री के हैं ठीक है तो आपको सिस्टम वन को सिस्टम टू को सिस्टम थ्री को कंपेयर करना है ओके अगेन फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं को कंपेयर करता हूं यहां से तो फाइव मीन्स क्या है आप अपने कॉम्प्लेक्स पोल को ओरिजिन से मिला दीजिए जो भी लाइन बनेगी वो रियल एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी वही क्या है आपकी फाइव है ओके आप देखिए जरा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं अगर आप वन वाले पोल को मिलाते हैं तो ये आपका फाइव हो जाएगा टू वाले पोल को मिलाएंगे तो ये आपका फाइव हो जाएगा मीन तो, क्या हो रहा है आपका थ्री वाले पोल के लिए फाइव आपका सबसे स्मॉल आ रहा है वन वाले पोल के लिए सबसे ग्रेटर आ रहा है एंड टू वाले पोल के लिए इन बिटवीन आ रहा है ओके okay? सो so, कितना हो जाएगा आपका फाइव थ्री इज लेस देन फाइव टू इज लेस देन फाइव वन बिल्कुल इजी है हमारे लिए ओके हम पढ़ चुके हैं लास्ट में कि अगर आपको का रिलेशन पता है तो एक रिलेशन निकालना सबसे आसान होता है वो होता है जीटा का हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में फाइ और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो आपका क्या हो जाएगा जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन ओके नाउ थर्ड फिर हमने पढ़ा था mpo का रिलेशनशिप हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि mpo और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ओके okay? सो so अगर आपको जीटा का रिलेशनशिप पता है तो mpo का भी पता चल गया mpo 3 इज लेस देन mpo 2 इज लेस देन mpo 1 ओके okay? आप फर्स्ट और थर्ड से ये भी बोल सकते हैं कि phi और mpo में सेम रिलेशनशिप होता है ये आपका कंक्लूजन हमेशा फिट बैठेगा ओके लॉजिक क्लियर है नाउ फोर्थ रिलेशनशिप जो आप दे सकते हैं जो आपने लास्ट में दिया था वो था ओमेगा डी का तो ओमेगा डी का रिलेशनशिप आपका क्या हो जाएगा आप देखिए यहां से अगर आप देखें ओमेगा डी क्या था कॉम्प्लेक्स पोल का इमेजनरी पार्ट था आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पोल के लिए इमेजनरी पार्ट आपका क्या है सेम है ओके okay? तो आप क्या बोलेंगे ओमेगा डी थ्री इज इक्वल टू ओमेगा डी टू इज इक्वल टू ओमेगा डी वन बहुत ईजी रिलेशनशिप हो गया आपके लिए नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं टाउ टाइम कांस्टेंट के ऊपर तो टाइम कांस्टेंट हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स पोल का जो रियल पार्ट होता है उसमें से आपको नेगेटिव साइन को हटा देना है और उसका रेसिप्रोकर ले लेना है मीनस वन अपॉन जीटा ओमेगा एन ओके सो आप देखिए यहां पर यहां पर जो तीनों पोल है तीनों के रियल पार्ट यहां पर डिफरेंट डिफरेंट है इसका मीनिंग क्या है टाउ का रिलेशन भी इस बार होगा आपके पास टाऊ आपके पास इक्वल नहीं होगा ठीक है ना या तो टाउ थ्री ग्रेटर होगा या तो टाउ वन ग्रेटर होगा ठीक है तो आप देखिए यहां पर ध्यान से यहां पर वन वाले के लिए निकलेगा यहां पर टू वाले के लिए और यहां पर आपका थ्री वाले के लिए है ओके अब आप मुझे बताइए ये जो वन वाला है वो सबसे पास है ठीक है तो इसका जो वन अपॉन होगा वो सबसे क्या होगा आपके लिए ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात है सपोज करिए यहां पर आपका माइनस टू है फोर एंड दिस इज माइनस सिक्स सपोज करिए एक एग्जाम्पल है ओके okay? तो माइनस टू से आपको पहले माइनस एलिमिनेट करना है और उसका रेसी प्रोकल लेना है तो टाउ वन क्या हो जाएगा वन बाय फोर और टाउ थ्री क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स क्लियर है पॉइंट तो आप जितना इमेजनरी एक्सिस के पास रहेंगे उतना ही टाओ की वैल्यू क्या होगी आपके लिए ज्यादा होगी ओके okay? क्योंकि आपको रेसी प्रोकर लेना है ठीक है तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि टाउ थ्री इज लेस टाउ टू इज लेस टाउ वन टाउ थ्री आपका यहां पर सबसे छोटा होगा और टाउ वन यहां पर आपका सबसे बड़ा होगा क्लियर पॉइंट अब हम जानते हैं कि अगर हमें टाउ का रिलेशनशिप पता है तो हम बड़े आराम से सेटलिंग टाइम का रिलेशनशिप बता सकते हैं क्योंकि टाउ और सेटलिंग टाइम दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है आपका सेम होता है तो आप क्या लिखेंगे टी एस थ्री ज लेस देन टी एस टू इज लेस देन टी एस वन ओके नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप पीक टाइम का अगर बताऊं पीक टाइम का आपने फॉर्मुला देखा था लास्ट क्वेश्चन में एन पाई अपॉन ओमेगा डी मीन्स पीक टाइम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ओमेगा डी ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ केस से ओमेगा डी आपके क्या है सेम है इसका मीनिंग क्या है आपका जो पीक टाइम भी होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा ठीक है लॉजिक क्लियर है यहां तक नाउ एट कंक्लूजन ये क्या हो जाएगा आपका राइस टाइम का राइस टाइम का आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में राइस टाइम जो है फाइव को इंक्रीज करने से भी डिक्रीज होता है और ओमेगा डी को इंक्रीज करने से भी डिक्रीज होता है ओके okay. ओमेगा डी तो यहां पर कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा डी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी कारण आपका पीक टाइम भी क्या हो गया था सेम हो गया था लेकिन जो आपका राइट टाइम है वो फाइव पर भी डिपेंड करता है तो आप देखिए फाइव यहां पर नहीं है है ठीक ना तो फाइव के रिस्पेक्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ठीक है ना राइट टाइम का तो क्या हो जाएगा फाइव थ्री इज लेस देन फाइव टू इज लेस देन फाइव वन है तो राइट टाइम क्या होगा टी आर थ्री इज ग्रेटर देन टू इज ग्रेटर टी आर वन ओके सो टी आर थ्री फिर से देखू तो एक फॉर्मला तो है मेरे पास की जीटा ओमेगा एन का फॉर्मुला ठीक है जीटा ओमेगा एन को अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जीटा ओमेगा एन जो सिस्टम वन का है वो क्या है आपका सबसे लेस है जीटा ओमेगा एन टू उससे बड़ा है जीटा ओमेगा एन थ्री सबसे बड़ा है ठीक है ना मैं सिर्फ जीटा ओमेगा एन की बात कर रहा हूं मैं माइनस साइन को नहीं ले रहा हूं ठीक है ना तो अगर जीटा ओमेगा एन का रिलेशनशिप मुझे पता है कि थ्री का आपका सबसे बड़ा है देन टू का है देन आपका वन का है ओके तो क्या उससे मैं कुछ कंक्लूजन दे सकता हूं क्योंकि हमारे पास एक कंक्लूजन है जीटा का भी

यहां आप शोरटी से नहीं बोल सकते कि ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा हो सकता है आपका लेस भी हो ठीक है ना हो सकता है आपका इक्वल भी हो तो आप बोल नहीं सकते यहां पर से तो और क्या रिलेशनशिप हो सकता है ओमेगा एन का आप सोचिए ओमेगा एन का एक और रिलेशनशिप जो हमारे पास हो सकता है वो है ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन वन माइनस जीटा का स्क्वायर ये एक और रिलेशनशिप है हमारे पास ओमेगा एन का तो यहां पर हमने क्या देखा हुआ है कि जो ओमेगा डी है वो कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ओमेगा एन वन जीटा स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है आपका, है आपका इज इक्वल टू ओके इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये टर्म इंक्रीज हो रहा हो रहा तो इस टर्म को क्या होना होगा डिक्रीज होना होगा ठीक है मतलब ये दोनों टर्म में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा क्योंकि इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है क्लियर है पॉइंट अच्छे से अब यहां पर ध्यान से समझिएगा अब बहुत लोग ये बोलेंगे जो बिल्कुल एनालिसिस नहीं करेंगे वो डायरेक्ट बोल देंगे कि ओमेगा एन और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होगा नहीं आप इसे ध्यान से देखिए यहां पर ओमेगा एन और जीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है ओमेगा एन इन टू वन माइनस जीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाइड है ओके समझना होगा आपको तो देखिए जैसे सपोज करिए जब जीटा आपका इंक्रीज होगा तो ये जो वन माइनस जीटा स्क्वायर है वो क्या होगा डिक्रीज होगा ये पॉइंट आपको समझना होगा तो अगर जीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म आपका डिक्रीज होगा इसका मतलब ओमेगा एन को भी क्या होना होगा इंक्रीज होना होगा समझ में आ रही बात एक और एग्जाम्पल सुनिए अगर जीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो वन माइनस जीटा स्क्वायर क्या होगा इंक्रीज होगा इसका मतलब ओमेगा एन को क्या होना होगा डिक्रीज होना होगा इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ओमेगा एन एन जीटा में सेम रिलेशनशिप होगा आपका ठीक है ना लॉजिक क्लियर है तो जीटा का रिलेशनशिप क्या है आपका जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन तो यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन ओके सो ये आपके नाइन रिलेशनशिप है ठीक है फॉर द सेकेंड क्वेश्चन नाउ सेम पैटर्न पे मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं तीन क्वेश्चन इसलिए यहां पे कंसीडर कर रहा हूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपने ये टॉपिक एक बार अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन शोर हो जाएगा ओके नाउ देखिए आप सपोज करिए अगेन थ्री सिस्टम्स है आपके ओके okay? मैं यहां पर आपकी पोज की लोकेशन ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस इज वन वन डैश टू टू डैश एंड थ्री थ्री डैश ओके

ओके, सो इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव क्योंकि जब आप इनको रियल एक्सेस से मिलाएंगे तो जो लाइन है वो सेम ही होगी तो फाइव भी आपका क्या होगा सेम होगा ओके okay. नाउ हम जानते हैं फाइव और जीटा में वन और वन रिलेशनशिप होता है तो अगर फाइव सेम है तो जीटा भी क्या होगा आपका सेम होगा जीटा थ्री इज इक्वल टू जीटा टू इज इक्वल टू जीटा वन क्लियर है पॉइंट आपको नाउ थर्ड थर्ड रिलेशनशिप होता है आपका एमपीओ का अगर हम जानते हैं कि फाइ और जीटा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एम भी क्या होगा आपका सेम होगा तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता चला जा रहा है हमारे लिए ओके आपका फाई भी सेम हो गया जीटा भी सेम हो गया और एमपीओ भी क्या हो गया सेम हो गया तो आपको अब आप तीन क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको फाइ ही निकालना है एक बार अगर फाई निकल गया तो जीटा और एमपीओ तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप आपको थाली में परोस के मिल गया है। ठीक है ना क्योंकि कुछ है ही नहीं डायरेक्ट वन ऑन वन आपका फॉर्मूला है कुछ करना ही नहीं है आपको ठीक है ना नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा डी तो ओमेगा डी को अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं थर्ड सिस्टम के लिए ओमेगा डी सबसे ग्रेटर होगा सेकेंड के लिए फिर उससे लेस होगा और फर्स्ट के लिए आपका सबसे लेस होगा ओके okay? सो so आप लिख सकते हैं ओमेगा 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 इज इज ग्रेटर टू ग्रेटर देन देन ओके नाउ नेक्स्ट हम टाउ निकाल सकते हैं है. तो आप देखिए यहां पर ये टाउ क्या होता है आपका रियल एक्सिस की लोकेशन से आपका निकल कर आता है ठीक है तो आप देखिए रियल लोकेशन इसकी ये है और थर्ड वाले की ये है ओके okay? तो आप फिर से देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया क्वेश्चन नंबर टू जैसा जो लोकेशन सबसे पास होगी इमेजनरी एक्सिस के वही टाउ सबसे बड़ा होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका टाउ थ्री इज ग्रेटर देन देन इज ग्रेटर ओके क्लियर ए पॉइंट नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन अगर आप नेक्स्ट कंक्लूजन को यहां पर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट कंक्लूजन हम दे सकते हैं सेटलिंग टाइम का सेटलिंग टाइम हमें पता है जो कंक्लूजन टाउ का होगा वही कंक्लूजन क्या होगा सेटलिंग टाइम का भी होगा तो ये भी आपका बिल्कुल हो गया नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर हम पीक टाइम का दे सकते हैं पीक टाइम का क्या होता है आपका पाई अपॉन ओमेगा डी ठीक है ना एन पाई अपॉन ओमेगा डी सपोज करिए एन इक्वल टू वन है तो पाई अपॉन ओमेगा डी तो सेम मतलब ओमेगा डी का रिलेशनशिप फॉलो करेगा इनवर्स में ठीक है ना तो कितना हो जाएगा आपका टीपी थ्री

थ्री इज लेस देन टी आर टू इज लेस देन टी आर वन नाउ नेक्स्ट इज ओमेगा एन का रिलेशनशिप अगर आप यहां पर ध्यान से देखें ओमेगा एन के लिए तो आप देख सकते हैं ना तो यहां पर जीटा ओमेगा एन कांस्टेंट है ना ही यहां पर ओमेगा डी कांस्टेंट है लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर आपका जीटा कांस्टेंट है ओके तो अगर जीटा आपका कांस्टेंट है तो आप देखिए आप दोनों फॉर्म यूज कर लीजिए आपको पता है कि जो जीटा ओमेगा एन है आपका ओके उस पर रिलेशनशिप आपको नोन है तो जो जीटा ओमेगा एन थ्री है वो सबसे ग्रेटर है तो जीटा ओमेगा एन थ्री ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन जीटा ओमेगा एन वन ओके तो हमें पता है कि अगर जीटा सब में कांस्टेंट है तो बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन अब तो क्या हो गया आपका ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन क्योंकि हमें पता है जो जीटा है वो आपका क्या है कॉन्स्टेंट है आप चाहते तो सेम चीज को आप सेकेंड फॉर्मले से भी कैलकुलेट कर सकते थे ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर ठीक है आपको पता है कि जो जीटा है वो कांस्टेंट है मतलब ये टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा तो जो ओमेगा डी है वो किस पे डिपेंड करेगी ओमेगा एन पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा डी ओमेगा एन के ओके okay? तो इससे आपका क्या हो जाएगा जो रिलेशन ओमेगा डी का होगा वही रिलेशन किसका होगा ओमेगा एन का होगा तो आप देखिए ओमेगा डी का रिलेशनशिप क्या है ओमेगा डी वन तो सेम रिलेशनशिप आपका आ गया ओमेगा एन का ओके okay? सो so, बहुत इजी क्वेश्चंस है अगर एक बार आप मेथड समझ जाए कि आपको करना क्या है आपको स्टार्ट कहां से लेना है तो अगर आप तीनों क्वेश्चन का एक बार समरी देखें तो अगर आपको जीटा निकालना है या एमपीओ में रिलेशनशिप निकालना है तो आपको हर हाल में पहले फाई का रिलेशनशिप पता होना चाहिए ओके okay? ठीक है तो जीटा और एमपीओ ठीक है अगर मैं फर्स्ट कंक्लूजन यहां पे बोलूं जीटा एंड एमपीओ इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइव का रिलेशनशिप पता हो अगर मैं सेकंड कंक्लूजन बोलूं ठीक है मैं बोलूं अगर आपको सेटलिंग टाइम चाहिए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाउ का रिलेशनशिप पता हो ठीक है अगर मैं यहां पर थर्ड कंक्लूजन बोलू कि अगर आपको यहां पर पीक टाइम एंड राइस टाइम चाहिए तो आपको हर हाल में ओमेगा डी का रिलेशनशिप पता होना चाहिए और आप कह सकते हैं का भी भी क्यों क्योंकि टाइम पर डिपेंड करता है ओके okay? नाउ वैसे अगर आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे जनरली जो आपका ओमेगा डी और फाई है दोनों का रिलेशनशिप आपका सेम आता है या आपका फाइव कॉन्स्टेंट हो जाएगा या ओमेगा डी कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है ना लॉजिक क्लियर है तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप चाहिए चाहिए ओके okay? तो ये आपका तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अगर तीनों में 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 से किसी भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पोस्ट करिए और इस तरह का अगर आप कोई नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए हम उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे ओके गुड बाय हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव सोल्व सम लॉजिक बेस्ड न्यूमेरिकल ऑन द सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओके

जीटा और ओमेगा की वैल्यूज क्या क्या है ओके सो so, हमें पता है एक्चुअल में फॉर्मुलाइज की ये जो है आपका ये सेकंड ऑर्डर का इंपल्स रिस्पॉन्स है आपका ओके और आपसे क्वेश्चन में भी जीटा और ओमेगा एन पूछा है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेकेंड ऑर्डर का ही है ओके और जो साइन के टर्म्स है वो सेकेंड ऑर्डर में ही जनरेट होते हैं आपके ठीक है तो अगर मुझे पता है कि ये इंपल्स रिस्पॉन्स है तो सेकेंड ऑर्डर का जो इंपल्स रिस्पांस का जो इक्वेशन था वो हमने डिराइव किया हुआ है ओके क्या था आपका इंपल्स रिस्पांस का इक्वेशन C(t) इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी ओके तो ये आपका एक्सप्रेशन है इंपल्स रिस्पॉन्स का फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे फॉर्मले या इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे ओके okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है आपका ठीक है तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी ई e की पावर है ठीक है उसमें हमेशा आपका जीटा ओमेगा एन ही होगा फिक्स है वो ठीक है हमने पढ़ा था कि ये जो सारे जो फॉर्मलेज हैं वो अंडर डैम सिस्टम के लिए हैं ठीक है थीके? तो जो अंडर डैम सिस्टम है उसका जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो हमें पता है वन अपॉन जीटा ओमेगा एन होता है और मैंने आपको टाइम कॉन्स्टेंट की क्लास में सिखाया था कि e की पावर जो भी आ रही हो आप e की पावर माइनस वन कर दीजिए टाइम की जिस वैल्यू के लिए e की पावर माइनस वन हो जाएगा वही आपका क्या होगा टाइम कॉन्स्टेंट होगा ओके सो so, जब भी आप e की पावर माइनस वन करेंगे तो सोचिए आप e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन जीटा ओमेगा एन तो वो क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस वन हो जाएगा और वन अपॉन जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा ओके सो so, इसकी मीनिंग क्या है कि जो भी e की पावर माइनस पे होगा वो ऑलवेज जीटा ओमेगा एन ही होगा ओके सो so, जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट सिक्स तो आपको पूरा एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ देखिए ई e की पावर माइनस पे क्या है जीरो पॉइंट सिक्स है वो जीटा ओमेगा एन होगा जो भी साइन में होगा वो हमेशा ओमेगा डी होगा फिक्स है उसके आगे आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है तो ओमेगा डी कितना हो गया आपका जीरो पॉइंट एट हो गया ओके सो so, इस तरह से आप याद रखिए कि साइन में हमेशा ओमेगा एन होता है अगर ई की पावर माइनस है तो और वो होगी हमेशा ओके सो so, यहां पर हमें पता है जो ओमेगा डी है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर और यहां पर आपको जीटा ओमेगा एन क्या दिया है जीरो पॉइंट सिक्स दिया है ओके okay? सो so यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपके दो अननोन है और दो ही इक्वेशन है तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? अगर सपोज करिए मैं इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स ओके, सो इससे आपकी जीटा की वैल्यू आ जाएगी और एक बार अगर जीटा की वैल्यू आ गई तो आप ओमेगा एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके, okay. सो so, ये आपके लिए होमवर्क है, आप जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करिए इन मैथमेटिकल इक्वेशन से और कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए ओके नाउ आपके दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा होगा वो पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहां पर क्योंकि अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आजकल जो गेट का कैलकुलेटर है वो ज्यादा फंक्शन सपोर्ट भी नहीं करता है ठीक है और आई के ऑब्जेक्टिव में तो आपका कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता ठीक है तो फिर हम क्या कर सकते हैं क्या हम कोई और मैथड लगा सकते थे इस क्वेश्चन में यस मैथड नंबर टू देखिए आप मैथड नंबर अगर आप टू देखें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते थे हमें पता है कि इंपल्स रिस्पॉन्स होगा मतलब जो इनपुट मतलब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा वन होगा तो जो सी एस है वही के तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप यहां पर डायरेक्ट सी एस निकाल ले तो आपका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा और ट्रांसफर फंक्शन से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम देखते हैं कैलकुलेट करके तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक टर्म है ई की पावर माइनस का और एक टर्म है साइन सो हमने एक फॉर्मुला पढ़ा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है पिछली वीडियो में आपको फॉर्मुला लिख के दिया हुआ है मैंने वो फॉर्मुला क्या होता है कि अगर ई की पावर माइनस है साइन ए है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका ए अपॉन एस प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ओके ये फॉर्मुला होता है आपका ई e की पावर माइनस बी टी इन साइन ए टी का तो इससे आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं आप तो ट्रांसफर फंक्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए आप जो आपका बी की वैल्यू है यहां पर वो कितनी है जीरो पॉइंट सिक्स और ए की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट एट ओके सो ट्रांसफर फंक्शन विल बी जीरो पॉइंट एट ओके एस प्लस जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर ओके सो आप यहां पर देखिए जीरो पॉइंट एट ओके एस स्क्वायर प्लस प्लस टू एस प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फोर ओके सो यहां से आपका आंसर क्या आने वाला है अब जीरो पॉइंट एट एस स्क्वायर प्लस वन पॉइंट टू एस प्लस कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा ओके okay? पॉइंट सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा और कितना हो जाएगा वन तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपका ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आ गया है और हमें पता है जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये भी हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है जिसको मैंने कहा था आप क्यू एस से डिनोट करेंगे वो होता है एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा ओमेगा प्लस का स्क्वायर, ओके, सो से आप क्लियरली देख सकते हैं डिनोमिनेटर को जीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा ओके सो so इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे ठीक है इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कोई जरूरी नहीं था कि आप फॉर्मुला ही रटे जो कि आपका सीटी का फॉर्मुला था आप नॉर्मली जो भी आपको फंक्शन दिया है उससे आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लीजिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में मुझे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन आपका कुछ है के अपॉन एस इंटू एस और मुझसे पूछा गया है कि क्रिटिकल डेप्टिंग के लिए के की वैल्यू क्या होगी ठीक है

ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का तो हम जानते हैं कि हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें आता है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा टी एस इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस जी मीन्स के अपॉन एस इन टू एस प्लस टेन डिवाइडेड बाय वन प्लस के अपॉन एस इन टू एस प्लस ओके सो कितना हो जाएगा आपका यहां पर के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टेन एस प्लस के ओके सो यहां पर आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट हो गया अभी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था तो आपका क्या हो जाएगा ओमेगा एन आ जाएगा आपका अंडर रूट उ और जो टू जीटा ओमेगा एन है वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर टेन हो जाएगा आपको यहां पर जीटा की वैल्यू पता है कितनी है वन है क्वेश्चन में गिवन है तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी फाइव हो जाएगी ठीक है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से आपकी के वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव ठीक है ना K क्या है आपका ओमेगा एन का स्क्वायर है ना तो K आपका ट्वेंटी तो क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर जब आपको पता था कि आपको जी दिया हुआ है ठीक है और आपको पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो जी अपॉन वन प्लस जी होता है और मैंने आपको क्या सिखाया है जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है तो आपको पूरा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ वन प्लस जी कैलकुलेट कर सकते थे और वही आपका क्या होता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता तो आप हमेशा क्या करिए करिए वन प्लस जी इक्वल टू जीरो कर दीजिए और यही आपका निकल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ओके जैसे इस तरह से वन प्लस के एस इन एस प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो तो कितना हो गया एस स्क्वायर प्लस टेन एस प्लस के इक्वल टू जीरो अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है थर्ड क्वेश्चन इस पे आपको स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का सी टी इज इक्वल टू वन माइनस वन पॉइंट टू फाइव ई की पावर माइनस थ्री टी साइन फोर टी प्लस प्लस फाइव ओके आप देखिए यहां आप पर आपको फाइव की वैल्यू नहीं गिवन है मैंने जान पूछकर नहीं दिया आपको फाइव की वैल्यू एक्चुअली गिवन थी क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आपको की वैल्यू गिवन हो चाहे ना गिवन हो आपको सिर्फ दो ही लॉजिक याद रखने हैं आपको इवन सी याद नहीं रखना है स्टेप रिस्पॉन्स के लिए ठीक है आपको सिर्फ दो लॉजिक याद रखने हैं वो क्या है कि e की पावर माइनस पे जो भी होगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका जीटा ओमेगा एन होगा ये आप डायरेक्ट लिखिए और साइन के अंदर जो भी टी के साथ होगा वो ऑलवेज क्या होगा ओमेगा डी होगा तो ओमेगा डी कितना हो गया आपका फोर हो गया ये भी आप डायरेक्ट लिख लीजिए उसके अलावा और कितनी वैल्यूज दी हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको सिर्फ देखना है ई की पावर माइनस में क्या है और साइन में टी के साथ क्या है ठीक है दट सेट तो मैं यहां पर सी का इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं स्टेप रिस्पॉन्स के लिए ठीक है वो आप खुद लिख के चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया हुआ है ठीक है नाउ अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे आपसे पूछा पूछा है मतलब पूछा है डिटरमाइन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब हुआ ठीक है नाउ अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं यहां पर जीटा ओमेगा एन आपको क्या दिया है थ्री और ओमेगा डी कितना दिया है आपको फोर दिया हुआ है ठीक है तो यहां से ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर आपका फोर हो, हो जाएगा और जीटा ओमेगा एन थ्री है तो इन दो इक्वेशन का यूज करके आप फिर से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से आप जीटा कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ओमेगा एन और जीटा यहां से अचीव कर लेंगे ठीक है उसके बाद आपको जितने भी ऑप्शंस दिए होंगे ट्रांसफर फंक्शन के आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से मैच कर सकते हैं क्योंकि तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो आपका कभी चेंज नहीं होगा वो आपको पता है वो ऑलवेज क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर ओके न्यूमरेटर फिर भी कोई और वैल्यू कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाइड हो तो चेंज हो सकता है बट इक्वेशन आपका कभी चेंज नहीं होगा Although, अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो आप ट्रांसफर फंक्शन भी इस तरह से शो कर सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके बट यस yes, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर कोई कांस्टेंट आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है बट जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका कभी चेंज नहीं होगा तो जब भी आप ऑप्शंस को मैच करें हमेशा डिनोमिनेटर से मैच करें ओके नाउ तो जो आपका ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अगर आपने बस ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जीटा ओमेगा आपका थ्री है और ओमेगा डी आपका फोर है उसके बाद ये क्वेश्चन प्योर मैथमेटिकल रह जाता है आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने हैं और जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओके तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है आपको ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कमेंट सेक्शन में आपको दोनों की वैल्यूज पोस्ट करनी है ओके और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर इसमें आपको अंडर डैम सिस्टम के पोल्स की लोकेशन गिवन है ओके एक पोल आपको गिवन है माइनस वन प्लस जे और एक पोल आपको गिवन है माइनस वन माइनस जे ओके अब आपको बताना क्या है इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ जीटा ओके तो हमें यहां पर फिर यह पता होना चाहिए कि जो अंडर डैम सिस्टम के जो पोल्स है उनका वैल्यू क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि हमें यह तो पता है कि यह अंडर डैम सिस्टम का पोल है क्यों क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स पोल ही आते थे आपके अंडर डैम सिस्टम में तो क्या हमें इसका वैल्यू पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में यस yes, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है ये वैल्यू क्या होती है आपकी एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी ओके ये आपकी होती है अंडर डैम सिस्टम के पोल्स की वैल्यूज एस वन टू ओके दो पोल्स है आपके सो so, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो जो आपका जीटा ओमेगा एन है वो वन हो रहा है आपका आप देख सकते हैं दोनों जगह आपका माइनस वन माइनस वन है ठीक है फिर आपका क्या है प्लस माइनस जे इसकी क्या मीनिंग है जो जे का कॉफिशियंट है वो क्या है आपका ओमेगा डी है तो ओमेगा डी भी आपका कितना है यहां पर वन है ओके सो तो हमें पता है ओमेगा डी जो होता है वो क्या होता है ओमेगा एन जीटा वन माइनस इक्वल टू वन और जो जीटा ओमेगा एन है वो भी क्या है आपका वन है ओके तो इससे आप क्या लिख सकते हैं इससे आप लिख सकते हैं जीटा अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जीटा स्क्वायर ओके इज इक्वल टू वन माइनस जीटा का स्क्वायर ओके सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर कितना आपका यहां पर ये यह हो जाएगा टू जीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो आपकी जो जीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी वन बाय रूट टू आ जाएगी ओके okay? सो so, ये एक वे था सॉल्व करने के लिए बट क्या कोई दूसरा वे भी हो सकता था जहां पर मुझे ये वैल्यू याद ही नहीं करनी पड़ती या मुझे ये थ्री टू फोर स्टेप्स का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता वैसे ये तरीका भी बहुत इजी था हमने आराम से जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली लेकिन क्या कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है इसका यस हो सकता है आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्लास में पढ़ रखा है कि जब आपका अंडर डैम सिस्टम के पोल को आप ओरिजिन से एक लाइन से मिलाते हो ठीक है तो वो लाइन जो रियल एक्सिस से एंगल बनाती है उसे हम फाइव कहते हैं ओके okay, तो ये जो आपका फाई है यहां पर उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है फाई जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स जीटा ओके okay? या हम क्या लिख सकते हैं कि जो कॉस फाई होता है आपका वही क्या होता है आपका जीटा होता है तो अगर हम यहां डायरेक्टली फिगर से ही कॉस फाइव निकाल लेते तो हमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता ओके okay? और कॉस फाइव फिगर से निकालना बहुत ईजी है आप जानते हैं Cos phi क्या होता है आपका बेस बेस कितना है आपका यहां पर ना तो बेस आपका ठीक है? है तो आप यहां पर लिख सकते हैं जीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव इज इक्वल टू वन बेस अपॉन अपॉन में क्या लिख सकते हैं आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट ओके तो क्योंकि आपका अपॉन क्या होता है हाइपोपोटेनियस होता है ना तो बेस कितना है आपका वन है तो वन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना पर जीटा फिर से कितना आया था आपका वन बाय रूट टू आया था ओके सो जीटा आपका सेम आएगा तो ये बहुत इजी मेथड हो गया लास्ट मेथड से भी बहुत ज्यादा इजी है सिर्फ आपको कॉज फाइव निकालना है फिगर में और आपको कुछ भी नहीं करना है ओके okay? So, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस पे आपको फिर से एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है विथ नेगेटिव फीडबैक क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी फाइव अपॉर्ड एस टू एस प्लस फोर ओके नाउ इस पे आपको क्या करना है इस पे आपको बोला गया है डिटरमाइन राइस टाइम पीक टाइम सेटलिंग टाइम फॉर टू परसेंट टॉलरेंस ओके मैक्सिमम पीक ओवरशूट ओके ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं मतलब जो हमने स्टेप रिस्पांस के लिए जितने भी हमने फॉर्मुले डिराइव किए थे सारे के सारे यहां पर आपको अब यूज करने हैं ओके सो हमें पता है सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होगा फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम उससे हमें जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि तो आपके जो सारे फॉर्मले हैं वो जीटा और ओमेगा एन पर ही डिपेंड करते हैं ओके सो so, आपका या आप एक काम और कर सकते हैं यहां पर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको पता है क्या होता है वन प्लस जी एस इक्वल टू जीरो ओके सो so, कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो ओके सो यहां पर आपका टू जीटा ओमेगा एन कितना हो जाएगा फोर और ओमेगा कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ओमेगा एन का स्क्वायर है, है तो तो okay? so, गई है टू अपॉन फाइव ना अगर हमारे पास अब जीटा और ओमेगा एन आ गया है तो आपके फॉर्मुलेस क्या क्या है आप हमें मान लीजिए राइस टाइम कैलकुलेट करना है तो राइस टाइम का फॉर्मुला क्या होता है आपके पास पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी ठीक है पाई माइनस कॉस इनवर्स जीटा ओमेगा डी क्या होता है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर तो आप देखिए यहां पर आपके पास यहां पर ओमेगा एन भी है और यहां पर आपके पास जीटा भी है दोनों वैल्यूज है हमारे पास तो बड़े आराम से हम लोग राइस टाइप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप यहां पर देखेंगे ये जो ओबेगा डी की यूनिट होती है वो क्या होती है रेडियन पर सेकेंड ओके okay? जो पाई होता है वो भी क्या होता है आपका रेडियन ओके इसका विधिक क्या है जो फाई है वो भी क्या होना चाहिए रेडियन तभी तो रेडियन रेडियन कैंसिल होगा और वन अपॉन वन अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा क्योंकि राइस टाइप की यूनिट भी क्या होती है आपकी सेकेंड होती है ओके okay? तो यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप फाई कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से वो आप इन रेडियन कैलकुलेट करेंगे

तो आपको फिर से पता है ओमेगा डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको ओमेगा एन और जीटा दोनों वैल्यूज पता है सिर्फ फॉर्मुले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेटर का यूज करना है ओके okay. नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है सेटलिंग टाइम और आपको सेटलिंग टाइम में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको बोला गया है टू परसेंट टॉलरेंस के लिए हमने फॉर्मुला कैलकुलेट किया हुआ है फॉर्मुला था हमारा फोर टाउ और यू कैन से फोर अपॉन जीटा ओमेगा एंड ओके देख सकते हैं आप यहां पर आपको जीटा ओमेगा मेगा की वैल्यू पता है कितनी है टू है डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करिए ठीक है फोर बाई टू तो आपका आंसर आ जाएगा टू सेकेंड क्लियर है पॉइंट आपको एमपीओ में डायरेक्ट लिखा है मैक्सिमम पीक ओवरशूट और कुछ भी मेंशन नहीं है कि फर्स्ट की सेकंड तो आप डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यहां पर भी एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मुला है वो हो जाएगा ई e की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर का अंडर रूट ओके okay. सिंपली आपको जीटा की वैल्यू यहां पर नोन है आप जीटा की वैल्यू पुट करिए आपका एमपीओ का आंसर आ जाएगा ओके okay. सो so, इस तरह से ये जो पैरामीटर्स है ये बहुत ईजी है एक्चुअली में कैलकुलेट करना इनके डायरेवेशन थोड़े टफ थे इनके फॉर्मुलेस निकालना लेंदी प्रोसेस था बट अगर आपको फॉर्मुलेस पता है तो न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स नोन है ओके okay? ये यह आपको यहां पर दिया हुआ है ये इस तरह से है आपका ओके okay? सो so यहां पर आपको टाइम की एक वैल्यू गिवन है दैट पॉइंट ओके एंड आपको यहां पर ये यह जो एम्पलीट्यूड वाला एक एक्सिस गिवन है और यहां पर आपको आपके ग्राफ से एक डिफरेंस दिया हुआ है और ये जो आपका डिफरेंस लिखा हुआ है उस डिफरेंस में आपको इस तरह से शोन है टू परसेंट ओके okay, इसकी क्या मीनिंग है आपको खुद से सोचना है यहां पर ओके सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट 0.02 सेकंड दिया हुआ है उसकी क्या मीनिंग हो सकती है देखेंगे आप ग्राफ जो है आपका वो लगातार वेरिएबल है जैसे ही वो पॉइंट 0.02 सेकंड तक पहुंच रहा है आप देखेंगे ग्राफ आपका लगभग कांस्टेंट हो गया है यहां पर ओके okay, तो इसकी क्या मीनिंग है कि जो 0.02 सेकंड है उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड जो है रिस्पांस का वो आपका है इसकी मीनिंग आपको सोचनी होगी ठीक है ये आप सोचिए तब तक जो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि आपको निकालना है वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ओके सो टाइम कांस्टेंट आपको चाहिए अब अब इस पॉइंट की मीनिंग क्या है एक्चुअल में यह पॉइंट जीरो टू सेकेंड है आपका सेटलिंग टाइम क्योंकि इस टाइम के बाद आपका जो आउटपुट है वो लगभग आप देख सकते हैं क्या हो गया है आपका

तो अगर हमें फोर टाओ की वैल्यू पता है पॉइंट जीरो टू सेकेंड तो जो हमारी टाओ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी तो पॉइंट जीरो तो कुछ भी नहीं था आपको सिर्फ ये समझना था कि जो गिवन है वो सेटलिंग टाइम है और सेटलिंग टाइम जो है वो आपका टू परसेंट टॉलरेंस लेवल के लिए गिवन है ठीक है तो बस यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहां पर ओके तो इस वीडियो में मैं अभी इतने ही ले रहा हूं। वीडियो में और भी क्वेश्चन लूंगा अपॉन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के होंगे ये जो थे आपके, जो मैंने आज लिए सिर्फ आपकी थ्योरी को क्लियर करने के लिए थे बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे आपके ना okay? अगर इन क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इन द लास्ट वीडियो

पॉइंट सिक्स थ्री के एंड दिस एम्पलीट्यूड इज पॉइंट थ्री सेवन के ओके इस एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में जो टाइम है इट इज टू एंड इस एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो फाइव है और टी जो है अब आपका सेकेंड में है ओके okay? और आप यहां पर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन है दैट इज के अपॉन एस प्लस बी ओके नाउ आपको वैल्यू ऑफ बी यहां पर फाइंड आउट करनी है ये आपका है कंप्लीट क्वेश्चन ओके सो सॉल्यूशन पार्ट में अगर देखू इसका आप यहां पर समझिए आपको यहां पर गिवन है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके और आपको यहां पर ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन है आप जानते हैं जब भी इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है इसका मीनिंग क्या है आपका जो इनपुट है वो इंपल्स है दैट मीन्स जो इनपुट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो वन होगा दैट मीन्स टीएस जो होगा आपका वो सी के इक्वल ही होगा ओके okay? ये आपको पता है ठीक है आप थ्योरी में बहुत बार देख चुके हैं पॉइंट सो so, आप यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां पर इस टी एस का इनवर्स लाप्लास ले लू तो मुझे सी टी मिल जाएगा तो सी टी जो होगा आपका वो इस टीएस का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका के ई की पावर माइनस बी टी यूटी भी लिख सकते हैं आप ऑल दो यूटी की वैल्यू पॉजिटिव साइड आपकी वन ही होनी है तो के ई की पावर माइनस बीटी यह आपका क्या निकल गया इंपल्स रिस्पॉन्स सी टी ओके okay. नाउ अब आपको पता है ग्राफ से कि जब भी आपका एम्पलीट्यूड जो है वो पॉइंट सिक्स थ्री के होता है तो जो टाइम है वो टू होता है ओके okay? सो so आप यहां पर क्या करेंगे सीटी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे पॉइंट सिक्स थ्री के तो आप टी की जगह क्या पुट कर देंगे यहां पर टू पुट कर देंगे ओके okay? सो so यहां पर हो जाएगा के ई e की पावर माइनस टू बी तो जो आपका के एंड के है वो आपका कैंसिल हो जाएगा ओके okay? सो so, अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले यहां से क्या है आपका इक्वेशन पॉइंट सिक्स थ्री इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू बी ठीक है ना अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको सॉल्व कर ले तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी ओके क्लियर है पॉइंट तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका आपको पता होना चाहिए था कि इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है अगर आपको और ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो इंपल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ट्रांसफर फंक्शन ही होता है फिर बस आपको दोनों को कंपेयर करना था और कुछ भी नहीं था आपका क्वेश्चन में ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू इस क्वेश्चन नंबर टू में आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है ओके okay? इनपुट है आपका आर एंड आपका जो फॉरवर्ड पाथ गेन है ये है आपका के अपॉन एस इन टू एस प्लस टू ओके एंड आउटपुट इज सी आपका फीडबैक पाथ गिवन है फीडबैक पाथ का जो गेन है आपका दैट इज वन प्लस बी एस और जो आपका फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक है ओके okay? सो so, ये जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है इस पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वैल्यू ऑफ के एंड बी कैलकुलेट करिए जबकि यहां पर आपको डैम्पिंग रेशियो एंड ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ये दो वैल्यूज आपको गिवन है ओके okay? सो so, यहां पर आपको जब के और बी कैल्कुलेट करना है तो आपको पता है डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा एन किस इक्वेशन में आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में आते हैं या आप कह सकते हैं आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा सी एस अपॉन आर एस निकालना पड़ेगा तब उससे आप कंपेयर करके जीटा और ओमेगा एन के थ्रू के और बी कैलकुलेट कर पाएंगे तो अगर मैं सबसे पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करूं सी एस अपॉन आर एस तो आपको पता है ये नेगेटिव फीडबैक है तो क्या हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी एच ओके सो वन प्लस वन प्लस बी एस इंटू के ओके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एस इंटू एस प्लस टू हो जाएगा ओके जी अपॉन वन प्लस जी इंटू एच आ गया आपका ठीक है अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लू यहां से ट्रांसफर फंक्शन को तो आपका क्या आ जाएगा के ओके डिवाइडेड बाय आप देखिए यहां पर ये अगर मैं नीचे एलसीएम ले लू तो एस इंटू एस प्लस टू आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ओके okay, तो क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस टू एस ओके okay? और आगे क्या हो जाएगा आपका वन प्लस बी एस इंटू के ओके तो ये आ जाएगा वन प्लस बी एस इंटू के ओके सो यहां से अगर मैं ऑल सॉल्व कर लूं तो एस स्क्वायर प्लस एस एस का कॉफिशन क्या है आपका टू है ओके okay? प्लस क्या हो जाएगा आपका बी इंटू के ओके नाउ जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा ओके okay. नाउ हमें पता है कि जो एस का काफिशियंट होता है वही क्या होता है टू जीटा ओमेगा एन तो क्या हो जाएगा टू प्लस के ओके एंड जो ओमेगा एन है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट के हो जाएगा आपका ओके okay. यहां से आप देखिए आपको जीटा भी पता है और ओमेगा एन भी पता है तो ओमेगा एन सिक्स है तो के आपका डायरेक्टली आ जाएगा यहां पर थर्टी सिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके एंड जीटा की जो वैल्यू है आपकी वो पॉइंट सेवन है ठीक है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं टू इंटू जीरो पॉइंट सेवन इंटू सिक्स इज इक्वल टू टू प्लस थर्टी सिक्स बी यहां से आपका बी भी कैलकुलेट हो जाएगा ओके okay? सो so, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सिंपली बस आपको क्या करना था ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना था ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना था और ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर आपको अब याद हो चुका होगा आई थिंक एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है ओके, okay? और फॉरवर्ड पास जो गेन है आपका वो आपको गिवन है, है आपका वो आपको गिवन है यहां पर पी ओके और यहां पर फिर से आपका नेगेटिव फीडबैक है इनपुट इज योर आर एस अब आपको यहां पर बोला है कि जो डीसी गेन है वो है आपका टू और जो आपका टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है फोर आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर के एंड पी की ओके okay? तो हमें पता है क्वेश्चन से कि डीसी गेन जो होता है वो क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट करिए और उसमें आप एस की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए डीसी मीन एस इक्वल टू जीरो मैं यहां पर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करता हूं सॉल्यूशन पार्ट में तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा फिर से जी अपॉन वन प्लस जी एच ओके तो पी के अपॉन एस हो जाएगा वन प्लस में क्लियर यहां तक तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा के अपॉन एस प्लस पी के क्लियर है पॉइंट यहां तक नाउ ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन यहां पर कैलकुलेट हुआ है उस ट्रांसफर फंक्शन के में अगर मैं डीसी गेन कैलकुलेट करूं तो डीसी गेन क्या होगा जब एस की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो डीसी गेन इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका एस इक्वल टू जीरो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन अपॉन पी तो वन अपॉन पी किसके इक्वल है आपका इक्वल है ठीक है तो टू इज इक्वल टू वन अपॉन पी तो यहां से आपका पी सॉल्व हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नाउ आपको और क्या गिवन है टाइम कॉन्स्टेंट गिवन है आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ओके एस अपॉन एस प्लस पी के तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन पता है टाउ टाउ और ये जो होता है वही क्या होता है आपका टाइम कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर है के अपॉन एस प्लस पी के ठीक है तो यहां पर आप देखिए के अपॉन एस प्लस पी के अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आपको पता है एस के साथ जो प्लस में है वहां वन आना चाहिए इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है आप पीके से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे ठीक है तो ऊपर क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा आपका ठीक है और यहां क्या हो जाएगा वन प्लस एस अपॉन पीके हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर हमें ठीक है अब जो एस का कॉफिशियंट होता है वही क्या होता है आपका टाउ होता है तो जो एस का कॉफिशियंट है वो क्या है वन अपॉन पीके और यही क्या होगा आपका टाउ होगा टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में फोर गिवन है ठीक है पी की वैल्यू आपकी इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो रही है कितनी कैलकुलेट हो रही है इज इक्वल टू ओके तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ के वन अपॉन पी आप देख सकते हैं टू है तो क्या हो जाएगा टू अपॉन के इज इक्वल टू फोर तो के की वैल्यू भी आपकी यहां से कैलकुलेट हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें ठीक है तो इस तरह से आप पी और के दोनों की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर ए पॉइंट ओके तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था आपको ये समझना था कि डीसी गेन दिया है डीसी गेन मीन्स क्या होता है ट्रांसफर गेन मीन्स ट्रांसफर फंक्शन ही होता है डीसी दिया है मीन्स एस इक्वल टू जीरो दिया था तो आपको यह समझना था ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करके कि ये कौन से ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का था आपका तो आपको सिंपली फर्स्ट ऑर्डर के स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर कर देना था आपका आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको ओके, नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हुआ है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और आपको बोल क्या रहा है ठीक है टू द सिस्टम रिस्पॉन्स रीचेस टू द फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू इन एट सेकेंड ओके आपको बोल रहा है कि जो आपका इनपुट है वो स्टेप है ओके okay? एंड जब स्टेप इनपुट आपका अप्लाई किया गया है तो रिस्पॉन्स रीचेस टू दिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स स्टडी स्टेट वैल्यू परसेंट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू इन कितने सेकेंड आपको दिया है एट सेकेंड में ओके okay? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ठीक है और आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द टाइम ठीक है आपको टाइम निकालना है एट विच रिस्पॉन्स रीचेस टू द 99 परसेंट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू ओके ये आपको कैलकुलेट करना है ठीक है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया है आपको क्या बता रहा है इनपुट आपका स्टेप इनपुट है ओके okay? और आपको बोल रहा है इसमें 50 परसेंट ऑफ द

जब भी आपका सिस्टम जो है फिफ्टी परसेंट ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू रीच करता है दैट टाइम कॉल्ड डिले कब पहुंचेगा इसके लिए भी हमने फॉर्मुला कैलकुलेट किया है यह है आपका सेटलिंग टाइम विद 1% टॉलरेंस और सेटलिंग टाइम का 1% टॉलरेंस का फॉर्मुला हमने कैलकुलेट किया था फाइव टाउके

So, यहां पर हम फाइव टाउ वाला फॉर्मुला यूज करेंगे एस देर इज अं परसेंट टॉलरेंस ओके ना अब अगर आप ध्यान से समझे इसको तो हमें टी डी की वैल्यू जो है वो गिवन है टी डी की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी एट सेकेंड ओके तो यहां पर हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है आपको कितने समय पे आपका 99% पे परसेंट में पहुंचेगा दैट मीन सेटलिंग टाइम की वैल्यू आपको चाहिए ओके okay. तो अगर आप यहां से टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपकी क्या निकल जाएगी यहां से सेटलिंग टाइम आपका कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि सेटलिंग टाइम आपका क्या है फाइव टाउ है ठीक है तो यहां से टाउ क्या हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू एट अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओके जैसे ही आपका टाउ कैलकुलेट होगा आप सिंपली टाउ की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आपका सेटलिंग टाइम भी क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा ओके सो क्लियर है आपको सो so, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके ऑन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ठीक है अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव सोल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन टूडे वीडियो वी विल अगेन सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन First order and second order systems. Okay. Now, the first numerical is two transfer functions are given. First transfer function is 1 upon 3s plus 1, and second transfer function is 1 upon 4s plus 1. Okay. So, two systems are represented by this 2 transfer function. Suppose first one is T1S and second one is T2S. Now, उट विच सिस्टम बैंडवेथ इज हायर ठीक है किस सिस्टम की बैंडवेट आपकी ज्यादा होगी फर्स्ट सिस्टम की होगी कि सेकेंड सिस्टम की, की होगी नाउ okay. हमें यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है क्योंकि दोनों ही सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक एक पोल ही है आपके ओके okay. नाओ हमें अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन याद हो तो वो होता है आपका वन अपॉन वन प्लस एस टाउ ओके सो अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को इन दो गिवन सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टाउ वन है वो कितना है थ्री है और जो आपका टाउ टू है वो कितना है आपका फोर है ओके टाउ जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड्स और जो बैंडविथ होती है आपकी हर्ट्स में वो होता है आपका वन अपॉन टाउ थ वन इज इक्वल टू वन अपॉन टाउ वन एंड बैंडल टू वन अपॉन टाउ टू ओके क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बैंडविथ होती है ठीक है ठीके? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टाउ वन है वो थ्री है और टाउ 2 आपका 4 है इसका मतलब क्या होगा क्लियरली आप बोल सकते हैं कि जो बैंडविथ फर्स्ट होगी वो ग्रेटर होगी बैंडविथ सेकेंड से ओके okay? क्योंकि वन बाय थ्री जो होगा वो ग्रेटर होगा वन बाय फोर से तो आप क्लियरली यहां पर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट सिस्टम है उसकी बैंडवेथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड सिस्टम से ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है ओके okay? मैं यहां पर स्टेप रिस्पॉन्स ड्रॉ कर देता हूं ये आपको गिवन है स्टडी स्टेट वैल्यू जो है वो आपको वन गिवन है ओके okay? फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आपको फिगर के लिए वरी नहीं करना है ओके, दिस इज माई फिगर ओके सो यहां पर जो आपको पीक वैल्यू है वो गिवन है यहां पर वन प्लस वन अपॉन ई दिस इज योर पीक वैल्यू वन प्लस वन अपॉन ई एंड आपको यहां पर जो पीक वैल्यू पर जो टाइम है वो भी आपको गिवन है वन सेकेंड ओके आपको यहां बताना क्या है आपको निकालना है यहां पर टी एस सेटलिंग टाइम फॉर टू परसेंट टॉलरेंस ओके okay, ये आपका क्वेश्चन है यहां पर ओके okay, ठीक है तो अगर आप इस फिगर को याद करें हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ ये फिगर तो ये जो टाइम होता है आपका ये टाइम होता है आपका पीक टाइम तो पीक टाइम का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या होता है टी पी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी क्यों हमने पाई अपॉन ओमेगा डी लिया क्यों हमने एन नहीं लिया क्योंकि ये फर्स्ट पीक है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पाई अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू वन है ठीक है तो यहां से आपका ओमेगा डी कैलकुलेट हो जाएगा ओमेगा डी कितना आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ना यहां पर अगर हम देखें तो हमें वन प्लस वन ई e जो गिवन है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन है यहां पर ओके और स्टडी स्टेट श्टेड़ वैल्यू कितनी गिवन है आपको वन आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू एंड स्टडी स्टेट श्टेड़ वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट सो so, ये हो जाएगा एम पीओ कितना आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन ई माइनस वन आंसर क्या आ जाएगा ओके नाउ मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जो फॉर्मूला है वो होता है e की पावर जीटा जीटा पाई अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर ये किसके इक्वल है आपका ई e इनवर्स के इक्वल है इसकी क्या मीनिंग है इसकी मीनिंग ये है कि जीटा पाई अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर आपका इक्वल है वन के ओके सो so, यहां से आपका एक इक्वेशन जीटा के फॉर्म में आ गया और एक आपको यहां से ओमेगा डी की वैल्यू पता है ओके okay. नाउ यहां पर अगर मैं सेटलिंग टाइम का फॉर्मुला लिखू तो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है आपका टू परसेंट टॉलरेंस के लिए फोर अपॉन जीटा ओमेगा एन ओके okay. सो so, यहां पर एक्चुअल में आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए आपको जीटा ओमेगा एन की ठीक है ना तो यहां पर अगर आप देखें जो ओमेगा डी है उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा एन अंडरुड वन माइनस जीटा स्क्वायर ये आपको गिवन है यहां पर पाई ओके यहां पर अगर मैं इन दोनों इक्वेश को मल्टीप्लाई कर दू ठीक है ना मल्टीप्लाई अगर करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा देखिए आप पाई वन आपका पाई हो जाएगा आप देख सकते हैं अंडरवुड वन माइनस जीटा स्क्वायर यहां न्यूमरेटर में है और यहां पर वो डिनोमिनेटर में है तो कैंसल हो जाएगा ओके तो कितना आ जाएगा आपका जीटा पाई ओमेगा ओमेगा ठीक है है ना ये ओमेगा एन जो है जीता पाई से मल्टीप्लाई हो फोर सेकेंड ओके सो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था बस आपको थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए था जो स्टेप रिस्पॉन्स वाला आपका फिगर है ठीक है ना कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फिगर से ठीक है या तो आप पीक टाइम कैसे आइडेंटिफाई करोगे फिगर से तो अगर आपको फिगर का नॉलेज होगा तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री पे आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवर है के अपॉन एस इंटू वन प्लस टी एस ओके नाउ और आपको यहां पर बोल रहा है कि डैम्पिंग रेशियो वैल्यूज वेरीज फ्रॉम जीरो पॉइंट टू टू जीरो बोल रहा है कि जो damping ratio की जो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू है आपकी वो से तक इंक्रीज हो रही है है ठीक ना फॉर द स्टैंडर्ड क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमें यहां पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस बट जो डैम्पिंग रेशियो है वो किससे एसोसिएट करता है आपका स्टैंडर्ड क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से ओके ये आपको दिया हुआ है नाउ आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर जीटा जो है वो पॉइंट टू से पॉइंट सिक्स तक इंक्रीज करता है तो आप वो फैक्टर कैलकुलेट करिए जिससे के मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ना फैक्टर बाय विच के विल बी मल्टीप्लाइड ओके ये हमें कैलकुलेट करना है यहां पर ओके सो अगर मैं सॉल्यूशन देखू इसका अगर मैं यहां पर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी क्योंकि यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है वो गिवन है यूनिटी फीडबैक ठीक है ना यूनिटी नेगेटिव फीडबैक स्टैंडर्ड है तो कितना हो जाएगा वन प्लस के अपॉन एस इंटू वन प्लस टी ओके सो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा के अपॉन एस प्लस एस स्क्वायर टी प्लस के ओके यहां पर ये एस इंटू हो जाएगा और एस स्क्वायर हो जाएगा आपका ये ओके okay. नाउ अब आपको पता है कि इस ट्रांसफर फंक्शन में जो एस स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो वन होना चाहिए तो आप पहले उसे वन कर दीजिए ठीक है तो आप टी एस को इस तरह से लिख सकते हैं के अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा आपने बेसिकली किया क्या है यहां पर टी से ऊपर नीचे डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा एस बाई टी प्लस के बाय ओके नाउ अगर आप इसे स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो टू जीटा ओमेगा एन कितना हो जाएगा आपका अपॉन टी और जो ओमेगा एन है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन टी ओके नाउ यहां पर हमें यह समझना होगा कि हमें गिवन है कि जो जीटा है वो पॉइंट टू से पॉइंट सिक्स तक वेरी कर रहा है ठीक है तो हमें एक इक्वेशन यहां पर जीटा के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा तो अगर मैं यहां पर ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा टू जीटा अंडर रूट के अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी ओके सो यहां से जो जीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आप देखिए ये one upon two तो यहां आ जाएगा आपका ठीक है जो आपका टी टी है यहां पर अंडर रूट अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट टी बचेगा ठीक है और एक पॉइंट और है जो अंडर रूट के है वो भी कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट के टी तो ये आपका इक्वेशन हो गया जीटा की वैल्यू क्या आ गई टू अंडर रूट टी के नाउ जीटा कहां से कहां हो हो रहा है? 0. 22, 0. हो रहा है 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 तो तो हमें क्या निकालना फैक्टर बाय के विल बी बेसिकली कहा जीटा का इक्वेशन नहीं चाहिए यहां पर हमें के का इक्वेशन चाहिए तो हम के का इक्वेशन यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं तो के की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको पहले तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा ठीक है और आप के को इस तरफ ले आएंगे स्क्वायर करने के बाद तो क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर जीटा का स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा ठीक है तो अब अगर आप देखिए यहां से अगर आप के वन कैलकुलेट करते हैं ठीक है के वन देखिए यहां पर टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दैट मींस आप टी को यहां पर कॉन्स्टेंट ही लेके चलेंगे ठीक है ना टी विल बी बिहेव एज अ कांस्टेंट तो अगर आप यहां पर के वन करेंगे तो जीटा क्या ले लेंगे जीरो पॉइंट टू तो फोर इंटू जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर इंटू टी ओके, okay, नाउ जो टू है वो क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर इंटू जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी आ जाएगा ओके okay, तो यहां पर अब अगर मैं के टू अपॉन के वन करता हूं ठीक है तो आप देख सकते हैं जो टी और टी है दोनों साइड से वो कैंसल हो जाएगा और जो फोर और फोर है वो भी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा आपका तो जो के टू अपॉन के वन है वो आ जाएगा आपका पॉइंट टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है ना तो पॉइंट टू का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फोर ठीक है और पॉइंट सिक्स का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप जीरो क्लियर okay, है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये आंसर आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट वन वन के अराउंड ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया कि जो के है वो जीरो पॉइंट वन वन से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए जब आप जीटा को चेंज करेंगे 0.2 से 0.6 तक ओके okay? क्लियर है क्वेश्चन आपको ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इसमें आपको एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस सिक्स एंड आपको इनपुट गिवन है सिस्टम के लिए थ्री यूटी ओके और जो आपका क्वेश्चन है आपको निकालना है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ओके स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आपको आउटपुट निकालना है एट टी एटीस टू इंफिनिटी या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको आउटपुट तब निकालना है जब आउटपुट आपका कांस्टेंट हो चुका है ठीक है ना आउटपुट इज कांस्टेंट ना अगर आप ध्यान से यहां पर समझे आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन आपका होता है सी एस अपॉन आर एस ओके तो सी एस अपॉन आर एस जो है आपका वो है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस सिक्स ना जो आपको आर एस है वो भी गिवन है यहां पर आप ध्यान से देखिए आपको इनपुट गिवन है थ्री यू टी मतलब आर एस कितना हो जाएगा आपका थ्री अपॉन एस हो जाएगा ठीक है ना तो आप आर एस की वैल्यू जब यहां पुट कर देंगे तो सी एस क्या होने वाला है आपका वन अपॉन क्या है ट्रांसफॉर फंक्शन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस सिक्स ओके अब यहां पर आर एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स थ्री अपॉन एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका थ्री बाय नाउ आपका क्वेश्चन क्या है आपको स्टडी स्टेट वैल्यू निकालनी है फॉर आउटपुट ठीक है तो स्टडी स्टेट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मुला हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में वो होता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी सी टी ठीक है तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इस सी एस का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट कर लें

कैलकुलेट करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा या तो आप लिमिट एस टेंस टू जीरो सेम आएगा ठीक है तो दोनों ऑप्शन डोमेन में इक्वेशन हो तब आप ये सीटी वाला इक्वेशन यूज करिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वाला जब आपके पास एस डोमेन में इक्वेशन हो तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करिए लिमिट एस टेंस टू जीरो एस सी एस वाला ठीक है ना

ठीक है तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बेसिक्स ओके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो कि है आपका स्टडी स्टेट एरर ऑल दो हमने थ्योरी में स्टडी स्टेट एरर को कवर किया हुआ है लेकिन हम न्यूमेरिकली स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले हम उसके फॉर्मलेस क्रिएट करेंगे हाउ टू क्रिएट स्टडी स्टेट एरर देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स On the steady state error. Okay, goodbye.